Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, uigko that's that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. जैसा कि आज का आप टॉपिक देख पा रहे हैं यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा वो बच्चों एग्जैक्टली exactly, अगर आप बात करेंगे तो बहुत डिफरेंट सा टॉपिक है अब ये जो बात होती है ना कि हर बार आपको लगेगा कि मैम हर चीज़ को डिफरेंट बोलती हैं ऐसा नहीं है आज का टॉपिक आप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेशन जब पूरा आज की जो लर्निंग है आपको जब मिल जाएगी जब मैं आपको इम्पाट कर दूँगी उसके बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली दिस इज़ द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन या आज हमने बहुत अलग सी कोई बात की आज बिल्कुल भी आज मतलब बिल्कुल हंड्रेड परसेंट कोई ऐसी बात नहीं होने वाली जो एकेडमिक्स की हो जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो जो बिल्कुल मोटी मोटी किताबों की बात करने वाले हो हम हम वो बात नहीं करने वाले हैं आज के दिन आज की डेट पे हम बात करने वाले हैं सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ह्यूमन इमोशंस की वो इंसानी जज्बात जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं ह्यूमन रिलेशंस ह्यूमन इमोशंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स जो हमारी लाइफ को मैटर करती है यू नो थिंग्स जो आपकी और मेरी लाइफ को मैटर करती है जो हमारे जिसको हम बोलते हैं ना द डे टू डे थिंग्स या फिर लाइफ स्किल्स अब लाइफ स्किल्स जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम आई एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जैसा मैं बोलती हूँ कि करंट अफ़ेयर्स रातों रात नहीं सीखा जा सकता रातों रात आप करंट अफेयर्स में महारत हासिल नहीं कर सकते आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं आपको छोटे छोटे माइल अचीव करने होते हैं आपको साथ में करना होता है दैट इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी है ना कि आप कितना कंसिस्टेंटली कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको समझाएगी कि आपके करंट अफेयर्स या आपकी जो पढ़ाई है वो कितनी सार्थक है या कितना आपको याद रहता है इन द लॉन्ग रन बिकॉज ऑब्वियसली जितना आप पढ़ते हैं उसका कुछ ही पार्ट आप रिटेन

तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि भाई आप जब दस चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें से कम से कम चार तो आपके दिमाग में जाएंगी और रहेंगी तो इसी तरह हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं है ना कि रातों रात बिल्कुल कल एग्ज़ाम है और आज हम सोचेंगे पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता राइट बिल्कुल वैसे ही उसका एक और पार्ट है आपके आई जी क्यू एग्ज़ामिशन का अगर आप जानते हो कि लाइफ स्किल्स लाइफ स्किल्स के ऊपर लोग मुझसे अक्सर बात करते हैं अक्सर बोलते हैं बहुत सारी बातें होती हैं और कहा जाता है कि मैम आप लाइफ स्किल्स सेशंस लिया कीजिए लाइफ स्किल्स सेशंस आर वेरी गुड अब लेकिन क्या होता है लाइफ स्किल सेशंस में कि लाइफ स्किल सेशंस क्या होते हैं एग्जैक्टली राइट अगर हम बात करते हैं बहुत फॉर्मल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स टाइप की या अगर हम बात करते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जब लाइफ स्किल सेशंस होते हैं तो वो बहुत अलग होते हैं उसमें एक एजेंडा होता है एक गोल होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है विच इज़ अबाउट मे बी कंपनी के लिए होता है या एक स्ट्रक्चर होता है उसका राइट right? लेकिन आपकी हमारी एज में हमारी तो नहीं मतलब मैं तो बहुत बड़ी हूँ लेकिन आपकी एज में आपकी एज ऐसी है अभी कि बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना बहुत ही क्लीशे सी लाइन आपको लगेगी बहुत ही क्लीशे सा डायलॉग लगेगा आपको लगेगा कि ये तो सब बोलते हैं मैम ने भी बोल दिया लेकिन एक्चुअली ये बहुत सही बात है कि आप बिल्कुल अभी ना वो जिसको कहते हैं ना कच्ची मिट्टी जैसे कच्ची मिट्टी जैसे हैं और अभी जैसा ढाल दिया जाएगा वैसे ढल सकते हैं एक बार आपने कभी पोट्री बनाते हुए देखा है पोट्री बनाने का शौक़ बहुत होता है आजकल आजकल पहले तो बेचारे सिर्फ कुम्हार लोग पोट्री बनाया करते थे आजकल उनका आर्ट जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया है आजकल पोट्री की क्लासेज होती हैं अगर गर्मियों की छुट्टी में कोई पॉटरी की क्लासेस करता हो तो उसको यह मालूम होगा कि जब आपको मिट्टी को शेप देना होता है और उसको मटके का शेप देना होता है या जो भी शेप आपको पॉटरी का देना होता है आपको गीली मिट्टी को उसको शेप देना होता है है ना उसमें जैसे आप मोड़ना चाहें जो पॉटरी व्हील होता है जब आप उस पर चढ़ाते हैं उसको तो आप उसको जिस तरह का शेप देना चाहें वैसे दे सकते हैं आप एक मात्र अंगूठे के जो प्रेशर से अगर आप चाहें तो आप एक मटके को सुराही का रूप दे सकते हैं राइट तो वो आपके हाथ में होता है पर एक बार सोचिए कि एक बार जब वो जम जाए एक बार उसको जब पका लिया जाएगा पॉटरी को तो क्या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आप मटके को सुराही बना लें बिल्कुल नहीं बना सकते बिल्कुल नहीं बना सकते अगर आप सोचेंगे भी मतलब सुराही बनाना तो छोड़िए लेकिन अगर आप सोचेंगे भी कि आप इसमें कोई वेरिएशन कर लें या चलो बहुत चौड़े मुँह का मटका है इसको थोड़ा पतले मुँह का कर लें या पतले मुँह का है इसको चौड़े मुँह का कर लें तो क्या आप ये कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते आप उसकी रिम भी चेंज नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते एफ यू विल ट्राई दैट यू विल एंड अप ब्रेकिंग दैट राइट आप उसको तोड़ देंगे दैट इज इट आप उसमें कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो बिल्कुल उसी तरह आप अभी जो है ना वो बिल्कुल वो गीली मिट्टी है जिसमें पॉटरी जो है वो पॉटर जो है वो अपने व्हील पे जिसको चाह के भी एक सिंपल से एक यू you नो know, एक अंगूठे के थम के प्रेशर से अगर चाहे तो आपको मटके से सुराही बना सकता है आपका जो मुंह है अगर उसको हम अपना दिमाग मानते हैं तो उसको खोल सकता है और अगर चाहे तो उसको बंद कर सकता है ठीक है ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट यू आर इन फॉर्मेटिव ईयर्स एंड दीज आर नॉट ओनली द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ ऑल्सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से सबसे ज्यादा जो उलझन वाले टाइम होता है ना कि सबसे ज्यादा आपको लगता है कि नो बीडी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू यार सब एक अलग अलग जनरेशन गैप फील होता है आई अंडरस्टैंड वॉट इट फील्स राइट बिकॉज आई हैव बिन एट दैट प्लेस आई हैव बिन एट दैट पॉइंट मुझे समझ में आता है वो कि इस टाइम पर आपको लगता होगा ना कि यार मम्मी पापा अलग ही टेंजेंट पर रहते हैं मैम टीचर्स वगैरह अलग ही उस पर हैं उनको तो हमारी क्या प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती है उनकी अपनी लाइफ है उनको उनको क्या पता कितना प्रेशर कितना टेंशन है हमारी लाइफ में राइट right? आपके टेंशन आपके प्रेशर को तो कोई समझते ही नहीं है लगता होगा ना कई बार ऐसा एग्जैक्टली exactly. अब आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्यों हो गया है इतना लंबा भाई पॉइंट पे भी आइए पॉइंट एक्चुअली कुछ है ही नहीं यार बॉस आज के सेशन में कोई पॉइंट नहीं है आज के सेशन में बिल्कुल ही इंट्रैक्शन ही है अपन बातचीत करने वाले हैं और आज की डेट में अपन क्या बात करने वाले हैं आज की डेट में अपन बात करने वाले हैं बिल्कुल जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं ना लाइफ स्किल्स की पंद्रह फोटोग्राफ मात्र पंद्रह फोटोग्राफ के थ्रू हम पंद्रह लाइफ लेसन समझने की कोशिश करेंगे या फिर शायद उससे ज़्यादा ही समझ लें ठीक है अगेन इसमें कोई गणित नहीं है है ना बहुत सिंपल सी चीज समझो कि जब हम लाइफ की बात करते हैं ना तो इसमें कोई गणित नहीं होती इसमें दो और दो चार हो यह जरूरी नहीं होता इसमें दो और दो पाँच भी हो सकते हैं दो और दो दस भी हो सकते हैं दो और दो जीरो भी हो सकता है राइट तो इसमें कोई एग्जैक्टली exactly, कोई मैथमेटिकल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है ना यहां पर कोई बड़ी मेहनत करके कोई आप कोई एकदम पजल नहीं है जिक पजल या एकदम र्यूब क्यूब नहीं है सॉल्व करने बैठो सो कीप इट इजी कीप इट लाइट कीप इट एट बे और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ो एंजॉय करो मैग्नेट ब्रेन पे आपको मालूम है ना दिस इज अ चैनल वे यू डोंट हैव टू पे एनी हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांगते हम हाँ आपसे ये नहीं कहते कि दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको हमारा पैकेज परचेज करना है क्यों नहीं कहते इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम बहुत एक सिंपल सी बात समझते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फ्री एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए सारे बच्चों को ठीक है फ्री एजुकेशन क्यों हम चाहते हैं कि लोगों को एक्सेसिबल हो या बच्चों तक जाए इसलिए क्योंकि हम उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं हम ये जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे बड़ा कोई लेवलर नहीं हो सकता सोसाइटी का जितनी सोसाइटी में जो इश्यूज दिख रही हैं ना तो हम आपको मालूम है सबसे पहली चीज़ हम क्या बोलते हैं पहली चीज़ बोलते हैं यार कैसे पढ़े लिखे आदमी हो तुम तो? है हाँ ना कैसे पढ़े लिखे आदमी हो तुम कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ मारी या कैसे पढ़े लिखे आदमी हो तुम कि तुम्हें इतना सा बेसिक कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर या कैसे पढ़े लिखे आदमी हो तुम कि तुम्हें इतनी समझ नहीं आ रही उस टाइम पर हमारा मतलब एकेडमिक पढ़ाई लिखाई से नहीं होता मात्र एकेडमिक पढ़ाई लिखाई से नहीं होता उसका मतलब हमारा ये नहीं होता कि यार तुम तो स्कॉलर हो उसके बाद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसके मतलब नहीं होता हमारा मतलब है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आप में वो इग्नोरेंस जो होती है ना जिसमें हम कहते हैं कि इलिटरेट इंसान में जो एक होती है वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए उसके लक्षण जो है वो आपके अंदर नहीं होने चाहिए हालांकि आज के टाइम में जहां हम रह रहे हैं बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात बोलनी पड़ती है और मुझे महसूस होती है कि पढ़ाई लिखाई जो है ना आज सिर्फ डिग्री और किताबें और मार्कशीट तक सीमित रह गई है लोगों के जो बिहेवियर में या कैरेक्टर में नहीं उतर पा रही है तो मैं वो चीज़ नहीं करनी और वो क्यों हो रहा है मालूम है आपको वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग सिर्फ फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर गोल है कि हमको डॉक्टर बनना है हमको इंजीनियर बनना है ट्वेल्थ के बाद हमको एनडीए करना है हमको मेडिकल uh, में जाना है हमको एम करना है व्हाट राइट व्हाट द थिंग इज आप कुछ भी करना चाहें लाइफ में आपका ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए है आपकी मंशा सही होनी चाहिए एंड पीपल आर लैकिंग दैट यू नो पीपल आर बेसिकली लैकिंग इन देयर लाइफ स्किल्स एंड दैट इज वाई उनको अपनी पूरी जिंदगी सफर करते हैं और उनको रियलाइज भी नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है इतनी अच्छी मार्क्स आने के बाद अच्छी अच्छी मार्कशीट होने के बाद तो हम मैगनल रेंस पे कोशिश करते हैं कि हम आपको एजुकेटेड बनाएं नॉट ओनली लिटरेट बट एजुकेटेड इज़ अ डिफरेंस और इसी वजह से हम ये समझते हैं कि एजुकेशन की बेसिकली कोई मूल नहीं होता यार कोई कोई एजुकेशन का ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता और उसका कोई मूल्य मूल लगा भी नहीं सकता ठीक है तो अब ये हो गई ज्ञान ध्यान की बातें अब आते हैं अपन इस पर आज आपको लग रहा होगा कि ये अलग सा टॉपिक है फिफ्टीन फोटोग्राफ फिफ्टीन लेसन्स एग्जैक्टली exactly. अब इसकी वजह क्या है आज जो ये uh, अलग सा अतरंगी सा टॉपिक ले लिया है उसकी वजह क्या अच्छा ये अतरंगी से मुझे याद आया आपने वो एक अभी मूवी आई है अतरंगी रे देखी क्या आपने अगर देखियो आ, सारा अली खान राइट बहुत शी इज़ अ वेरी काइंड ऑफ वेरी फेमस दिस डेज तो सारा अली खान और अक्षय कुमार और धनुष की है ना सो so, अभी अभी आई आई थिंक मैंने मैंने अपनी जनवरी फर्स्ट को सबसे पहले मैंने वही पिक्चर देखी थी तो जब नया साल चालू हुआ तो मैंने बिल्कुल अतरंगी रे से ही चालू किया था नया साल बट द पॉइंट वॉज के असरंगी रे में एक और चीज़ आती है आपने उसको देखा वो पूरी अगर अपने मूवी देखी हो तो आपको मालूम चलेगा दैट इट डील्स वेरी साइकोलॉजिकल जो बचपन का एक बैगेज लेके चलते हैं हम जो साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है एक फॉर्मेटिव ईयर्स का अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट कि जो बढ़ती हुई उम्र रहती है जो कच्चा मन रहता है उस समय के जो आपके एक्सपीरियंसिस रहते हैं वो क्या रहते हैं और वो आपको पूरी जिंदगी आने वाली ज़िंदगी कितना इम्पैक्ट करते हैं या उसका असर कितना रहता है आपके ऊपर उसके ऊपर है वो पिक्चर अगर देखा जाए तो पूरा इट इज़ डीलिंग विद अ वेरी 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 सेंसिटिव टॉपिक बट आई डोंट थिंक पर्सनली आई डेंट लाइक इट मच क्योंकि मुझे लगता है कि उसका बहुत सेंसिटिव टॉपिक था और उसको बहुत ज़्यादा और सेंसिटिविटी के साथ डील किया जा सकता था विद दैट गुड एक्टर्स ऑन बोर्ड बट खैर दैट इज़ वो एक अलग मामला है वो एक उनकी क्रिएटिव uh, उनकी अपनी फील्ड है उनकी फ्रीडम है बट पर्सनली uh, जो बात यहाँ पर हो रही है वही हो रही है दैट अगेन एंड अगेन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट अगर आपको लग रहा होगा दैट यू नो वी नीड टू वर्क इस एज में जिसमें आप हैं इस एज की अच्छी और बुरी दोनों ही यादें बहुत पूरी जिंदगी को आपकी शेप कर देंगी एंड ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी अभी आपको ये लग रहा होगा कि तो ज्ञान ध्यान की बातें हैं और ये बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं होता और ये तो सभी ज्ञान देते हैं पर ये वो जो लोग सभी ज्ञान देते हैं ना ये वो लोग होते हैं जो इस टाइम से निकल गए हैं जो उस टाइम को जी चुके हैं यू नो गुजार चुके हैं उन्हें मालूम कि यार इस समय हमें कोई काश ये समझा देता इस समय कोई हमें ये बोल देता तो अभी आज कुछ लाइफ में कुछ अलग ही बात होती या कुछ अलग ही मज़ा होता है या कुछ शायद ट्रैक ही अलग हो जाता राइट तो आई वॉन्ट टू बी दैट फ्रेंड आई वॉन्ट टू बी दैट फ्रेंड टू यू पीपल क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ना तुम लोग मेरे बच्चे हो तो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैट कि जो चीज़ें हमने की जो चीज़ें हमने मिस कर दी हैं जो चीज़ें हमें लगती हैं कि यार काश कोई हमें अपने स्टेज में समझा देता वो आई ट्राई टू आई एम ट्राइंग है कि वो शायद वो आप लोगों को ना लगे ठीक है ना हो अब ये जो पंद्रह फोटोग्राफ वाला फंडा है वो क्यों है वो इसलिए है बच्चों क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि शब्द जो होते हैं ना दो आर माइटी अद इंस वर्ड्स ये तो सुना होगा वर्ड्स आर माइटी अद इंस ऑफ कोर्स वर्ड्स आर माइटी अद इंस वर्ड्स लेकिन वर्ड से ज़्यादा कोई चीज़ जो ज़्यादा एकदम सीधे दिल पर लगती है और साधा इम्पैक्ट करती है और हमारे दिमाग के जो सारे तार हैं उनको झंझना देती है वो पता है क्या चीज़ होती है वो होती है पिक्चर्स पिक्चर्स क्योंकि विजुअल इमेजेस, विजुअल इमेजेस आर ह्यूमंस जिसको ह्यूमन माइंड मोस्ट परसेप्टेबल इमेजेस, ठीक है जो चीज़ें हमारा दिमाग हम देख लेते हैं अपनी आँखों से वो हम सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं ये मैं नहीं कह रही हूँ ये साइंस के हिसाब से थ्योरी है ठीक है कि जो चीज़ें हम देख पाते हैं न वो हम सबसे ज़्यादा उतार पाते हैं अपने दिमाग में और वो चीज़ें सबसे लंबा इम्पैक्ट करती हैं दैट इज़ वाई वी आर डीलिंग विद दैम पिक्चर्स स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स नो वंडर नो डाउट अबाउट दिस राइट वी मे नीबी एक्सपीरियंस दीज मोमेंट्स इन रियल लाइफ दीज इमेजेस विल हेल्प अस इमेजिन वट लाइफ वॉज लाइक बिफोर वी वॉर्न एंड हाउ इमोशंस ऑलवेज रिमेन्स सेम अक्रॉस बाउंड्रीज इन टाइम मतलब अब जो ये पंद्रह पिक्चर्स आने वाली हैं इस सीरीज में जो भी हम करने वाले हैं आगे इसमें हम और भी करेंगे वी विल डिस्कस मोर ऑफ द पिक्चर्स हम ज़्यादा इसको करेंगे आप बताइएगा मुझे आपको इस सेशन कैसा लगा तो फिर हम इस हिसाब से और भी चीज़ें करेंगे इसमें क्या होगा कि ये जो पंद्रह पिक्चर्स हम देखने वाले हैं ये शायद सारी पिक्चर्स उस टाइम की हैं या उस समय की हैं जब आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा या अगर आपका जन्म हो भी गया था तो वो एक अलग दुनिया की एक अलग वर्ल्ड की पिक्चर्स हैं है ना आप उनको शायद कभी ख़ुद की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ना करें बट यू नो इंटेलिजेंट पीपल डोंट हैव टू एक्सपीरियंस एवरी थिंग टू फील एवरी थिंग ठीक है ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब हम इंटेलिजेंट uh, होते, है, uh, होते हैं जब हम स्मार्ट होते हैं बेसिकली तो हमें हर चीज़ खुद फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके सीखने की ज़रूरत नहीं होती वो जो कहा जाता है ना कि अपनी गलतियों के साथ भी सीखता है ठीक है लेकिन कई बार दूसरों की गलतियों से भी इंसान सीख लेता है कई बार दूसरों की ज़िंदगी को देख कर भी इंसान लाइफ लेसनस ले लेता है ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को खुद ही एक्सपीरियंस करें है ना और वाइस पर्सन ऑलवेज टेक वो दूसरे की लाइफ देख कर भी लेसनस ले लेता है है. तो इसी की बात है कि भाई आ, हो सकता है कुछ ऐसी फोटोज हो जिसमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि शायद हम जानते नहीं जिनको पर्सनली कुछ बहुत फेमस लोग हैं कुछ इतने फेमस नहीं हैं कुछ ऑर्डनरी लोग हैं बिल्कुल आम इंसान हैं आम लोग हैं लेकिन एक जो चीज़ बहुत कॉमन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चाहे कोई इंसान बहुत फेमस हो बहुत बड़ा हो पूरी दुनिया में उसका नाम हो चाहे बिल्कुल ऑर्डनरी हो जिसको कोई नहीं जानता हो जिसको कोई नहीं पहचानता हो राइट वो आदमी अक्रॉस द बाउंड्री लेकिन जब हम इंसानी रिश्तों की बात करते हैं या इमोशंस की बात करते हैं या रिलेशंस की बात करते हैं तो वो अक्रॉस द स्पेन सेम रहते हैं ठीक है मतलब उसमें आपको ये समझना होगा कि जैसे कहा जाता है ना कि भाई मोहब्बत आज के हमेशा से मोहब्बत थी है ना मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है या नफरत का नाम आज भी नफरत है इमोशन्स डेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट हम कहते हैं ना वक्त बदल गया है समय बदल गया है दौर बदल गया है सिचुएशंस बदल गई हैं ऑफकोर्स बदल गई हैं बट जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं वो हमेशा एक से रहते हैं आप हंसेंगे आप खुश होंगे तो हर आदमी हंसेगा चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई और हो चाहे कोई बुजुर्ग हो मतलब बियॉन्ड एनी बैरियर आप पूरी दुनिया में जिसको कहते हैं ना सब एक जैसा हंसेंगे अगर वो खुश होंगे तो राइट अगर वो खुश होंगे तो वो मुस्कुराएंगे अगर वो सैड होंगे इफ़ दे बी अनहैप्पी इफ़ दे बी सैड दे बी डाउन दे विल फील बैड वो फ्राउन करेंगे वो रोएंगे राइट तो वो सेम रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फेमस हैं या आप फेमस नहीं हैं आप कोई बड़े साधु संत हैं या आप कोई डेकोइट हैं इट डजेंट मैटर साधु संत की बात हम अलग इसलिए रख सकते हैं पॉइंट पे बिकॉज वो शायद इन चीज़ों से ऊपर उठ गए तभी वो साध हैं इसलिए वो साधु हैं हालांकि आजकल नहीं होगा आजकल आप जो आपके दिमाग में जो इमेज है उनकी बात हम नहीं करते जो कि आजकल प्रोफेशनल लोग अपने आप को साधु बोलने लगे हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं बट जो साध्य पुरुष है वो साधु है है ना जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया तो उसकी बात हम छोड़ देते हैं लेकिन जो भी आदमी किसी भी फील्ड में वोट आई मीन टू से कि चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो क्रिएटिव आर्टिस्ट हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे वो हमारे काम में काम करने वाली हमारे घर में काम करने वाली दीदी हो चाहे वो हमारे कार चलाने वाले भैया हो चाहे कोई भी हो राइट इमोशन सबके सेम होंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा और ये इमोशंस दौर में भी नहीं बदलते मतलब ऐसा नहीं है कि अलेक्जेंडर अगर खुश होते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट तो वो कुछ और करता को वो भी मुस्कुराते होगा राइट right? अगर वो हारता होगा तो दुख उसको भी होता ही होगा है ना? अगर अकबर तो, तो, तो उनका भी खून ही निकलता था जैसे हमारा निकलता है और उनको भी दर्द ही होता था राइट right? उनको भी लोगों को देख के या कोई उनकी तारीफ करता होगा तो उनको अच्छा ही लगता होगा कोई अगर उनको खराब बोलता होगा तो उनको बुरा ही लगता होगा ह्यूमन इमोशंस रिमेन सेम अक्रॉस द जनरेशन्स अक्रॉस द टाइम उसमें कोई बाउंड्री कोई टाइम जोन कुछ भी नहीं होता दिस वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप दूसरी जो फोटोग्राफ्स देखेंगे ना आप इनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है अब वॉट वी नीड टू डू इस ये आज के जो हमारा सेशन है इसमें कुछ पढ़ना लिखना नहीं है सारी किताबें कॉपियाँ सब बंद कर दो अगर कुछ खोल के बैठते हो तुम लोग तो ठीक है ये भी मुझे वैसे कम उम्मीद रहती है कि तुम लोग कुछ खोल के बैठते हो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत ही जेन नेक्स्ट है तो व्हाट यू पीपल डू तुम लोग स्क्रीनशॉट शॉट लेते होंगे है ना कि मैम जो पढ़ा रही है क्या ही लिखें उसमें स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट शॉट की क्या जरूरत है सब तो कंटेंट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट्स पर मिल जाता है वैगने ड्रीज की वेबसाइट पर मिल जाएगा यूट्यूब पर मिल जाएगा लेकिन आज एक्चुअली अगर बैठते हैं कुछ अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं जो कि कॉपी किताब लेके बैठते होंगे और पेन वेन लेके बैठते होंगे कि नोट्स बोर्ड्स जो भी बनाने तो आज थोड़ा चिल्ड करो रिलैक्स करो सिट बैक रिलैक्स हाथ वाथ बांधो बढ़िया पानी वानी पियो और फिर अपन इसको सेशन पे बात करना चालू करते हैं अब हम बात करने वाले हैं कुछ हिस्टोरिकल इमेजेस की ये बीसवीं शताब्दी 20th सेंचुरी की है 20th सेंचुरी से हमारा मतलब एकदम दिमाग में आया होगा ना कि एकदम ब्लैक एंड वाइट सारी सारी नहीं है कुछ कुछ है कुछ मैंने जैसे कहा कि अलग अलग उससे हैं Uh, अलग अलग टाइम की, की चीज़ें ली गई हैं ये आपको uh, वो स्टोरीज बताएंगी जो कि आपको आज की डेट में जानने की भी ज़रूरत है और इनसे इंस्पायर होने की भी जरूरत है ओके नाउ लेट्स बिगिन ये जो लेडी हैं इनको पहचान पा रहे हैं आप पहली पिक्चर से स्टार्ट करते हैं सी एज आई सेज कि कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे ये जो लेडी हैं इनको आप पहचान रहे हैं अगर नहीं पहचान रहे हैं तो ये है फ्रेडा कालो ठीक है फ्रेडा कालो एक इनको अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको क्या सबसे पहला वॉट इज इट दैट कम्स टू योर माइंड राइट आपको लग रहा है ना कि एक लेडी है जो बेड पे लेटी हुई है पैलेट uh, रखा हुआ है कलर पैलेट सामने कैनवस रखा हुआ है और पेंट कर रही है राइट कैन यू इमेजिन डूइंग दैट हमें एक सड़ा सा फीवर आ जाता है हमें कुछ थोड़ी बहुत सर्दी खाँसी ज़ुकाम आ जाता है कुछ हो जाता है तो वॉट वी डू हम लेट जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं यार तो बहुत तबीयत खराब है आज सोऊंगा आज ये नहीं ओला वो नहीं हो रहा ये नहीं करना वो नहीं करना होता है आप इमेजिन कीजिए एक एक महिला को जो मात्र छः साल की उम्र में जिसको पोलियो हो जाता है ठीक है छः साल की उम्र में उसके बाद शी गोज़ ऑन टू लिव उसके बाद भी शी गोज़ ऑन टू तो लिव लाइफ जो है चलती जाती है बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहती हैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहती हैं उसके वजह से उनको वो चाहती हैं कि मैं मेडिकल पढ़ूँ मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहती हैं मेडिकल पढ़ना चाहती हैं मेडिसिन पढ़ना चाहती हैं लेकिन एक बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है जिसके कारण उनकी जो पूरी लाइफ है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं एक घुमावदार टर्न आता है उनकी लाइफ में और हर चीज़ जो है वो जिसको आप कहते हैं ना जो उनने सोचा हुआ था एवरीथिंग दैट शी थॉट ऑफ वो एक तरह से बिल्कुल Uh, धराशाही हो जाती है वो जो सपने रहते हैं वो धराशाही हो जाते हैं एक तो पोलियो था तो धीरे 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 उठने की कोशिश करता है एक व्यक्ति उसके बाद कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए तो और आप सोचिए ना एक एक मिसाब से आप उठ रहे हैं आप धीरे धीरे चल रहे हैं कि चलिए ठीक है स्टूडेंट अच्छे हैं तो मेडिसिन पढ़ लेते हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए आपको चलने फिरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आवश्यकता नहीं होती वो आप ऑन व्हील भी सर्व कर सकते हैं हैं ऐसे डॉक्टर्स राइट हु सर्व ऑन व्हील बट हमारे यहाँ तो एक प्रेसिडेंट का भी उदाहरण है यूएस के जो जो हु फ्राम द व्हील चेयर बट खैर बात यह हो रही है इनकी कि शी सम हाउ कम ट्राइज टू कम ओवर लेकिन होता क्या है कि एक और मिसाप हो जाता है ठीक है बहुत कम आयु में रहती हैं एक्सीडेंट हो जाता है पता चलता है उस एक्सीडेंट से के बाद बहुत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो उनकी ऑलरेडी तबीयत जो थी जो उनकी फिजिकल कंडीशन ख़राब थी वो और ज़्यादा डिटोरीट हो जाती है और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनके लिए दैन शी इवन गेट्स मैरिड टू अ पर्सन एंड एंड ऑफ हैविंग एंड ऑफ बींग इन अ बैड मैरिज बहुत फेमस पेंटर से शादी करती हैं लेकिन समहा द मैरिज डजेंट वर्क इक्वेशन काम नहीं करता ठीक है तो so, अब मैं आपको एक बार बताऊं कि कई बार होता है इट इज़ नॉट अबाउट दैट वेदर ही वॉज अ बैड मैन परहैप्स इट इज़ नॉट सो कई बार दो बहुत अच्छे लोग होते हैं बिल्कुल एक ही प्रोफेशन में होते हैं एक जैसी सोच रखते हैं एक जैसे काम करते हैं उसके बावजूद दे आर नॉट एबल टू मेक अ गुड पेयर वो एक दूसरे के लिए सही नहीं होते और कई बार लोग होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं उनकी कोई चीज़ सेम नहीं होती बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल टाइप अलग होते हैं बट वेन देअ put together, they make the यू नो एवरी थिंग बिकम्स ब्यूटिफुल एंड एवरी थिंग बिकम्स परफेक्ट क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो एक दूसरे की जो कमियाँ होती हैं ना जो एक दूसरे की पर्सनैलिटी में कमियाँ होती हैं वो उसको पूरा कर देते हैं राइट इट इज़ अबाउट हाउ यू सी थिंग्स एंड दिस इज अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स और इसका मतलब ये भी होता है कि बींग इन अ बैड मैरिज इज यू नो शी वॉज इन अ बैड मैरिज एंड इज शी सफर बिकॉज ऑफ दैट सो इंस्टेड ऑफ़ दैट अगर आप किसी चीज़ में रिश्ते में हैं आप कोई एक स्टेप ले लेते हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट अफकोर्स तेरा चांसेस कि आप उसको फिक्स कीजिए देर आओ वे आउट कि आप उसमें मेहनत कीजिए आप उसको फिक्स करने की कोशिश कीजिए बिकॉज दिस हाउ इट वर्क्स पर अगर वो काम नहीं होता है नहीं होता तो इंस्टेड ऑफ बींग नास्टी इंस्टेड ऑफ बींग नेगेटिव इंस्टेड ऑफ़ बींग डाउन कि आपको तकलीफ हो रही है आप परेशान हो रहे हैं आप चिड़चिड़ कर रहे हैं आप सामने वाले की जिंदगी ख़राब कर रहे हैं अपनी ख़राब कर रहे हैं इट इज़ बेटर दैट यू नो यू टेक सम क्रिएटिव वे आउट ऑफ इट कि आप यू ट्राई टू सर्च अ लाइफ विद इन अ लाइफ इट इज़ अ कंसेप्ट इट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट चलियू लाइफ विद इन अफ दिस इज वट यू नीड टू लुक आउट फॉर ट्राई टू मेक अ लाइफ विद इन अ लाइफ है ना जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसके अंदर अपने ककून में एक दुनिया बनाने की कोशिश करो और यह बात मुश्किल नहीं होती बच्चों राइट right? ये बात बहुत मुश्किल नहीं होती ये बात कंसेप्चुअली जितनी मुश्किल लग रही है ना एग्जैक्टली exactly उतनी मुश्किल करने में नहीं होती उन्होंने बेसिकली uh, हमें ये समझना होगा कि अ हु हुज़ कन्फाइंड टू अ बेड राइट और वुमन वूज कम्प्लीटली ब्रोकन इनसाइड पढ़ाप्स है ना जो कि पूरी तरह से जिसने इतने मिसाप्स देखे लाइफ में वो ना एक बच्चा छः साल का बच्चा जिसको पोलियो हो जाता है पोलियो से ग्रसित है फिर वो अपने आप को बांधता है उठाता है संभालता है और कहता है कि भाई मुझे मेडिसिन पढ़ना है और वो भी नहीं कर पाता फिर शादी करता है और शादी करती है एक लड़की और उसके बाद द मैरिज डज इन एंड अपन अ गुड स्टेट तो आप सोचिए कि वो इंसान कितना ब्रोकन होगा इनसाइड राइट बट वट शी डिड वॉज कि वो उस पर Uh, क्रिप करने की जगह रोने की जगह हाउल करने की जगह शी ब्रॉट आप शी ब्रॉड हेल्फ आप एंड उनका जितना लाइफ को देखने का जो नज़रिया था उनका जितना फोकस था उनकी जितनी एनर्जीज थी उन्होंने वो पूरी एनर्जीज उनका पूरा वाइब्रेशन उनका पूरा जिसको आप कहते हैं कि सब कुछ उन्होंने शी शी जस्ट पोर्ट्रेट दैट इन अ वर्क वो सब कुछ जो है उन्होंने एक साथ लाया और वो काहे मैंने में, में डाल दिया अपने पेंटिंग्स में अपने अपने काम में राइट right? उन अपने कैनवस पे अपने रंगों में वो चीज़ें पूरी पूरी उनने अपनी लाइफ जी ली जो चीज़ें वो देखना चाहती थी करना चाहती थी राइट दैट इज़ वाई उनको सीरियलिज्म से जोड़ा जाता है उनका एक सीरियलिस्टिक माना uh, जाता है हालाँकि उन्होंने कभी उस चीज़ को uh, जिसको आप बोलते हैं ना जिसको उनने एक्सेप्ट नहीं किया दैट सीरियलिस्ट बट पीपल से दैट अब सरलिस्ट अगर आपको कन्फ्यूजन है बेटा तो मैं आपको बता दूँ कि ये आ, एक ट्वेंटी सेंचुरी की बात हो रही है तो एक अवैन गारे मोवमेंट हुआ करता था मूवमेंट था जिसमें हम बात करते हैं एक लिटरेचर की दुनिया का और आर्ट की दुनिया का जिसमें हम बात करते हैं ऑफ़ द डिपिक्शन ऑफ दी काइंड ऑफ जी द मैनिफेस्टेशन थ्रू ऑफ दी सबकॉन्शियस माइंड है kind of, uh, the, the mind, ना इसको आप कह सकते हैं एक तरह से खैर तो उन्होंने कहा कि सेरुलिज्म जो है उसको नेचुरल उससे भी जोड़ा जाता है बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जाता है पर इनकी जो पेंटिंग्स थी वो ज़्यादातर सेल्फ पोर्ट्रेट्स होती थी पोर्ट्रेट्स होती थी सेल्फ पोर्ट्रेट्स होती थी एंड शी यूज्ड टू मेक द पेंटिंग्स जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही हैं बैठी हुई हैं एंड शी शी इज़ डूइंग वेल एंड शी इज़ डूइंग वेरी फाइन वेरी वेल एंड शी इज़ ड्रेस्ड अप वेल तो इस तरह की पोर्ट्रेट्स होती थी विद डिपिक्टड अबाउट होप विपिक्टड अबाउट लाइफ विद डिपिक्टड अबाउट डेथ ऑल्सो राइट right? तो so, आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझनी है कि आ, आपको अपनी लाइफ को किस तरह से मोल्ड करना है आपको अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेना है आपको आ, आपको दुखी होना है आपको हार जाना है या आपको अपने आप को उठाना है और आपको आगे बढ़ना है ये आपकी चॉइस होगी राइट लाइफ सीज नो एक्सक्यूजेज देर आर नो एक्सक्यूजेज़ इन लाइफ No excuses in life, right? No excuses. Life gives you, a, when life actually gives you a lemon, you make a virgin mojito out of it, right? Lemonade sa off, right? भोजन वहीं तो बनाएंगे हम इफ़ द लाइफ गिव्स अस लेमन ओके सो लाइफ गिव्स यू नो एक्सक्यूजेस एंड देयर आर नो एक्सक्यूजेस आप कह ना कि भाई मेरे साथ फलाना हो गया था मेरे साथ धमका हो गया था मेरे साथ ऐसा था मेरे साथ वैसा था मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर में उतनी सहूलियतें नहीं थी मेरे पास मैं टॉप नहीं कर पाया क्योंकि मुझे uh, मेरे पास उतना एडवांस लैपटॉप नहीं था जितना मेरे फ्रेंड के पास था लैपटॉप मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोविड से ना भी ठीक है पिछले दो साल से तो लैपटॉप नहीं था या यू नो इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम

मूव ऑन ओके आ चलता है सबके साथ होता है दर इज नो बडी इज़ हैविंग अ फ्री लंच ओ वे कोई भी दुनिया में नहीं आया एंड नेवर एंड लाइफ नेवर यू नो आज यू कि भाई बहुत ही सिंपल होने वाला है सब कुछ बिल्कुल जिसको बोलते ना एकदम चांदी के थाल में सब नहीं मिलता है सच के ठीक है अगर मिला है तो यू आर लकी बट अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो यू शुड भी आउट देयर कि ठीक है देखा जाएगा हो गया फाइन हम कुछ और रास्ता निकालेंगे है ना नदी होती है ना अगर नदी है कोई बह रही है उसका रास्ता रुक गया या आपने वहाँ से रोक दिया तो उसका बहाव बंद नहीं हो जाता वहाँ से वो कहीं और से रास्ता निकालती है दिस एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू सो नो एक्सक्यूज लाइफ एंटरटेन्स नो एक्सक्यूजेस और राइट लाइफ एंटरटेन्स नो एक्सक्यूजेस दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस एंड सेकेंड लेसन जो कि आप इसमें इसके अंदर द लेसन विद इन अ लेसन इज लाइफ में वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू मेक अ लाइफ विद इन अ लाइफ अगर कोई चीज बाहरी तौर पर खराब है आपके बाहरी हालात कितने भी खराब कितने भी मुश्किल क्यों ना हो आपको अंदर से यू ऑलवेज हैव द चांस कि आप उसके अंदर कोई पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं एंड यू विल मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट ओके फाइन नाउ लेट्स गेट टू दन अब हम बात कर लेते हैं ये फेमस पेंटिंग ये फेमस सॉरी द फेमस फोटोग्राफ द फेमस फोटोग्राफ अगर हम बात करते हैं इस फेमस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं दिस ब्यूटिफुल स्पलेंडर लेडी राइट ये जो लेडी है अगर इसको आप नहीं जानते तो बॉस यू पीपल आर मिसिंग समथिंग बेगर लाइफ और राइट आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सब 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 लोग इनको तो जानते होंगे बिकॉज आपको मालूम है इनकी डेथ जब हुई एक कार एक्सीडेंट में रोड एक्सीडेंट में 1997 शी डाइड और जब इनको और क्यों हुआ क्योंकि प्रेप जो पेप हैं वो इनका पीछा कर रहे थे पेपराजी वो इनका पीछा कर रहे थे टू टेक अ पिक्चर्स और वहाँ पे एक टनल में इनका एक्सीडेंट होता है और ये इनका निधन हो जाता है बट जब तक इनका निधन हुआ 1997 में उससे पहले तक शी वॉज द वर्ल्ड मोस्ट फोटोग्राफ्ड वुमन दुनिया में कोई महिला जिसकी सबसे ज़्यादा तस्वीरें ली गई हैं और सेल्फी नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफ्स मतलब शी वॉज पेपराजी जिसको बोलते ना उनकी शी वॉज द डार्लिंग ऑफ द पेपराजी मतलब आप सोचिए कि देर वॉज नो प्लेस आप अगर लेडी डायना की लेडी डायना लेडी डायना स्पेंसर अब अगर आप इनकी फोटोज़ की बात करते हैं तो देर वॉज अ जिसको आप बोलते हैं ना एक दिस वुमेन वॉज अनदर लेवल अनर द लेवल ऑफ क्रेज पीपल हैड फोर मतलब लोगों को पागलपन था लेडी डायना का राइट right? जब हम बड़े हो रहे थे मतलब मुझे याद है हम स्कूल में ही पढ़ते थे उस टाइम पे और जब लेडी डायना का वो खबर आई थी कि एक्सीडेंट हो गया था एंड दैट दैट दो दैट होल सिरियो वो जो बखिंगम पैलेस के बाहर और पूरा सब कुछ उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन निकला था एंड एवरी थिंग एंड पीपल वर गोइंग क्रेजी वो पीपल वो गोइंग लिटरली लाइक यू यू कैनॉट इमेजन द हिस्टीरिया दर पीपल हैड राइट तो ये वो लेडी है लेडी डाइना ऑफकोर्स वेन वी नो हम बकरीगम पैलेस में बोलिया तो आप जानते हैं कि हम ब्रिटिश रॉयल्टी की बात कर रहे हैं हम ब्रिटिश रॉयल्टी की बात कर रहे हैं लेडी एलिजबेथ की बात कर रहे हैं सॉरी क्वीन एलिजब की बात कर रहे हैं उनके एक एक जो सुपुत्र हैं सबसे बड़े जो उनके ज्येष्ठ सुपुत्र हैं कौन सेम प्रिंस चार्ल्स उनकी धर्मपत्नी थी डिवोर्स हो गया था अलग हो गए थे वो लेकिन फिर भी शी रिमेन द साइनोशर ऑफ द आइस नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइनोशर लेट मी टेल यू द वर्ड साइनोशर साइनोशर मीन्स सम्बरी जो कि एक सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन है है ना मैं आप लोगों को सब साथ पढ़ाते ना तो बाकी जैसे मैं जी के पढ़ाते पढ़ाते आपको और भी चीज़ें पढ़ा देती हूँ तो मैं आपको यहाँ इंग्लिश भी पढ़ा दे रही हूँ ठीक है सैलोशा मीन किसी का भी फोकस होना मतलब अटेंशन का सेंटर होना तो ये जो फोटोग्राफ है यह बहुत फेमस फोटोग्राफ थी और क्या कर रही है उस फोटोग्राफ में इज शी लाइक मडरिंग समी नो इट शी लाइक डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी ऑफेंसिव नहीं क्या वो मतलब कुछ ऐसा कुछ कर रही है जो कि बहुत आपत्तिजनक है बिल्कुल नहीं क्या वो कोई ऐसी चीज़ कर रही है जो कि पब्लिक प्लेस में अगर आप कर रहे हैं तो मतलब ये हम लोगों ने जैसे जिंदगी में नहीं की ऐसा कुछ है क्या नहीं कई बार हमारे साथ भी हुआ ना कि हम पब्लिक गैदरिंग में गए इवेंट्स में गए और एक बार बहुत ही बोरिंग सा कुछ चल रहा है हमारा इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है एग्जीबिशन में गए तो भाई एक आध मिनट को झपकी लग गई है ना आखिर हमने ऐसे कर ली होता है ना ये सबके साथ होता होगा राइट बट बिकॉज शी वॉज लेडी डायना ये फोटोग्राफ इतनी बड़ी फोटोग्राफ और इतनी बड़ा इस तरह की ऊपर चर्चा हुई बाकायदा डिबेट्स हुए बहुत बड़ा जिसको आप बोलते ना हो हल्ला मच गया था एक टाइम पे ब, मीडिया में ठीक है और ये फोटोग्राफ जो है ये है मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझेंगे किसी चीज़ का <coughs> जब हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं द फेमस फोटोग्राफ ऑफ लेडी डायना फॉलोइंग अ स्लीप ज्यूरिंग ऑफिशियल रॉयल इंगेजमेंट नाइनटीन एटी वन शी वॉज एक्चुअली प्रेगनेंट विद प्रिंस विलियम एट द टाइम हाउ एवर हर प्रेगनेंसी हैड येट टू बी अनाउंसड अब ये जो समय है मैं आपको बताऊँ कि ये एक लड़की रहती है हार्डली अट्ठारह उन्नीस बीस साल की ठीक है और इसने शादी जो होती है ऑफ कोर्स शी वॉज फ्रॉम द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली लेकिन शी गेट मैरिड टू द रॉयल्टी ठीक है ब्रिटिश रॉयल्टी में शादी होती है एक ऐसी रॉयल्टी एक ऐसा राजघराना जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है जिसकी सीमाएं जो है सिर्फ ब्रिटेन में नहीं है पूरी दुनिया में ब्रिटिश रॉयल्टी की बात की जाती है ठीक है उसमें शादी होती है और मात्र तीन महीने होते हैं शादी को शी वॉज़ हार्डली वॉट नाइनटीन ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज एंड शी वॉज स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई आ, अपने आप को एक नए घर में एक नई जगह पे एक नए वातावरण में एडजस्ट करने में शूस वो अपने आप को ढाल ही रही थी मतलब वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रही थी कि एकदम से इतना मीडिया का फोकस कैसे हो गया एक कल तक जो एक आम लड़की थी ऐसा कैसे हुआ कि उसके ऊपर आज पूरी दुनिया के मीडिया की नज़र है या पूरी दुनिया के लोगों की उसके ऊपर नज़र आ जाती है राइट तो वो इस चीज़ को निकलना चाहती थी इस चीज़ को समझना चाहती थी इस चीज़ को अपने आप को ढाल रही थी हमारे साथ भी होता है राइट हम किसी नई जगह जाते हैं कुछ भी नई जगह जाते हैं तो हमें टाइम लगता है ना अगर हम किसी होटल में भी जाते हैं तो हम पहले चार जगह देखते हैं अगर हम फॉर स्टे इवन इफ यू आर गोइंग देर तो हम मेन्यू पूरा देखेंगे हम चार जगह देखेंगे हम आस पास देखेंगे इवन इफ यू आर गोइंग फॉर आली डे इवन इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी बाहर अगर हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं हॉस्टल में है वहाँ पर भी हम यही चीज़ करते हैं है ना हम देखेंगे समझेंगे अपने आप को अकस्टम करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ढालने की कोशिश करेंगे माहौल समझने की कोशिश करेंगे हम सब वही करते हैं राइट वही चीज़ वो कर रही थी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एंड शी जस्ट फेल लिटल नैप इट वज जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स फॉर अ फ्यू मिनट्स राइट और इसने ये नवंबर 1981 की बात है वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूँ नवंबर 1981 और एक एग्जिबिशन थी वहाँ की बात है ये वो उसमें हुआ था एंड शी वाज जस्ट सिटिंग एंड शी जस्ट टुक अ नैप अ लिटिल नैप और पता चलता है बाद में इसके ऊपर बोल दिया जाता है द स्लीपिंग ब्यूटी द स्लीपिंग ब्यूटी करके पूरे जो मीडिया है उस पर नाम हो जाता है पूरी इंटरनेशनल मीडियाज में ये पेपरों में छपता है द स्लीपिंग ब्यूटी डायना ठीक है ये सब बातें होती हैं उसके बाद ये होता है कि भाई लोग इस पर बाकायदा चर्चा करते हैं वो सब पैनल लोग इस पर बायदा चर्चा हो रही है लोग कॉलम लिख रहे हैं कि भाई मे बी शी हैज़ सम काइंड ऑफ अ स्लीपिंग डिसऑर्डर और मे बी कोई ऐसी चीज़ है जो छुपाने की कोशिश कर रही है या वो कहते हैं कई लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बड़ा इनप्रोप्रिएट बिहेवियर है फॉर द रॉयल्टी टू हैव राइट तो ऑब्वियसली आप ये समझिए मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि चाहे एक आम इंसान हो चाहे वो रॉयल्टी हो एवरीबडी हैज़ टू पे द प्राइस फो व फॉर वेयर दे आर राइट ऐसा नहीं है नो नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आती कोई भी चीज़ जिसको हम कहते हैं ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन की क्या लग्जोरीअस लाइफ होगी यार कोई ऐसी लाइफ देते हैं है ना या शाहरुख खान की क्या लाइफ होगी यार कोई ऐसी लाइफ दे दे या राहुल गांधी की क्या लाइफ होगी यार बताओ कुछ नहीं किया कुछ नहीं आता और बस इतने बड़े ख़ानदान में पैदा हो गया और बढ़िया बताओ आज की डेट में है ना हमें लगती है ना ये चीज़ें हम सोचते हैं तो हमें लगता है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे उन्होंने बहुत कुछ खोया भी होगा राइट right? एक नॉर्मल इंसान की वो ज़िंदगी आप नहीं जीत सकते दिस इज़ लाइक यू आर टेकिंग अ नैप लाइक फ्यू सेकेंड्स मैन फ्यू सेकेंड्स और ये आप कह भी नहीं सकते कि फ्यू सेकेंड्स भी थी या नहीं थी ठीक है आई अंडरस्टैंड कि मे बी इट इज़ नॉट वेरी सिविल में भी आप यहीं गए हैं एग्जीबिशन में आप सो गए <coughs> तो वो नहीं होना चाहिए लेकिन आपने हमारे यहाँ के पार्लिमेंटेरियंस देखे हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस पूरे सेशन के बीच में सो जाते हैं फॉर राइट और उसके ऊपर थोड़ी बहुत एक बार लाइन आती है कॉलम आता है खत्म हो जाता है बिकॉज शिव इज अ लेडी और क्योंकि रॉयल्टी का हिस्सा थी इतनी बड़े उसमें थी शिव उज अज थ्रस्टेड जिसको आप बोलते ना किसी को एक वर्लपूल में फेंक दिया गया है बहुत ही ब्रूटली और उसको कहा जा रहा है द नाउ यू आर नॉट ह्यूमन आपको इंसानों से थोड़ा ऊपर अटना पड़ेगा आपको इंसानों की दुनिया की जो नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस है आप वो डिस्प्ले नहीं कर सकते आप वो चीजें डिस्प्ले नहीं कर सकते है ना एक मतलब लिटरली एक और फोटोग्राफ थी जिसमें शी वॉज तो वो फोटोग्राफ ले रही थी मे बी शी डेंट स्लीप वेल एंड अगेन मे बी शी डिसऑर्डर कम ऑन आई मीन कम ऑन गिव मी अ ब्रेक इंसान को नींद आती है यू डू यॉन राइट जस्ट बिकॉज यू आर सो फेमस डज इट मीन कि आपका वो जो बेसिक ह्यूमन एक्सटिंक्ट है या बेसिक ह्यूमन नेचर है वो तो बदल गया है सो वन आई मीन टू टेल यू इज कि पीपल आर ऑलवेज आउट देयर लोग हमेशा वहाँ होंगे और आपको समझाएंगे आपकी जो नेगेटिविटी है राइट right? आपकी जो भी एक छोटी बहुत आपके बहुत सौ पॉजिटिव चीज़ की एक अगर कोई चीज़ आपने ऐसी की जो उनके Uh, जिसको बोलते हैं ना साँचे में फिट नहीं बैठी तो वो आपको पॉइंट आउट करेंगे वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे उसके लिए तो यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट राइट यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट बिकॉज वन ऑफ द कोर्ट दैट आई रेड जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पीपल हु आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन आर ऑलरेडी बिलो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट मैं यहाँ लिख भी रही हूँ ये मिटा देते हैं ओके okay? People who pull you down are always below you. हमेशा ये जो कंसेप्ट है ना इसको हमेशा याद रखना है कि कोई भी इंसान कोई भी चीज जो तुम्हें नीचे खींच रहा है ना वो तुमसे नीचे है इसलिए तुम्हें नीचे खींच रहा है यू डोंट हैव टू टेक इट टू योर हार्ट यू डोंट हैव टू टेक क्रिटिसिज्म टू योर हार्ट और प्रेजिस्ट टू योर हेड दिस इज़ अनदर लर्निंग ठीक है कि कोई भी चीज़ किसी ने बोल दिया कि आप बहुत ख़राब हैं बहुत बुरे हैं बहुत ऐसे हैं बहुत वैसे हैं आप तो ऐसा करते हैं वैसे करते हैं तो बिल्कुल उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी ने कह दिया कि आप बहुत बढ़िया हैं आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता तो उसको अपने दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है Take, care. Take it very easily. And this is the lesson that the lesson that you will learn from here is <coughs> you got to pay the price. Take care. ट टू पे द प्राइस आपको कीमत चुकानी पड़ती है आपकी कामयाबी की भी आपके नाम की भी आपकी उपलब्धियों की भी आपको कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इस दुनिया में नहीं मिलेगी दिस इज़ द लर्निंग दैट कम्स विद इट एंड ऑल्सो द लर्निंग दैट कम्स विद इट इज़ की द हेड दट वेयर ऑफ द क्राउड इज़ देवीएस्ट ठीक है मतलब वो सर जिसके ऊपर ताज रखा होता है ना वो सबसे भारी होता है ठीक है So, this is the learning that you got from it. Now, let's come to another one. हाँ और ये मैं और बता दूं कि इसके टाइम पे ये आया कि शी वॉज ट्राइंग टू टू हिड अ सीक्रेट एंड सीक्रेट शी वॉज इन द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मतलब शी एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड मतलब पहली बार शी वॉज एक्सपेक्टिंग मदर शी वॉज एन एक्सपेक्टिंग मदर तो नींद लग गई यार नींद लग जाती है लग गई उनकी राइट सो शी वॉज इन दैट काइंड ऑफ स्टेट विच पीपल डिन नॉट गिव हर अलाउंस फॉर उनको अलाउंस नहीं दिया गया उसका ठीक है ये आ गई आपकी सेकेंड बात कि आप जब एक पोजीशन पे होते हैं एक आप एक एक लेवल पे आ जाते हैं जब आप एक नॉर्मल uh, इंसानों की जो दुनिया है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं आपका जिसको कहते हैं आप दुनियादारी के लिहाज से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो आपको एक नॉर्मल इंसान होने की सहूलियतें नहीं दी जाती अलाउंसेज़ आपको मिलना कम हो जाते हैं बट इट डजन मीन दैट यू डोंट सक्सीड यू शुड सक्सीड एंड वॉट पीपल आर सेंग

बहुत सिंपल सी है और मुझे इनफैक्ट ये आ, बहुत आ, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत क्लिक की थी या मुझे बड़ा जब मैंने पर्सनली ये फोटोग्राफ मुझे बहुत पर्सनली अपील की थी और बहुत गहरा अपील की थी कुछ भी नहीं है अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है देर इज नथिंग दैट यू कैन सी हियर एक किसकी फोटोग्राफ है कोई सर नहीं है किसकी फोटोग्राफ है नहीं पता कौन इंसान है नहीं पता किसने खींची है नहीं पता एवरी थिंग इज़ अनोनमस बट द इमोशन जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द इमोशन आप एक बार उस फीलिंग के साथ उस इमोशन के साथ कनेक्ट करके देखिए जस्ट थिंक अबाउट इट जस्ट रीड द कैप्शन शी इज़ इन सम लॉकेट मतलब नाइनटीन फोर्टी की फोटोग्राफ है ये है नाइनटीन फोटीज़ में कभी ली गई थी प्रॉबली कोई सोल्जर की फोटोग्राफ होगी चाहे कोई सोल्जर uh, के टाइम की बात है बिकॉज नाइनटीन फोटीज़ थोड़ा सा जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो थोड़ा सा ओब्वियसली इंडिया के जैस तरह का uh, क, कपड़ा पहनावा कपड़े पहनावा लग रहा है इंडिया की फोटोग्राफ नहीं लग रही हमको किसी फॉरन uh, कंट्री की है कार है एंड द लेडी इज स्टैंडिंग एंड शी इज वेयरिंग अ फ्रॉक एंड शी इज स्टैंडिंग देयर एंड आपको एक चीज़ समझ में आती है कि ये हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा दशक है ये दशक है जो वर्ल्ड वॉर्स की बात हो रही थी है ना वर्ल्ड वॉर वन की बात हो रही थी वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही थी तो ये हम मान सकते हैं अगर हम इसको ऐसे भी प्रज्यूम करते हैं कि एक सोल्जर है जो अपने देश के लिए लड़ने गया है सरहद पर या किसी दूसरे देश में उस समय तो बहुत अलग हालात थे है ना आज की डेट के हालात और उस जमाने के हालात बहुत फ़र्क था उनमें गया है ना वो फ़ोन पे बात कर सकता है आज भी नहीं कर पाते आज भी सोल्जर्स जो हैं वो बात नहीं कर पाते वो कई कई हफ्तों कई कई महीनों बात नहीं कर पाते क्योंकि वो इतनी रिमोट लोकेशंस में होते हैं कि वो वो आज के युग में भी आज के टाइम में भी इतने एडवांसमेंट के बाद भी दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट सेटेलाइट फ़ोन्स के थ्रू बात हो जाती है अगर हो गई तो वो भी आप रेगुलर नहीं कर सकते <coughs> तो उस ज़माने में अगर आप ये सोचते हैं कि कोई जरिया नहीं था कोई माध्यम नहीं था <coughs> प्लेन्स में नहीं चलते थे लोग सी रूट से ट्रैवल करते थे द लाइफ वॉज मच मच डिफिकल्ट देन वॉट वी परसीव इट नाउ राइट तो उस ज़माने में आप सोचिए कि कोई इंसान है जो कि महीनों दूर है अपने घर से या विद द पीपल होम ही लव ही इज अ वे फॉर देम एन हीज अ वे विद दैम फॉर लाइक ओवर ईयर्स मे बी पर ना फॉर मंथ और ईयर्स तो उस ज़माने में ये भी नहीं पता कि आप लौट के आएंगे या नहीं आएंगे तो किस तरह की जो एक फ़ील uh, आती है जस्ट यू नो किस तरह का वो एहसास होता है किस तरह की वो तकलीफ़ होती है जब अपना कोई बहुत दूर होता है आपके और आप उसको चाह कर भी आप उससे मिल नहीं पाते दैट सेंस ऑफ लॉन्गिंग राइट कैन यू फील दैट सेंस ऑफ लॉन्गिंग लुकिंग एट दैट पिक्चर मीन्स दिस पिक्चर या आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने क्या पिक्चर लगाई है अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं अगर आप इसको समझ पा रहे हैं इमोशंस को तो आपको मेरी बात समझ में आएगी जब आपसे कह रही हूँ कि दिस इज़ वन पिक्चर दैट मूवड मी लिटरली मतलब मुझे बहुत मूव की थी ये पिक्चर शी इज़ इन समस् लॉकेट कैन यू इमेजिन एक हार्ट शेप में फोटोग्राफ कटी हुई है हाँ हार्ट शेप में कटी हुई है और किसी के हार्ट शेप का कोई पेंडेंट होगा या लॉकेट होगा और उसमें यह फोटोग्राफ लगी होगी किसके लगी होगी हमें नहीं पता किसी आदमी की लगी होगी किसी माँ की अपनी बेटी की होगी या कोई फ्रेंड की फ्रेंड की होगी या फिर किसी पार्टनर की होगी यू नेवर नो दैट क्या रिलेशन होगा उस बंदे का या उस बंदी का इस इस लड़की के साथ कि उसने अपनी फोटोग्राफ इस बंदी की काट के अपने हार्ट में जो अपना लॉकेट हार्ट शेप का लॉकेट है उसमें फिट की हुई है और वो उसको पहना हुआ होगा राइट फिर कैन कैन यू इमेजिन दैट इमोशन दैट 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 फ्लो ऑफ इमोशन ऑफ आउट ऑफ इट दैट जो प्यार है दैट इज़ Not, uh, it doesn't need any. वेरी इंटेंस एक्सप्रेशन या बहुत बड़े कोई बहुत बड़े मटीरियलिस्टिक चीज़ों की जरूरत नहीं होती इट फॉर इट टू गेट एक्सप्रेस इट गेट्स एक्सप्रेस इन स्मॉल थिंग्स एंड ट्राई टू कनेक्ट टू द स्मॉल थिंग्स ट्राई टू कनेक्ट टू द फीलिंग ट्राई टू कनेक्ट टू द इमोशंस अगर आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं ना अगर आप uh, तो आप इस लायक हैं आप इंसान हैं तो आप इस लायक हैं कि आप बाकी सारी चीज़ें समझ सकें पढ़ सकें अदरवाइज अगर यार इतने छोटे छोटे इमोशंस इमोशन्हीं समझ माते ना अगर ये जज्बात नहीं समझ माते तो, तो कोई मतलब मतलब नहीं है बहुत बड़े बड़े फंडे समझने का है ना कोई मतलब नहीं है कि गैलेक्सीज कैसे काम करती हैं और ओशंस कैसे काम करते हैं और ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है नॉट अंडरस्टैंड द इमोशन इमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट लेसन जो हम इससे सीख सकते हैं वो ये है हमारा थर्ड लेसन यू डोंट टू Know someone to connect to them. Got it? जो लेसन है वो ये है कि आपको किसी को पर्सनली जानने की ज़रूरत नहीं है उसको महसूस करने के लिए या उसके इमोशंस या उसकी फ़ीलिंग्स या उसकी खुशी या उसका दर्द या उसकी तकलीफ़ या उसके जज्बातों को किसी भी तरह के जज्बातों को महसूस करने के लिए आप किसी भी इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं नॉट नेसेसरली इमोशनली कनेक्ट हो मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से भी एकदम भावनात्मक रिश्ता जोड़ के बैठ जाएं और आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएं और उसका दुख आपको वो करें एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बट आपको इंसानी तौर पे अगर आप में इफ़ यू हैव दो इमोशंस अगर आपके अंदर वो बेसिक इमोशंस हैं तो आप बिना किसी को जाने बिना किसी को पहचाने आप उससे एक लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं आपको किसी को कनेक्ट करने के लिए या किसी के इमोशन समझने के लिए या किसी से एम्पथाइज़ करने के लिए या किसी को uh, सिर्फ अंडरस्टैंड uh, करने के लिए उसका पर्सपेक्टिव उसका माइंडसेट, उसकी सोच समझने के लिए नेसेसरि उसको जानना ज़रूरी नहीं है ये हमारी लेसन है दिस इज़ द थर्ड लेसन यू डोंट हैव टू नो समू कनेक्ट टू देम ओके अब यहाँ पे दोबारा हम एक अनोनमस फोटोग्राफ से आ गए हैं एक बहुत फेमस फोटोग्राफ की तरफ और ये बात हो रही है हम बात कर रहे हैं अभी बेन फ्लैक एंड मैट डेमिन की अब बेन फ्लैक एंड मैट डेमिन आई एम श्योर यू नो द नेम्स अगर आपको नाम नहीं पता तो मैं आपको बता दू ये नाम हो रही है हॉलीवुड की राइट वी आर टॉकिंग अबाउट दॉलीवुड एंड मैक uh, जब हम बेन की बात करते हैं तो बेन अपने आप में बहुत फ़ेमस फिल्म मेकर हैं बहुत फेमस एक्टर हैं और इनको अगर आप कहते हैं इनके नाम पे मतलब दो अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं दो एकेडमी अवार्ड्स मीन्स ऑस्कर अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स अभी आपको मालूम ही है ऑस्कर अवार्ड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्यों न्यूज़ में है यू नो दैट विल स्मिथ ओके तो विल स्मिथ ने जो पंच किया है उसकी वजह से है जो उन्हें ट्रा जो थ्रैश आउट किया है उसकी वजह से है टू द कॉमिक जो कि उनकी वाइफ के ऊपर कोई जोक किया था जी आई जोक किया था और जी आई जोन्स करके उन्होंने जेन करके उन्हें जो किया था एंड जे आई जेन डेंट गो वेरी वेल विथ हर क्योंकि उनकी वाइफ एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रही थी एंड ही डेंट सिट वेल विथ विल स्मिथ और उन्होंने स्टेज पर जाके फ्रैश कर दिया ठीक है अब वो ठीक किया नहीं किया वी आर नॉट गोइंग गोइंग देयर हम उस पर बात नहीं करते ऑफ कोर्स बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ के हम उस पर बात कर रहे हैं कि एकेडमी अवार्ड मिले थे ही इज़ द विनर ऑफ टू एकेडमी अवार्ड्स एंड द ग्लोबल अवार्ड तो बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड्स उनके नाम पर हैं राइट बहुत फेमस एक्टर हैं दूसरे की बात कर लेते हैं मैट डेमन जो है अगेन uh, ही इज अ वेरी फेमस स्क्रीन प्लेयर स्क्रीन राइटर ही इज़ अ वेरी फेमस फिल्म मेकर ही इज़ अ वेरी फेमस आर्टिस्ट एंड द एक्टर दोनों ही चीज़ें हैं ठीक है अब ये दोनों लोग बहुत फेमस हैं बहुत अच्छे हैं और आप देख सकते हैं एक्टर्स के हाथों में आप ऑस्कर की ट्रॉफीज़ देख सकते हैं राइट right? ऑस्कर की ट्रॉफीज़ आप देख सकते हैं ही वॉज दी बैट्समैन एज यू नो ऑफ हॉलीवुड बेन लेकिन ये जो दोनों लोग हैं दुनिया के सबसे बड़े सबसे नामी ग्रामी अवार्ड फंक्शन जो कि मूवीज़ की दुनिया में सबसे सबसे नामी ग्रामी नंबर नाम आता है एंड दी ऑस्कर गर्ल्स टू राइट एंड ऑस्कर गर्ल्स टू तो उसके बाद जब इनको ये अवार्ड मिलता है इनको ये ही दे दे रिसीव दैट अवार्ड फॉर द मूवी जो कि नाइनटीन में रिलीज हुई थी द मूवी वॉज गुड विल हन्टिंग गुड विल हन्टिंग वॉज द नेम ऑफ द मूवी और इसमें इनको अवार्ड मिलता है जिसमें एक स्टोरी रहती है अब मैं बता देती हूँ आपको एक स्टोरी तो क्योंकि हम जीके भी स्टूडेंट्स हैं ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेता है क्योंकि एक मैथमेटिशियन uh, की लाइफ के ऊपर रहता है वो अ मैथमेटिकल जीनियस और उसकी लाइफ में कुछ इमोशनल क्राइसिस आ जाते हैं तो फिर वो एक साइकैट्रिस्ट से मदद लेता है ठीक है उसकी ये एक जनरल प्लॉट है एक लाइन में अगर आप समझना हो मूवी का दैट मूवी वन द ऑस्कर उसको ऑस्कर uh, में नॉमिनेशन होता है उसका और उसको ऑस्कर मिलता है फॉर द बेस्ट एक्टर्स दोनों को बेन बेन एंड मैट को एंड व्हेन इट हैपेंस जब वो नीचे उतरते हैं स्टेज से दे वो मूविंग स्पीच दैट दे गिव्स एंड दे वर लाइक द होल मीडिया वाज गोइंग फ्रेंड टेक आउट ऑफ देम राइट देर गोइंग फ्रेंजी दे वज मीडिया फ्रेंडी अबाउट दैम कि उनको लोग जो है वो फोटोग्राफ लेना चाहते थे दिस जर्नल में जब हम मैच की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फोब मैगजीन अगर हम बात करते हैं ही इज वन ऑफ दी मोस्ट बैंकबल एक्टर्स ऑफ द हॉलीवुड ठीक है उसके बावजूद जब ये नीचे उतरते हैं स्टेज पर आते हैं पूरी दुनिया की मीडिया इनको देखती है पूरी दुनिया का फोकस इन पे ऊपर रहता है ग्लैर रहता है ग्लैमर रहता है एवरी थिंग यू नेम अ थिंग एंड दे हैव इट राइट हेअर टू जेंटलमैन वेयरिंग दे इतने स्मार्ट से ब्लैक टक्स में और ऑस्कर की ट्रॉफी हाथ में लेके नीचे उतरते हैं एंड द फर्स्ट थिंग दे डू और जो फोटोग्राफ होती है बाद में जब वो नीचे आते हैं स्टेज से आफ्टर गिविंग दंड्रस स्पीच वो नीचे आते हैं तो वट दे 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 डू इज दे मेक कॉल्स राइट वो कॉल करते हैं और कॉल किसको करते हैं सबसे पहले वो कॉल करते हैं अपनी मदर को राइट कॉलिंग दे मदर्स ऑन द मॉम्स दे रिस्पेक्टिव मॉम्स आफ्टर विलिंग द ऑस्कर वो सबसे पहला कॉल अपनी मदर्स को करते हैं कैंटू फील दैट इमोशन कैन कैन यू रिलेट टू दैट इमोशन ये आपके साथ होता होगा राइट right? आपकी अगर ट्रॉफी मिलती होगी आपको आप फर्स्ट आते होंगे आप, आपकी अगर आपने फुटबॉल मैच खेला एंड यू वन दैट मैच और यू दैट यू नो आपने अगर आप गोल कीपर हैं वट एवर लाइक वट एवर थिंग दैट यू डूइंग आप गिटार प्ले करते हैं उसमें अगर आपने कोई कंसर्ट नेल्ड इट या आपने कोई भी चीज़ अच्छी की या आपको आज मैम ने कुछ तारीफ़ की तो वॉट यू फील राइट आपको क्या आता है इमोशन सबसे पहले कि यार घर जा ना मम्मा को बताऊँगा या अगर आपके पास फ़ोन है तो यू वो फील कि यार मम्मा को बताऊँगा ये यू नो दिस इज़ वॉट यू फील एंड दिस इज़ वॉट वॉट एवरीबडी फील्स कि हमारे घर में जो सबसे क्लोज़ हैं हम जिसके हम उसको जाके बताएंगे दैट थिंग मैन नेवर चेंजेस वो चीज़ कभी नहीं बदलती और वो चीज़ कभी नहीं बदलनी चाहिए राइट right? बहुत बोला जाता है दैट यू नो ममाज बॉय ही इज ममाज बॉय दे आर ममाज बॉय इसके बारे में लिखा भी गया दैट दे आर ममाज बॉय इट इज़ नॉट अबाउट ममाज बॉय इट इज़ नॉट अ बैड थिंग हमें इतना हमें तो उसको इतना ख़राब क्यों बना देते हैं ममाज बॉय या यू नो माँ के बेटे हैं या माँ के लाडले इट्स इज़ ओके मैन इट्स ओके माँ के ही तो बेटे होंगे माँ के ही तो लाडले होंगे पॉइंट ये है कि ये जो बनाया हुआ है ना पूरा हमने वो अपने आप में पूरा ही फ्लॉड है ठीक है और फ्लॉड भी नहीं है एग्जैक्टली exactly. वो क्यों आता है या कहाँ से आ जाती है बात या क्यों होना चालू हो जाती है इस तरह की बातें? क्योंकि हम ये जानते हैं हम ये समझते हैं कि भाई लोग आ, उस चीज़ को ना बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ बोलते हैं अगर आप ये अच्छे उसमें बोलें तो कोई बुराई नहीं है उसमें पर लोग उसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि आ, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं लाइक बार बार आप देखते हैं जिस तरह की चीज़ें होती है पीपल आर ट्राइंग टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट कि भाई इफ़ यू हैव सेंस अगर आपके बेटे हैं तो रेज देम टू बी अ सेंसिबल इंडिविजुअल अगर आप उसको आपके बेटे हैं तो आप उनको अच्छा बनाइए अच्छी चीज़ें उनको सिखाइए अच्छा उनको बनाइए उसका जो नेगेटिव कॉनोटेशन है हमें इस पूरी चीज़ में से ना मामा इस बॉय इसमें से हटाना है क्या अगर इनको बोला गया था ना देवा मामा इस बॉय व्हाट व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट क्या बुराई थी इसमें इसमें दो तीन चीज़ें हमें समझ में आती हैं एक तो ये कि हम जो ये बताते हैं ना कि हम आदमियों को या वेन वी ट्राई टू टैग मैन एन वी टेल दम कि हम उनसे एक उम्मीद करते हैं माचोजम की या हम उनसे बात करते हैं दैट यू नो दे हैव टू बी ऑलवेज बी वेरी यू नो कि हमारे हीरोज़ हैं या बैटमैन हैं एज यू नो ऑलवेज दे हैज़ टू बी अ सुपर पावर इन्वॉल्व सुपर पावर का मतलब कि इमोशंस नहीं होंगे या फीलिंग्स नहीं होंगी या वेन यू यू से ना कि बिल्कुल रोते नहीं होंगे या मर्द को दर्द नहीं होता आई मीन दिस ऑल इज़ नॉनसेंस ये सब कुछ कर, कोई कोई सेंस नहीं बनता इन सब चीज़ों का द बेसिक ह्यूमन इमोशंस रिमेन सेम अगर उनको दे वर सो एक्साइटेड दे वर सो हैप्पी अक्रॉस पूरी दुनिया उनके वो तरफ देख रही थी बट दे वॉन्टेड वर्स कि एक वो जो फील आती है ना गोइंग होम जिसको हम बोलते हैं ना वो जो फील आती है द गोइंग होम दैट होम इज नॉट अ प्लेस राइट जब हम बोलते हैं ना कि घर जो होता है ना वो एक जगह नहीं होती वो वो एहसास होता है फीलिंग होती है लोग होते हैं होम इज पीपल होम इज अबाउट द प्लेस वे यू फील सेफ़ जहाँ पर आपको सेफ़ लगता है जो आपका सेफ़ जोन होता है जो आपका सिक्योर जोन होता है हर आदमी चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो वो वापस वहीं जाना चाहता है एंड एवरीबडी हैज़ दैट चाइल्ड इन इन हेम और ह हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जिसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो आपके अंदर उस इनोसेंस को हमेशा जिंदा रखता है तो द लेसन दैट यू गेट फ्रॉम हियर इज़ फर्स्ट कि आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए यू ऑलवेज वॉन्ट टू रूट आउट फॉर योर होम आपको हमेशा ये वो लॉन्गिंग होगी अपने घर की वो हमेशा आएगी आपको अपनी जो बेसिस हैं अपने फाउंडेशन हैं उनको नहीं छोड़ना दूसरी चीज़ जो हम एक सीख सकते हैं वो ये कि जो पूरा आ, सिंड्रोम बना हुआ है ना मामाज बॉय इससे हमें नेगेटिव कॉनोटेशन हटाना है नेगेटिव कॉनोटेशन कैसे हटेगा दोनों लेवल पे हटेगा सामाजिक लेवल पे भी हटाना है और इंटरनल लेवल पे भी हमें इस तरह से हटाना है कि उसका कॉनोटेशन मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई काम नहीं करते आप नाकारा हैं निकम्मे हैं यूजलेस हैं तो ये बोला जाए कि माँ ने बिगाड़ दिया और माँ के लाडले हैं इस वजह से ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए ना माँ के लाडले अच्छे भी तो हो सकते हैं केयर भी कर सकते हैं ख्याल भी रख सकते हैं अब

औरतों के बारे में ये चीज़ें इसलिए नहीं बोली जाती क्योंकि हम मान के चलते हैं अंदर वेमेन आर मोर सेंसिटिव दैट वेमेन आर मोर इमोशनल दैट वमन आर मोर यू नो डाउन टू आप एक समझ सकते हैं कि उनके अंदर फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं या उनके अंदर उस तरह की भावनाएँ ज़्यादा होती हैं पर ऐसा नहीं होता दोनों की तरफ होती है फीलिंग्स दोनों में होती हैं दोनों तरह से होती हैं उसका जो प्रेजेंस प्रेजेंटेशन है या उसका जो आप कहते हैं कि उसको जिस तरह से दिखाया जाता है या उसका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है बट फीलिंग्स रिमेन सेम इन बोथ द जेंडर्स ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा लेकिन आ, ऐसा नहीं है कि एक में बिल्कुल ही नहीं है और एक में बहुत ज़्यादा है या एक में सब कुछ है और एक में बिल्कुल नहीं है तो ये सिंड्रोम एक तो हमें तोड़ने की ज़रूरत है ठीक है और दूसरी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि वॉट वी आर वी आर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दुनिया हमें क्या बोलती है क्या कहती है क्या समझती है आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपकी कॉलिंग जो है वहाँ पर आपको जाना चाहिए टू बी एट होम Home. ये हमारी लर्निंग है जो हमने कहा लेसन वो ये है कि घर जो होता है दैट इज अ प्लेस दैट इज नॉट जस्ट अ प्लेस इट इज अ प्लेस इट इज अ फीलिंग इट इज एन इमोशन इट इज एवरीथिंग पुट टुगेदर ठीक है तो नो मैटर वेयर यू गो इन लाइफ आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए आपको वो Uh, जो ललक होती है ना वो लौ, लौट के घर आने की ही होती है और वो हर आदमी को होती है नाउ लुक दिस अब अभी तक बात हो रही थी ममाज बॉयज की अब बात होगी ममाज बॉय की अब बात होगी माँ के लाडलों की बात हो रही थी अब होगी बात बेट जो जिसको बोलते हैं ना कि अब बात होने वाली है पापा की परियों की ठीक है अब बात करने वाले हैं हम आ, एक और इमोशन की जो कि डील करता है कि इस चीज़ से वो बात कर रहे हैं वैन यू आर टॉकिंग अबाउट डैडीज लिटिल प्रिंसेस राइट अभी हम उनकी बात करते हैं अब ये ज़्यादातर क्या होता है ऑफकोर्स एक्सेप्शन आर हैं आर आर नॉट ओके एक्सेप्शन नहीं होते नाउ इन दिस पिक्चर वेरी सिंपल पिक्चर अगेन अ वेरी इनोनमस पिक्चर कौन है आप नहीं जानते बच्ची कौन है आप नहीं जानते पिता कौन है आप नहीं जानते किसी का भी आप नाम नहीं जानते सिर्फ एक इमोशन डिपेक्ट किए जा रहे हैं इसमें और हमें वो इमोशन समझना है और इमोशन ये है डैट शोइंग ऑफ इज टू द सरप्राइज ऑफ इज लिटल डॉटर इन इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया नाइनटीन फोर्टीज की पिक्चर है है ना अब ये छोटी सी बेबी कितनी बड़ी हो चुकी होंगी आप इमेजिन कीजिए नाइनटीन फोर्टीज की पिक्चर है और इस इसमें <coughs> उसके पापा जो हैं वो एक उसको आ, वो करके दिखा रहे हैं शायद जिमनास्टिक होंगे शायद जमनास्ट होंगे वो या शायद कोई सी वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे या फॉर्म अप वो रहे वर्कआउट होगा वो रहे वा बट इज शोइंग वो अपनी जो ट्रिक है वो अपनी डॉटर को दिखा रहे हैं एंड द डॉटर द स्मॉल लिटिल गर्ल इज सो 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 इंटेंसड विद आउट इमोशन वो इतना ज़्यादा खुश है उस इमोशन से वो इतनी ज़्यादा ग्लैड है उस चीज़ को देख के अब इससे हम एक बात समझते हैं ये जो ममस बॉय वाली चीज़ थी इससे भी अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो भी एक चीज़ समझ में आती है सिगमन फ्रॉइड का अगर आपने नाम सुना हो साइको एनालिसिस करते थे वो बहुत बड़ा नाम है सिगमन फ्रॉइड का एनालिसिस साइको साइकोलॉजिकल स्टडी में एक चीज़ उन्होंने कहा सिगमन फ्रॉइड ने कि आ, एक फ्रॉइडन कंसेप्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि हर लड़की जो होती है अगर उसकी लाइफ में उसके फादर जो होते हैं इज़ द आइडियल मैन ठीक है वे आपने सुना होगा वो उसका आइडियल होते हैं वो उसका बेंचमार्क होते हैं या तो अगर द फादर इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर उसके फादर का उसकी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है तो अपनी लाइफ में वो लड़की जब वो आगे चल के वो औरत बनती है या महिला बनेगी तो शी विल लुक आउट फॉर द मैन जिसमें बिल्कुल वैसी क्वालिटीज हों जैसे उसके फादर में थी ठीक है वो बिल्कुल वैसी ढूंढना चाहेगी जैसे कि उसके पापा थे राइट या पापा में जो क्वालिटीज़ हैं या अगर उसके फादर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर तो फिर वो बिल्कुल वैसा आदमी ढूंढना चाहेगी जिसमें वो क्वालिटीज़ ना हो जो उसके फादर में है मतलब बेंच जो है वो फादर है ठीक है फॉर द गर्ल्स ये फ्रॉइडियन थ्योरी है एक तरह की और ये बिल्कुल लड़कों के साथ भी बिल्कुल सेम है कि वो ज़िंदगी भर चाहते हैं कि भाई या तो उनकी माँ अगर उनकी लाइफ में पॉजिटिव है तो वो अपनी बीवी से अपनी गर्लफ्रेंड से या जो भी लेडी उनकी लाइफ में आती है उसे लेडी लव से वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बिल्कुल हमारी माँ जैसी हो है ना वो एक छवि बनी हुई है कि बिल्कुल हमारी माँ ऐसा करती थी मेरी माँ के हाथ का खाना मेरी माँ का ये मेरी माँ का वो मेरी माँ जैसे हिसाब से कपड़े रखती है ना तुम नहीं रखती मेरे माँ जो जैसा खाना बनाती है तुम नहीं बनाती राइट या मेरी माँ जैसा मेरा ख्याल रखती है तुम नहीं रखती राइट तो वो जो कंसेप्ट है ना वो माँ है और सेम अगर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है लाइफ में तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन है लेकिन बेंचमार्क वही है कि फिर वो ऐसा चाहेगा कि भाई मेरी माँ जैसी नहीं हो लेकिन ऐसा कम होता है ठीक <coughs> है स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया कि क्या फिक्स्ड है बेंचमार्क क्या है तो यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है और मैंने बड़ा अच्छा कोटेशन बढ़ा था इसके ऊपर कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वो पता है क्या हो रहा है द टू पीपल आर गेटिंग मैरिड टू पीपल आर गेटिंग इन टू रिलेशनशिप और दो लोग जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो मेचोर्ड इंडिविजुअल्स नहीं आ रहे ये ममाज बॉयज़ आर गेटिंग मैरिड और गेटिंग इन टू रिलेशनशिप विद पापाज प्रिंसेस फादर्स डैडीज प्रिंसेस और पूरा जो है वो मटिया मेट हो जा रहा है क्योंकि ये जो है वो बाप ढूंढ रही है वो जो है वो माँ ढूंढ रहा है पार्टनर्स एक दूसरे को देख नहीं रहे तो ऐसा तो नहीं हो सकता राइट ये जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है ना जो सेट कर रखे हैं ये बहुत मुश्किल है और ये सबने किए होते हैं मेरे साथ भी है ये राइट आई ओल्सो हैव दैट काइंड ऑफ के पापा जैसा करते थे ना मेरा हस्बैंड मेरे लिए वैसा नहीं करते अफकोर्स नहीं कर सकता यार अफकोर्स नहीं कर सकता ही डस्ट दैट सेम थिंग फॉर माई डॉटर राइट बट ही वोट डू दैट फॉर मी बट ये समझने में ना ये मेचोरिटी आने में बहुत समय लगता है बहुत टाइम लगता है ये मेचोरिटी आने में वो जो बेंच मार्क है ना कि आपको एक आदमी जो है आपका वो हीरो है सो वॉट यू डू विस कि वो बेंच मार्क जो आप हीरो वाला सेट कर लेते हैं तो फिर आपको लगता है कि हर आदमी उसके बराबर आना चाहिए अगर वो नहीं आ रहा है या वो थोड़ा इससे भी, भी कम हो रहा है तो आपको फिर वो जमता नहीं है फिर आप उसमें मीन मेक निकालते हैं शुरू में तो चल जाता है है ना आपकी एज में तो फिर भी चल जाता है इन्फैचुएशन वगैरह वाली जो एज होती है ना उसमें तो फिर चल जाता है थोड़ी जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको वो रिलइज़ होगा कि नहीं यार वो चीज़ तो नहीं है इसमें बड़ा अच्छा एक मैंने वो भी सुना था इंटरव्यू था अगेन जावेद अख्तर का ही था शायद जिसमें उन्होंने कहा कि भाई दुनिया की हर बहू जो है वो अपनी सास से ख़राब दाल बनाती है है ना क्योंकि हर आदमी जो है कहता है तुम वैसी दाल नहीं बनाती जैसी मेरी माँ बनाती है तो दुनिया की हर बहू जो है वो अपनी माँ से ख़राब दाल बनाती है तो पिछले दस हजार साल के इतिहास में भारत के दस हजार साल से जो दाल बनने का जो स्तर है वो कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है <laughs> राइट तो इसका मतलब ये है कि आपने व्हेन वी व्हेन वी से दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डैडीज प्रिंसेस कंसेप्ट व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप आ, एक और चीज़ है इसमें आप इस फोटोग्राफ से हम एक और एक लेसन समझते हैं हम मल्टीपल चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फोटोग्राफ क्या डिपेक्ट कर रही है राइट right? ऐसी एक और चीज़ समझने की कोशिश कर रहे दैट मैन हु इज़ द हीरो टू दिस लिटिल गर्ल ये जो भी काम करेगा ना ये आदमी अपनी लाइफ में जो भी काम करेगा वो उसके लिए बेंच होगा वो इतने से बच्चे के लिए द लिल आइज़ आर वॉचिंग यू द लिल आइज आर ऑन यू तो वो उसके लिए वो बेंच होगा कि मेरे पापा ऐसा कर रहे थे तो वो सही होगा वो बात अलग है कि वो रैशनैलिटी जब आएगी सोचना समझना जब आएगा बट दिस गर्ल वट एवर शी सी दिस मैन डू उसको लगेगा दैट यू नो अगर ये कर रहे हैं तो ये सही होगा दैट इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट शी हैज़ इन अ फादर दैट इज द लेवल ऑफ लव दैट शी हैज एंड दैट इज द लेवल ऑफ जिसको आप कहते हैं ना भरोसा जिसको आप कहते हैं दैट दट द होल थिंग दैट एवरी थिंग इन कैप्सुलेटेड इन वन के प्यार भी है भरोसा भी है ट्रस्ट भी है कि दिस मैन इज ultimate, whatever he'll do, this sense of security, this sense of love, this sense of, aap na, protection, this girl feels with this man around, the usko de paega, right? And this is where the things start to get up kyunki because this is the benchmark and nobody will come close to it isse koi bhi close nahi aayega similarly aapko you have to take people isse ek aur understanding aati hai that you have to take people for how they are aapko logo ko waise lena chahiye lena hoga jaise ki wo khud hai पहली चीज़ ye समझी हमने दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि ki daddy's princesses are, are 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 expecting the mamas are meeting mama's boys and they Are all you know messing messing things up? सो so, आपको इंडिविजुअली समझना होगा कि हर रिश्ते की अपनी एक खूबसूरती होती है अपना एक दायरा होता है और वो रिश्ते वहीं हो सकते हैं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ अ व वेरी इम्प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर मेकिंग आउट ऑफ इट दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लेक्चर देखे ना चीज़ों को अगर आप समझा रहे हैं या बोल रहे हैं जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं अगर आपको कोई चीज़ बोल रही हूँ तो ये बात आपको इम्पैक्ट करेगी लेकिन जो चीज़ आप देखेंगे वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी ठीक है सो जट ऑलवेज दैट द यू हैव टू रिमेंबर

Setting a benchmark with every single action, so be very conscious. विस इज दिशन नॉट यूर लर्निंग फ्रॉम इट यू आर सेटिंग अ बेंच मार्क विथ एवरी सिंगल एक्शन जो भी चीज आप जिंदगी में करते हैं आप जो लोग आपको देख रहे हैं जो आपसे छोटे हैं आपसे कम हैं कम है वो या छोटे हैं इनफैक्ट वो आप उनके लिए बेंच सेट कर रहे हैं होता है घर में ये तो चलिए मैंने मम्मी पापा की बात कर ली डैडीज प्रिंसेस की बात कर ली ममाज बॉय की बात कर ली लेकिन चलिए एक सिंपल सी चीज़ है आपकी एज में समझते हैं आपके अगर छोटे भाई बहन हैं या अगर आप छोटे हैं तो आपके बड़े भाई बहन हैं तो मम्मी या पापा घर में बोलते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो देखो वो छोटा भी ऐसे ही करेगा या तुम ऐसा करोगे तो वो छोटा भी छोटी भी ऐसे ही सीखेगी या तुम ऐसा करोगी तो फिर वो भी ऐसे ही करेगी तुम्हें देखा देखी या बड़े हैं तो कहते हैं बड़ों को डांट पड़ती है कि तुमने ऐसा किया ना तो देखो वो तो करेगा होता है ना ऐसा तो द पॉइंट इज कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं रिलेटिवली जब आप छोटे होते हैं या बड़े होते हैं तो जो भी लोग आपसे छोटे हैं जो उनके लिए आप कोई ना कोई एक बेंच तय कर रहे हैं किसी ना किसी के लिए एंड दिस इज़ नॉट जस्ट हेयर आप अगर किसी ऑफिस में कल को काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप एक जो इसको कहते हैं बेंच सेट करेंगे राइट right? कि आप उसका काम देखिए जो होता है ना उसको उसको देखिए कितना अच्छा वो काम कर रहा है या आप स्कूल में हैं आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो कॉपीज़ हैं वो किसी और को बोला जाएगा लुक एट दैट वर्क Look at his work or her work, how neat she has done it. राइट right? बिल्कुल वैसे ही और अगर आप वो चीज़ ख़राब करते हैं तो भी कहा जाएगा आपको कि ये कोई वो है करने का या ये देखो ये किया है तुमने तो यू आर ऑलवेज सेटिंग अ बेंच मार्क जो भी आप करते हैं हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप बेंच मार्क तय कर रहे हैं और आपके जो एक्शंस हैं यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट एक्शन आपको उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं आप बेंच मार्क तय कर रहे हैं जो कि जो आने वाले लोग जो हैं वो उससे सबक लेंगे और सीखेंगे और उसको एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे एंड वॉट यू नीड टू डू एज एन इंडिविजुअल आपको क्या कोशिश करनी है कि आप वो बेंचमार्क रेस कर पाए आप उस बेंचमार्क के बार ग्राफ को ऊपर ले जाएं ठीक है तो वो आपकी विक्ट्री है अगर आप उसको बेंचमार्क को नीचे लाते हैं आप उसका बार को नीचे गिराते हैं तो वो हम कह सकते हैं दैट यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ सो यू नीड टू यू नो पुल अप योर सॉक्स एंड डू वेल आपको अच्छा करना है कुछ प्राथस फातिमा खानम वॉज़ द प्रिंस ऑफ़ पर्शिया। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फोटोग्राफ तो आप अगर आपको ये फ़नी लग रही है इन केस इफ़ यू पीपल आर फाइंडिंग इट फनी सो लेट मी टेल यू दिस कि मैं इसकी एक स्टोरी आपको बता दूँ एक सच्चाई आपको बता दूँ कि अगर हन की बात करते हैं फ़ातिमा खानुम ये शी वोज द प्रिंस ऑफ पर्शिया एंड शी वज़ द डॉटर ऑफ किंग नासिर अल्दीन शाह कजर और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये पर्शिया के सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग मनाक थे ठीक है सबसे लंबे समय तक ये पर्शिया के मुनाक रहे जब तक इनकी ये हत्या नहीं कर दी गई ठीक है तब तक इन्होंने रेन किया उसको और उनकी दूसरे नंबर की बेटी थी सेकंड डॉटर थी उनकी और इनको कहाँ जाता है कि अगर आप बात करते हैं ये तो खैर नासिर के बारे में लिखा हुआ है कि एटीन नाइन्टी सिक्स में उनकी हत्या कर दी गई थी तब तक वो लॉन्गेस्ट रेनिंग मुनाक रहे और उस जमाने में जब आप इनकी बात करते हैं फातिमा की है तो फ़ातिमा की अगर हम बात करते हैं तो शी वॉज नोन एज द ब्लैक लेडी क्योंकि थोड़ा सा डार्क कलर था थोड़ा सा दबा हुआ कलर था इनका इसलिए कहा जाता है <coughs> <coughs> लेकिन अब जब हम बात करते हैं एक ब्लैक लेडी एक शेक्सपियर की भी ब्लैक लेडी बहुत फेमस है ठीक है पर ये शेक्सपियर की ब्लैक लेडी की बात नहीं हो रही ये इनकी बात हो रही है पोशिया की तो उनके दूसरे नंबर की डॉटर थी या सेकेंड डॉटर थी और इनको अगर आप कपड़े वगैरह अगर आप देख रहे हैं अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको जान के थोड़ी सी हैरानी शायद हो सकती है कि पोशिया में ये उस टाइम पे एज़ यू कैन सी दैट यू नो हाउ शी इज़ ड्रेसड एंड हाउ शी इज़ लुकिंग इन एवरी थिंग अबाउट द ड्रेसिंग सेंस हाउ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हर सेल्फ एवरी थिंग इज हयर आई नॉट बॉडी शेमिंग लेट मी टेल यू मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कंसेप्ट आ गया ना आजकल बॉडी शेमिंग ये अपने आप में कंसेप्ट ही नहीं था ये कुछ साल पहले तक अगर आप जाके बात करेंगे ना अगर आप आज से पंद्रह एक साल पहले चले जाएँगे बिफोर दिस दिस होल इंटरनेट इस ट्रॉम ओवर द वर्ल्ड तब ये इस तरह के कोई कंसेप्ट आते ही नहीं थे दीज आर सच अ न्यू टेक्नोलॉजी जो कि आज वी सी इट रिंगिंग इन द इयर ओ वी हेयर इट रिंग इन द ईयर पहले होता ही नहीं होता ठीक है हुआ ही नहीं करता था इस तरह की बातें नो आई एम नॉट कि टर्मोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी व्हाट आई एम सेइंग इज कि उतनी आसानी से लोग या उतना ज़्यादा लोग समझते ही नहीं थे इन बातों का मतलब ठीक है और ये ये जो थी फातिमा शी वॉज कंसिडर टू बी ये ब्यूटी का स्टैंडर्ड मानी जाती थी शी वॉज द स्टैंडर्ड ऑफ अल्टीमेट ब्यूटी इन पर्शिया नाइनटीन हंड्रेड में टू एन एक्सटेंड कि कहा जाता है कि तेरह आदमी तेरह सूटर्स दे किल्ड दम सेल्व उन्होंने स्यूसाइड कर लिया बिकॉज शी रिजेक्टेड दे लव तो शी वो सच अपिटोम ऑफ ब्यूटी जिसको आप कहते हैं ना कि बिल्कुल इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता ओके सो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हेयर इज कि देर इज नो फिक्सड स्टैंडर्ड ब्यूटी को या खूबसूरती को आप खाँचे में नहीं रख सकते आप बांध नहीं सकते ये नहीं आ सकता कि गोरा रंग जो है वो नेसेसरली अच्छा हो काला रंग जो है खराब आई मीन वॉट डू मीन बाई देट काला घोड़ा भाई काला गोरा आई मीन कम घोड़े की नस्ल देख रहे हो क्या यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग What do you mean by she's too thin or oh, she's too fat? What do you mean by that? The point is if you are being what you are, that is the best thing. do aap hain, wo and wear that with a panache, wear that with an attitude. और वो अपने आप में स्टैंडर्ड हो जाएगा वो अपने आप में स्टैंडर्ड इट इज अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ इट इज़ अबाउट द एटीट्यूड इट इज़ अबाउट वॉट यू हैव इन है ना ये बात है एटीट्यूड की ये बात है उस चीज़ की जो आपके अंदर है ये कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी शेप से यार क्या फ़र्क पड़ता है ओब्वियसली कोई तो बहुत खूबसूरत हो गई ऐश्वर्य राय है तो बहुत खूबसूरत होगी गई जोली है वह बहुत खूबसूरत होगी बट नेक एनी बड़ी एल्स लेसर राइट पर उसका मतलब ये नहीं है कि आलिया भट्ट जो है वो अलग हो गई ना उसकी अपनी खूबसूरती है उसका अपना अट्रैक्शन है उसकी अपना चाम है इट ऑलवेज मीन्स दैट वे या अगर आप बात करते हैं कोंकना सेन शर्मा की शी हैज़ अ डिफरेंट अट्रैक्शन उसका अट्रैक्शन अलग है उसकी खूबसूरती अलग है आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म स्टार्स क्योंकि ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे ना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे उनसे राइट तो उनकी खूबसूरती अलग है वो कोई देर इज़ नो स्टैंडर्ड इज़ नो फिक्स स्टैंडर्ड ये जो ब्यूटी का पैमाना बना रखा है ना हमने कि साइज़ ज़ीरो फिगर होगा तो ही अच्छा है क्यों भाई क्यों पहले के लोगों के किसके साइज़ ज़ीरो फिगर होते थे आपने कोई भी आपने हीरोइन देखी है जिसका साइज़ ज़ीरो हो बिल्कुल नहीं होता राइट एंड पीपल आर डूइंग ओके इट इज़ अबाउट की एक्सेप्टेबिलिटी और सबसे बड़ी बड़ी और सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी आती है आपके अंदर से यू नो एक्सेप्ट वॉट यू आर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए दुनिया करती रहेगी नहीं कर रही है तो भी ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता होम आर यू ट्राइंग टू इंप्रेस किसको इम्प्रेस करना है आई नो स्पेशली आपकी एज में बहुत होता है बिकॉज हम उस एज से निकले ना तो हमको वो चीज़ मालूम है एक पिंपल हो गया तो पिंपल इतना बड़ा हुआ बन जाता है वाई यार ठीक है यू ग्रोइंग आप एडोलेसेंस है आ गया पिंपल आ गया अ बिग डील अबाउट इट ठीक है चलता है या आप धूप में आना जाना कर रहे हैं स्विमिंग कर ली आई नो पर्सनली आई नो मैं uh, हम जाते हैं स्विमिंग करने तो आई सी स्मॉल गर्ल्स आपकी एज की मतलब यू नो चौदह पंद्रह साल की लड़कियाँ चौदह पंद्रह साल की टीन एजर्स अंडे आर सेल नॉट गो इन टू दूल धूप में क्योंकि हमारी बॉडी टैन हो जाएगी कम ऑन मैन बॉडी टैन हो जाएगी सीरियसली यूर मिसिंग ऑन समथिंग सो अमेजिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी टैन हो जाएगी किसको दिखाना है क्या करना है फाइन हो गई हो गई यार आपने स्विमिंग की डजेंट मैटर राइट फिर से आप कर लीजिए आप डिटैन करवा लीजिए आप सनस्क्रीन लगा लीजिए दैट इज ओके वाट आई एम सींग इज आपको एलर्जी हो जाती है आपको पसंद नहीं है दैट इज़ डिफरेंट थिंग पर मुझे मेरी बॉडी टैन हो जाएगी तो लोग कहेंगे मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे अगर आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो आपके फ्रेंड्स नहीं है टेक द थिंग वेरी स्ट्रेट टू योर दिमाग अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए इस बात को कि भाई अगर आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो आपके दोस्त नहीं है हंसी मजाक दोस्त करते हैं लेकिन मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर वो आपके दोस्त नहीं है ठीक है बॉडी शेमिंग इज़ इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू सो द लेसन इज़ नो बॉडी शेमिंग ठीक है नो बॉडी शेबिंग दिस इज द लेसन दैट यू आर गेटिंग हेयर कि आप ये नहीं कह सकते दिस इज बैड और दिस इज यू नो कि ऐसा कैसे हो सकता है ये ये क्या इसको देख के द, द आप बताइएगा मुझे और सच सच बताइएगा कि वेन आई टोल्ड यू दट दिस इज द शी इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द ब्यूटी पर्शन ब्यूटी आपके दिमाग में आया था तो ये आया था कि नहीं आया था आया था लाइक है ना फ्रेंकली आया था राइट सो ये जो है ना ये अगर दिमाग में आया था तो ये नहीं आना चाहिए राइट right? ये नहीं आना चाहिए बिकॉज उसका कोई स्टैंडर्ड कोई ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स नहीं होते ये जो बना दिए गए ना आज के लिए पूरा मार्केटिंग गिमिक चल रहा है ठीक है ये क्रीम ले लो वो कॉस्मेटिक्स ले लो ऐसे बाल करा लो ऐसे जिम ज्वाइन कर लो ऐसी डाइट ले लो सब ठीक है डू दैट इफ यू इफ इट मेक्स यू हैप्पी डू दैट अगर वो आपको हेल्दी बनाता है डू दैट इफ इट मेक्स यू गिव यू द काइंड ऑफ यू नो आपको लगता है कि यू इट इज़ बेटर इट इज़ गुड टू बी वेल ग्रूम्ड अच्छी बात है वेल ग्रूम्ड रहना अच्छी बात है तैयार होना अच्छी बात है हेल्दी uh, होना अच्छी बात है अपने सेहत का ख्याल रखना अपनी स्किन का ख्याल रखना लेकिन इफ दैट इज बॉगिंग यू डाउन अगर वो इसलिए आप करते हो क्योंकि आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपको लगता है तो, you know, अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी तो आई एल नॉट बी इन यू नो आई बी मिस फिट सो डोंट डू दैट इट इज नॉट वर्थ इट वो वर्थ नहीं होता ठीक है कॉन्फिडेंस शुड ऑलवेज कम फ्रॉम विद इन कॉन्फिडेंस हमेशा अंदर से आता है अगर कॉन्फिडेंस एक्सटर एक्सटर्नल चीज़ों को देख के आ रहा है कि हम ब्रांडेड जूते पहन लें या हम ब्रांडेड घड़ी पहन लें हम ब्रांडेड कपड़े पहन लें हम ऐसे बाल बना लें हम ऐसे रह लें ये बहुत इंप्रेशनेबल एज है आई अंडरस्टैंड बहुत इंप्रेशनेबल एज है सबके साथ होता है हमारे साथ भी होता था क्या आपको लगता है कि यू you नो know, मेरे फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं तो मुझे करना है प्यर प्रेशर बहुत होता है ना इस एज में कि वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी करना है बट दट इज़ ओके यार अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल जीते हैं या आप एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ें करते हैं तो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स एंड इट इज़ बेटर दैट यू टेक दैट टू योर हार्ट राइट right? मतलब अगर ये बात मुझे किसी ने आपकी एज में बताई थी मुझे भी किसी ने आप ही की एज में समझाई थी कि मैंने मेरे पास एक आई रिमेंबर आई हैड अ साइकिल मेरे पास एक साइकिल थी एंड आई सेड यू नो कि वो नहीं होता है और हम कर नहीं पाते चला नहीं पाते और मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं या कुछ होता है उसका कुछ टूट गया था आगे से एंड आई वो टेलिंग माई चाचू कि उसको फिक्स करा दीजिए एंड सेट कि बेटा मैं करा दूंगा एक आध दिन में और वो कुछ उसका थोड़ा सा कलर निकल गया था उसका साइकिल का आगे की तरफ से और मुझे याद है कि मैं कुछ नाइन्थ वाइन्थ में थी उस टाइम पे हम लोग एट नाइन्थ में थी शायद उस टाइम पे हम लोग साइकिल बहुत चलाते थे आजकल तो आप लोग चलाते ही नहीं है साइकिल आजकल आप लोग बहुत अलग टाइप की जनरेशन होता जा रहा है लेकिन अगर आप साइकिल चलाएंगे तो वेरी गुड सोसाइटीज़ तो में आजकल दोबारा बच्चे चलाने लगे हैं जो बहुत अच्छी बात है या छोटे छोटे शहरों में तो आज भी चलाते हैं जो बहुत अच्छी बात है आनी ही चाहिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज इन द चाइल्ड और हाँ नाइन्थ क्लास चाइल्ड ही होता है ना नाइनथ क्लास अभी आप बच्चे नहीं है वाला हिसाब नहीं है अभी तो चलाते थे और मुझे याद है कि उसका आगे का साइड पर से कुछ कलर निकल गया था थोड़ा सा एंड आई टोल्ड सम्बरी कि पता है वो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं आप उसको ठीक नहीं कराते और मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली दैट स्टेड विथ मी फॉर ओवर ईयर्स इतने सालों तक भी कि अगर वो दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं तो वो आपके दोस्त नहीं हैं दैट इज़ वेरी सिंपल अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आपका दोस्त नहीं है स्टॉप कॉलिंग दम योर फ्रेंड्स से कि आपकी क्लासमेट हैं आपके जो भी हैं दोस्त नहीं हैं दोस्ती बहुत अलग कंसेप्ट होता है ठीक है उसमें हंसी मजाक चलता है लेकिन अगर मजाक उड़ाया जा रहा है नीचा दिखाया जा रहा है या आपको डिमीन फील कराया जा रहा है लो फील कराया जा रहा है ख़राब फील कराया जा रहा है सो कीप अ डिस्टेंस इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन द बैड कंपनी ठीक है अकेले रहना ख़राब कंपनी में रहने से बहुत अच्छा होता है फाइन सो दिस इज़ नो पॉडी शेमिंग एंड इट इज बेटर टू बी अ लोन देन टू बी इन द बैड कंपनी तो एक चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं नाउ कमिंग टू द सेवंथ वन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आप ये फोटोग्राफ देखिए दिस फोटोग्राफ इज अगेन अ वेरी वेरी जिसको आप कहते हैं कि बहुत मूविंग फोटोग्राफ है बहुत स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफ है और बहुत स्ट्रांग मैसेज देती हुई है और मैसेज क्या है <coughs> अगर आप देख पा रहे हैं आपको मालूम है जब हम बात करते हैं रिफ्यूजिंग टू डू द नाजी सल्यूट नाइनटीन थर्टी सिक्स नाइनटीन थर्टी सिक्स ऑफकोर्स मिन यू नो अबाउट नाजी सल्यूट वी नो दैट वी आर टॉक अबाउट जर्मनी वी नो दैट वी आर टॉक अबाउट हटलर हमें मालूम है कि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं हिटलर की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं स्वास्थिका की आ गया समझ में एंड हाथ कर रहे हैं किसकी ये वो दौर था ये वो समय था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के होने से पहले का समय था ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में हिटलर के नाम का सिक्का चलता था ये वो दौर था जब पूरी दुनिया टोटलियन स्टेट जो था टोटलटेरियन स्टेट जो, जो जर्मनी बन गया था उसमें सख्ते में थी ये वो दौर था जबकि एक आदमी का नाम इतना बड़ा हो गया था कि आज तक भी कोई आदमी अगर हमें मिलता है जो बहुत आ, जिसको बोलते हैं बहुत डिस्पोटिक होता है या बहुत आ, आ, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत आ, डिक्टेटर uh, होता है डिक्टेटरशिप का के गुण होते हैं जिसमें हम आज भी उसको बोलते हैं ज़्यादा हिटलर में समझना ये बिल्कुल ही हिटलर है वो तो मैम तो यार क्या हिटलर टाइप की मैम है राइट तो हिटलर टाइप की मैम है तो वो हिटलर टाइप के टाइम पे ये जो है नाजी से हुआ करता था और टिपिकल इसमें कोई भी जिसको आप बोलते हैं ना कोई रियायत नहीं होती थी किसी भी तरह का कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाता था आउटलॉ बर्दाश्त नहीं किए जाते थे किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कि जो आवाज़ उठाने की किसी में दम नहीं होती थी उस टाइम पे राइट एवरीबडी वो इन टू द लाइन एवरीबडी सब सर झुका के चलने वाला दौर था जिसको कहते हैं ना लोगों को सर उठा के चलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे वो आवाज़ उठाने की हुकूमत के के खिलाफ हिटलर के खिलाफ इतना ज्यादा टोटेलिटेरियन तो स्टेट था वो राइट आपको मालूम है नाजीज एंड ज्यूज एंड पीपल एंड द स्ट्रगल दैट वाज गोइंग ऑन उस समय में ये फोटोग्राफ इसलिए स्टैंड आउट करती है कि जब इतने बड़े लोग इतने सारे लोग जब हेल कर रहे हैं हेल हिटलर का हिटलर को और <coughs> नाजी सैल्यूट को तो दिस जेंटलमैन इज इज स्टैंडिंग विद हिज हैंड्स हैं फोल्डेड ठीक है तो आप ये सोचिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है 1936 की बात कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर सेंचुरी पूरी एक एक पूरे एक युग निकल गया उसके बाद हम इस फोटोग्राफ पे डिस्कशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी की वजह से इस फोटोग्राफ में अगर ये एक आदमी को आप हटा दें तो उस फोटोग्राफ में कुछ भी नहीं है देर इज नथिंग इन दिस फोटोग्राफ टू बी टॉक्ड अबाउट टू बी वर्दिंग ऑफ दफ़ द टॉकिंग राइट बट वो सिर्फ ये फोटोग्राफ जो है वो एक आदमी पे पे फोकस कर रही है जो कि हिटलर को नाजी सैल्यूट नहीं दे रहा या उसकी फोर्सेस को नाजी सैल्यूट नहीं दे रहा राइट और वो क्यों नहीं दे रहा क्योंकि ये एक आदमी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीडम को ये एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है करेज को ये एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप कहते हैं द थाट ऑफ लिबर्टी को ये एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड आपको क्राउड का हिस्सा नहीं बनना है और यही इसको कर रहा है इज़ द लर्निंग दैट यू गैट करेज इज ऑलवेज स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड जो हिम्मत ही होता है जो ब्रेव होता है जिसमें ये हिम्मत होती है कि उसको हुकूमत के ख़िलाफ़ या उसको जो एक भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनता जिसको अपने स्टैंड पे खड़े होने की हिम्मत होती है जिसको ये कहने की हिम्मत होती है कि अगर कोई चीज़ हो रही है और पूरी दुनिया भी उसको कर रही है लेकिन अगर मुझे वो सही नहीं लगती तो मैं नहीं करता जो आदमी ये कहने की हिम्मत रखता है वो इतिहास बनाता है एंड दैट पर्सन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड नॉट द थाउजेंड जो कि एक उसका भीड़ चाल का हिस्सा है और ये सबसे बड़ी इसकी सीख है जो आप इसे समझ सकते हैं द करेज पर्सन ऑलवेज 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 स्टैंड आउट एंड दैट इज वाई सबसे बड़ा वर्च्यू जो है वो करेज को माना जाता है या ब्रेवरी को माना जाता है उस चीज़ को माना जाता है कि आप अपने लिए कितना स्टैंड ले सकते हैं और आप कितने क्लियर हैं अपने स्टैंड पे अपने व्यू पॉइंट पे कि ये चीज़ है मैं इसको मानता हूँ या मैं इसको नहीं मानता चाहे दुनिया कुछ भी कहती हो मुझे पता है कि ये सही है या ये गलत है और आई विल स्टैंड फॉर दैट आई विल स्टैंड विद माई कन्विक्शन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लेसन दैट यू गेट फ्रॉम दिस अब ये जो फोटोग्राफ यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पैनिश फ्लू की आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं इस फोटोग्राफ को चुनने का मेरा जो रीज़न था वो भी ये था कि ये फोटोग्राफ अगर हम आज का टाइम देखते हैं ना तो सबसे ज़्यादा क्लोजली हम इस फोटोग्राफ से रिलेट कर पाएंगे ठीक है क्यों कर पाएंगे क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है हाँ ना कोविड प्रोटोकॉल्स आपको मालूम है कि मास्क लगाइए हाथ धोइए डिस्टेंस मेंटेन कीजिए एस एक्स वाई जेड हम सुन रहे हैं इतने टाइम से लेकिन आज भी पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैट एज मच कब वेन वी आर टॉकिंग अबाउट तकरीबन भी क्या मतलब अगर हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली सौ साल सौ साल मान लीजिए है ना क्योंकि 2019 तक ये दो 1919 तक स्पेनिश फ्लू माना जाता है कि काफी ज्यादा एक्टिव था 1920 तक भी रहा तो आप पूरा सौ साल मान लीजिए सौ साल एक सौ एक साल तक एक सौ एक साल बाद जब पूरा इतना एडवांसमेंट आ गया जब मैकेनिकल एडवांसमेंट uh, आ गया इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट इतना आ गया जब लोग इतने अवेयर हो गए इतना आइडिया uh, हो गया लोगों को कि एक दूसरे को यू नो अवेयर करा सकते हैं इग्नोरेंस कम हो गई है एजुकेशन लिटरेसी बढ़ गई है सब कुछ हो गया है साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के तौर पर वेंटिलेटर्स आ गए हैं सोफिस्टिकेटेड मेडिकेशन आ गई हैं सोफिस्टिकेटेड जिसको बोलते हैं कि द यू नो मशीन आ गई हैं एवरीथिंग हैज़ कम अप राइट इक्विपमेंट्स आ गए हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं तब भी हम कोविड पे uh, काबू नहीं पा पा रहे ठीक है पूरी की की पूरी दुनिया की जिसको आप कहते हैं हेल्थ केयर जो है बिल्कुल घुटने uh, टेक दिए थे एक तरह से पूरी दुनिया के हेल्थ केयर ने क्योंकि हम कोविड से निपट नहीं पा रहे थे उभर नहीं पा रहे थे ठीक है तो हम बात कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग की और डिस्टेंस मेंटेन करने की फाइन अब हम बात करते हैं सौ साल पहले रिवाइंड करते हैं अपन ज़रा पूरी स्टोरी का जो चक्का है घुमाया जाए सौ साल पहले अपन चलते हैं नाइनटीन में एटीन में ये वो समय था अगर आप टाइम समझ रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था ये है ना वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी एक स्पैनिश फ्लू जो कि अगेन एक वायरल डिजीज़ थी एक वायरल पैंडमिक था जो अगेन पूरी दुनिया में उस टाइम पे हावी हो गया था अलग अलग हेमस्फेयर में अलग अलग समय पे हुआ था वो बात अलग है <laughs> और ये पिक्स से आया था ठीक है जैसे अपना वाला जो है वो कोविड जो है मतलब अपना वाला मतलब कोविड जो है वो बैट से आया है तो ये भी पिक से आया था ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ था ठीक है अब ये स्पैनिश जो फ्लू है ये इतना डेडली माना जाता था कि अगर आप इसको समझेंगे तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उस टाइम की जो फोटोग्राफ थी ब्लैक एंड वाइट अगर आप देखेंगे तो ऐसी लाशें जो थी मतलब लिटरली आई हैव सीन द पिक्चर्स जिसमें वो लाशें जो थी वो पटी हुई थी थी मतलब आपको जगह नहीं दिख रही थी वो जितनी नज़र आपकी जा रही थी दूर तक जहाँ तक वो कैमरा लेंस फोकस कर सकता था वहाँ तक सिर्फ डेड बॉडीज थी और उनको रखा गया था पाइल्ड अप डेड बॉडीज तक थी राइट इतना मेजर इसका वो था आप मान लीजिए कि नाइनटीन एटीन में वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट पाँच करोड़ लोगों को तकरीबन ये माना जाता है आंकड़ा के पास से छः करोड़ लोगों की डेथ हुई थी इस स्पैनिश फ्लू में इनफेक्ट तो उसने किसको कितनों को किया था वो तो आंकड़ा ही अलग है वो तो हम समझ भी नहीं सकते उसकी तो कोई ऑफिशियल जो है एक तरह से पुष्टि भी नहीं हो पाई है उस आंकड़े की है ना बहुत ज़्यादा हुआ था इतना था उस जमाने में भी पीपल सो अवेयर और उसको कंट्रोल कैसे आया एक्चुअली पेंडेमिक था अलग अलग चरणों में हुआ जैसे हमारे साथ हो रहा है दे न्यू दैट द ओनली वे के अकेला कोई तरीका जिससे आप इस महामारी से लड़ सकते थे उस जमाने में सौ साल पहले उनमें इतनी अवेयरनेस थी उतना सेंस था उतने वो पढ़े लिखे थे उतना पढ़े लिखे इन द सेंस दे वो अवेयर पढ़ा लिखा आदमी मतलब लिटरली डिग्री और मार्क्स की बात नहीं होती पढ़ा लिखा आदमी वो होता है जिसमें सेंस होता है जिसमें रेशनैलिटी होती है जिसको चीज़ें समझ आती हैं इतने साल पहले भी वो ये बात समझते थे कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा एंड इट इज़ अ वायरस तो आपको ये मालूम था कि भाई आपको अगर करना है तो यू हैव टू वेयर योर मास्क ठीक है तो ये जो मास्क हैं आप देख रहे हैं फैमिली को द फैमिली इज़ वेयरिंग अ मास्क सारा परिवार जो है वो मास्क लगाया हुआ है ऑफ़ कोर्स दिस इज इंटिमेट फोटोग्राफ घर के फोटोग्राफ होगी परिवार की फोटोग्राफ है पोर्ट्रेट है उसमें भी दे आर वेयरिंग अ मास्क ठीक है उसमें भी ये मास्क लगाए हुए हैं एंड ऑल्सो कि उस टाइम पे ये हम मान सकते हैं इनकी फोटोग्राफ देख के कि वो डिक्लाइन का टाइम होगा पैंडमिक का पैंडमिक का जो जिसको महामारी का जो दर है वो नीचे आया होगा है ना आज की डेट में एक टाइम था जब हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे आज वी वेयर अ मास्क एंड वी हैंग आउट टुगेदर विच इज़ ओके बट कितने लोग हैं आज भी जो मास्क नहीं लगाते कितने लोगों को आज भी हमें मार मार के हिंदुस्तान में बोलना पड़ता है तो प्लीज़ अपना मास्क लगाइए या प्लीज़ ऐसा कीजिए या प्लीज़ सीट बेल्ट लगाइए हेलमेट लगाइए वी डोंट डू दैट राइट हम अब किसी और को ब्लेम नहीं करते हम अपने आप को ब्लेम करते हैं हम नहीं करते फ्रैंकली हम नहीं करते क्यों नहीं करते हैं? हमें यह समझ में नहीं आता हमें लगता है कि भाई कोई पुलिस वाला खड़ा है वो हमको पकड़ लेगा तो चलो हेलमेट लगा ले कोई पुलिस वाला खड़ा है वो हमको पकड़ लेगा तो चलो यू नो सीट बेल्ट लगा ले या कोई है पुलिस वाला तो फटाक से आपने देखा कि मास्क यहाँ पे रहता है लोगों का uh, चिन पे और जैसे कोई दिखा पुलिस वाला तो आपने ऊपर कर लिया नाक पे तो भाई वो पुलिस वाले की जान नहीं जाएगी उससे आपकी प्रॉब्लम है आपकी जान जाएगी और आप चार लोगों को और इन्फेक्ट करेंगे जिनसे आप मिलेंगे राइट तो आपको मैं ये सिर्फ समझाना चाह रही हूँ दैट अवेयरनेस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन आपको जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आता है सेल्फ

हर क्षेत्र में जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपको या पूरे देश को या पूरी दुनिया को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता तो लेसन दर्पी गेट हेयर सेल्फ डिसिप्लिन इज की टू success. दिस इज़ द लेसन दैट यू गैट दैट सेल्फ डिसिप्लिन की टू सक्सेस आप दुनिया में किस भी किसी भी चीज़ से निपटना चाहते हो किसी भी चीज़ का सामना करना चाहते हो बड़ी सी बड़ी घटना हो बड़ी सी बड़ी बात हो जिससे आप आगे चल के आप यू वॉन्ट टू कम ओवर अचुएशन यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ अचुएशन यू वॉन्ट टू अटेन समथिंग यू वॉन्ट टू फिनिश सम थिंग वन एवर द थिंग इज जो भी आप करना चाहते हैं अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और सेल्फ डिसिप्लिन हैं अगर आपके अंदर वो डिसप है कि आपको कोई चीज़ करनी है तो आप उसको कर लेंगे वो पहली स्टेपिंग स्टोन uh, बनेगा पहला स्टेपिंग स्टेप step बनेगा आपकी सक्सेस का तो सेल्फ डिसिप्लिन एज द की चाहे आप पैंडेमिक से लड़ रहे हो तो चाहे आप क्लास में टॉप करना चाहते हो तो चाहे आप स्विमिंग में फर्स्ट आना चाहते हो स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल में बास्केटबॉल में क्रिकेट में गिटार में वोकलिस्ट थिएटर वट एवर यू हैव टू बी द सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन आपको किसी को सिखाने की आपको किसी को बोलने की किसी को दिखाने के लिए करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मम्मी को दिखा लूँ या मैं सर को दिखा लूँ या मैं मैम को दिखा लूँ किसी को कुछ नहीं करना है अपने अंदर सीखो अपने आप मोटिवेट हो सेल्फ डिसिप्लिन रहो एंड यू विल यू विल यू विल अटेन द सक्सेस ठीक है किताब अगर मम्मी आ रही है और पढ़ रहे हो आप और पता चला कि आप ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो और सोच आप कहीं और, और रहे हो और आप कोई बैंड के बारे में सोच रहे हो और आप कोई कल वो होने वाला एग्जिबिशन उसके बारे में सोच रहे हो या किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे मैटर ना आप अगर किताब खोल रहे हो तो भाई चार घंटे पाँच घंटे बैठ के पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दो घंटे पढ़ो एक घंटा पढ़ो अच्छे से पढ़ो कॉन्सनट्रेट करके पढ़ो दैट इज़ इम्पोर्टेंट किसी को दिखाने के लिए पाँच घंटे बैठ के आप किताब में बैठे हो और ऐसे 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 कर रहे हो क्या पॉइंट है कोई पॉइंट नहीं है राइट तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली की है अपनी चीज़ अपने आप मोटिवेटेड रहो अपने आप जिसको कहते हैं कि खुद में अपने आप में आप में एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपको ज़िंदगी में क्या अचीव करना है तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते Got it? So, this is the lesson that you get from here. Now, अब हम बात करते हैं सेफ्टी रेगुलेशंस की जो कि नाइनटीन में ये फ़ोटोग्राफ जो है ये बहुत 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 खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़ भी है बड़ी आ, जिसको कहते हैं कि बड़ी सिंपल सी फोटोग्राफ है कुछ भी नहीं है अगेन बहुत अनोनमस है कोई बहुत बड़ा कोई बहुत फ़ेमस कोई बहुत नामी गिरामी कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर बहुत सिंपल सी फोटोग्राफ है लेकिन बहुत कुछ बोलती हुई है है ना बहुत बोलती हुई सी तस्वीर है क्यों बोलती हुई सी तस्वीर है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक केबल काट पर है ना एक केबल काट पे एक फ़ोटोग्राफ है कैन यू सी द हाइट कैन यू सी द एलिवेशन आप एल्टीट्यूड देख पा रहे हैं नाइनटीन सिक्सटीज़ का है और आप देख पा रहे हैं कि सेफ्टी रेगुलेशन क्या थे आई एम नॉट प्रमोटिंग ये सेफ्टी रेगुलेशन सही थे ऑफकोर्स नॉट नहीं थे है ना बहुत ही प्रोमिटिव थे बहुत ही जिसको बोलते हैं कि बहुत ही नाम मात्र के थे मतलब नाम को थे तो बिल्कुल आई वोंट से दिस वाज गुड बट व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू गर्स कि ये फोटोग्राफ बहुत बोलती थी इसलिए क्योंकि एक वो बच्ची बैठी हुई है सी द पिक्चर वो बच्ची बैठी हुई है छोटी सी नौ दस साल की बच्ची होगी वो अपनी माँ के साथ बैठी है मोस्ट पॉसिबल प्रॉबल जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि उसकी माँ के साथ बैठी हुई है एंड द सेफ्टी मैकेानिज्म क्या है इतने ऊपर भी दैट द मदर इज वो बच्चा कहीं okay, पकड़ के भी आप देख रहे हैं बढ़िया वो पालती मार के बैठा है विद द स्क्वाट लेग्स वो बच्चा बैठा हुआ है और उसकी माँ ने हाथ रखा हुआ है सिर्फ एंड द ट्रस्ट एंड द ट्रस्ट दैट द लिटल गर्ल हैज ऑन अ मदर कि ये जब तक है तब तक मुझे कुछ नहीं होने देगी ठीक है वो छोटे से जो हाथ पकड़े हुए हैं शायद अगर कोई मिसहैप हो जाए अगर ये केबल हिल जाए तो वो गिर सकते हैं नीचे बट दैट ट्रस्ट यू नो इफ दिस पर्सन इज देयर ये जो व्यक्ति है मेरे साइड में बैठा हुआ मेरी माँ हो दोस्त हो भाई हो कोई भी हो अगर ये व्यक्ति है तो मुझे कुछ नहीं होने देगा है ना वो जो एक ट्रस्ट होता है ना एक इंसान का दूसरे इंसान पे ये अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है इसके बिना कोई रिश्ता किसी चीज़ के कोई मायने नहीं होते द ट्रस्ट इन रिलेशनशिप इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी रिलेशनशिप अगर आप बात करते हैं कि वो इज द बेसिक ऑफ एनी थिंग इज अ फंडामेंटल थिंग ट्रस्ट इज अ फंडामेंटल थिंग ये हमारा लेसन है इसका ट्रस्ट इज द मोस्ट फंडामेंटल मेंटल एस्पेक्ट Of any relation, of any relationship, <laughs> right? This is the important thing. Trust is the. फैक्टर इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर ऑफ एनी रिलेशनशिप लोग बहुत यू you नो know, आप कहते हैं प्यार होना चाहिए कंपेनियनशिप होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए सब कुछ होना चाहिए बट एवरी थिंग इज़ एन अंडरस्टेटमेंट सब चीज़ों को आप कह सकते हैं कि सब चीज़ें ठीक है अंडरस्टेटमेंट इन देंस कि हर चीज़ जो है वो आ, सब कुछ होना चाहिए एक रिलेशन में फिर अगर आप बात करेंगे तो फिर तो सब कुछ होना चाहिए राइट right? लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तो दो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिश्ते में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए और एक ट्रस्ट होना चाहिए प्यार व्यार तो ठीक है वो बहुत होता है बट स्टिल इट्स अ सेकेंडरी मैटर अगर आप किसी की इज्जत नहीं करते तो उस रिश्ते में कुछ नहीं है। और इज्जत का मतलब आप जी से बात करना नहीं होता राइट गेट इज़ वेरी क्लियर वेन आई से वेन यू रिस्पेक्ट अ पर्सन इट डज मीन कि आपको आपसे बड़े हैं और आपको आप जनाब करके बात करनी है उसको इज्जत नहीं कहते वो एक अलग एस्पेक्ट है इज्जत का रिस्पेक्ट मीन्स कि अगर आप सामने वाले की फीलिंग्स का एज अूमन अगर आप किसी को रिस्पेक्ट कर पाते हैं आप इंसान के तौर पर किसी को रिस्पेक्ट कर पाते हैं उसकी भावनाओं को उसकी फीलिंग्स को अगर आप उसको एक एज एन इंडिविजुअल अगर आप उसको एक काब इंडिविजुअल के तौर पे ट्रीट करते हैं या लेते हैं दैट इज़ अ रिस्पेक्ट और वो रिस्पेक्ट होना और ट्रस्ट होना कि कि ये जो ट्रस्ट है ना कि जब तक ये व्यक्ति है मेरी लाइफ में जब तक ये इंसान खड़ा है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा या मुझे कुछ नहीं होने देगा यह बहुत बड़ी बात है वो किस तरह की विषम परिस्थितियां बनती हैं सिचुएशन हालात क्या बनते हैं क्या नहीं बनते वो किसी ने नहीं देखा लेकिन वो जो भरोसा है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है वो भरोसा लुक आउट फॉर दैट वन ट्रस्ट फैक्टर इन एनी रिलेशनशिप वट एवर इट इज़ क्या आप एक बार अपने आपसे पूछें कि किसी भी रिलेशनशिप में जब आप हैं कोई भी हो जाए आप कितना भरोसा कर पा रहे हैं अगर आपको लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति पर भरोसा करता हूँ आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन विथ माई लाइफ देन बॉस दैट रिलेशनशिप इज़ वर्थ इट अदरवाइज इट इज इट एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन वुमेन रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जस्ट लुक एट द कम्फर्ट लुक ऐट द कॉन्फिडेंस जो इस बच्ची के चेहरे पे है कि उसको मालूम है एंड द मदर ऑल्सो शी नोज गिव अप हर लाइफ अगर उस बच्ची पे कुछ आया तो उसको बचाने के लिए देर इज नो सेकेंड थाट वो ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं खुद को बचाऊँ या बच्ची को बचाऊँ वो नहीं आएगा राइट right? और वो वो बच्ची जानती है एंड दैट दैट यू नो दैट अवेयरनेस कि वो ये बात जानती है ये इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल टेक अवे फ्रॉम दिस फोटोग्राफ एज आई कैन सी इट अब आ जाते हैं हम टेंथ पे टेंथ पे आपको ये पिक्चर देख के लग रहा होगा कि इस पिक्चर में तो कुछ भी खास नहीं है क्या दिख रहा है इसमें एक छोटी सी लड़की दिख रही है हार्डली आपकी एज की होगी है हाँ ना और इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल ये हो रही है कि एक नॉर्मल सी फोटोग्राफ है एक पानी में एक लड़की खड़ी है व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट किस बारे में बात है या ऐसा क्या खास है इस पिक्चर में पिक्चर में खास नहीं होता खास बात लोगों में होती है और उनकी स्टोरीज में होती है और उनकी सर्वाइवल में होती है क्योंकि इस तरह एक छोटी सी चीज से निकलते हैं बाहर या कोई ऐसी घटना हो जाती है जो उन्होंने कभी अपने जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोची होती वाइल्डेस्ट फैंटेसी में आपने इमेजिन नहीं की होती चीजें इस तरह की हो जाती है समटाइम आर थ्रस्ट इन अ सिचुएशन जो कि आप सोच ही नहीं सकते थे जिंदगी बिल्कुल सही 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 चल रही है बिल्कुल सही और एकदम एक रोलर कोस्टर राइड आता है और हर चीज़ जो है वो घूम के रह जाती है हाँ एक वर्ल्ड जैसा आता है और लाइफ जस्ट थ्रस्ट यू दैट आट पूल और आप बिल्कुल घूम के रह जाते हैं और आप जब बाहर निकलते हैं उस उस इमेजिनेशन से उस उस पूरी सिचुएशन से उस पूरी चीज़ से जो आप झेलते हैं गुजरते हैं वेन यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन वेन यू कम आउट ऑफ दैट वर्ल्डपूल जोन और दैट रोलर कोस्टर यू आर अंप्लीटली डिफरेंट पर्सन आप रियलाइज करते हैं कि आप वो इंसानी नहीं थे जो उसमें गया था और जो बाहर निकला वो बिल्कुल दो अलग अलग वर्जन रहते हैं वर्जन वन एंड वर्जन टू जिसको हम कहते हैं ना आजकल वन जीरो टू जीरो वर्जन बिल्कुल उस तरह का कुछ हो जाता है राइट सो यू आर नेवर द सेम पर्सन वेन यू वॉक इन टू अर स्टॉम एंड यू वॉक आउट ऑफ द स्टॉम ये कहा जाता है कि आप कभी भी वो सेम आदमी नहीं रहते जब आप एक तूफान के अंदर जाते हैं और उस तूफान से बाहर निकलते हैं, right? तौ, कि आप एक के अंदर जाते हैं और के बाहर निकलते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें तो टॉर्नेडो बहुत पावरफुल होता है away, right? I mean कि जो भी सिचुएशन जो भी हालात होते हैं हम जो तूफान जिसको बोलते हैं, you know, हैं जिसको तूफान बोलते हैं When you are into a storm, you are a different person. When you are walking into a storm, आप एक अलग इंसान होते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका बिल्कुल मेटामॉर्फिस वाला स्टेज होता है आप बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं जैसे हमने देखा ना कि किस तरह से मेटामॉर्फिस के बाद हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग जो है आई जी के ओ के स्टूडेंट्स हैं तो आपने क्या पढ़ा है किंगडम एनिमीलिया भी पढ़ा है तो यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स राइट आपको मेटामॉर्फिस पता है समझ में आ रहा है किसके बारे में हमने बात की थी स्पेशली हमने बात की थी जब हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे थे राइट right? कि किस तरह वो लार्वा प्यूपा से होते होते बटरफ्लाई <coughs> में मेटामोस होता है उस तरह आई एम नॉट टॉकिंग टॉक जस्ट बटरफ्लाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस तरह एक स्टेज से आदमी दूसरी स्टेज में दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में और फाइनली अपने फुल जिसको बोलते हैं ना एकदम शबाब पे जिसको आना उस पे आता है अपने फुल ब्लूम uh, पे आता है राइट सो इट टेक्स ऑल दीज स्टेप्स टू टेक यू देयर मतलब एकदम से रातों रात जो होती है ना कोई चीज बड़ी नहीं बनती या कोई इंसान बड़ा नहीं बनता या कोई नाम बहुत बड़ा नहीं हो जाता यू हैव टू बी देयर अब आज का जो हमारा लाइफ स्किल्स का सेक्शन है सेशन है वो इस पे ही फोकस करता है नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन वेरी एज वी कॉल इट नॉट वेरी फेमस पीपल नॉट वेरी रिच एंड फेमस पीपल नॉट ओनली रिच एंड फेमस हैव द स्टोरी टू टेल हाला सिर्फ अमीर या बहुत नामचीन या नामी ग्रामी जो लोग होते हैं दुनिया में सिर्फ उनके पास कहा नहीं होती बोलने के लिए कहानियां बल्कि वो लोग शायद उन कहानियों को जीते हैं जो दूसरे नॉर्मल इंसानों की कहानियां होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो बच्ची आपको यहां दिख रही है बिल्कुल शायद आप ही की एज ग्रुप की होगी भी टीन और इस बच्ची के साथ एक बड़ी आ, हैर इस चीज़ हुई जो उसने कभी नहीं सोचा था और जिसको कहते हैं ना मात्र दस दिन के पीरियड में आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल घूम गई जिसको बोलते हैं ना कि चौबीस घंटे होते हैं और चौबीस घंटे में पूरी दुनिया बदल जाती है या दुनिया जो है वो एक मिनट में भी बदल जाती है बिल्कुल कुछ उसी तरह की चीज़ हुई एक अंग्रेजी में एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि देर इज़ अ देर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप है ना मतलब बहुत कुछ जब आप कहते हैं कि एक कप से जब आप उठा के पानी पीते हैं या चाय का अगर एक घूट लेने के लिए आप सिप लेने के लिए आप कप उठाते हैं और उसको अपने होटों तक ले जाते हैं तो सिर्फ उस कप को उठाने और आपके होटों तक ले जाने के बीच में दुनिया बदल सकती है राइट और ये वाकई होता है कई बार और इस बच्ची के साथ यही चीज़ हुई शी वॉज गोइंग आउट ऑन अ फ्लाइट बाहर जा रही थी नॉर्मल था सब कुछ द डे वॉज गुड एवरी थिंग वॉज परफेक्ट सब कुछ बढ़िया था एंड सडनली एक क्या हुआ कि एक इसका नाम क्या है इसका नाम है यूलिन कैपका और इस बंदी के साथ क्या हुआ कि uh, ये फ्लाइट में इन द द मिड ऑफ एयर व्हाट द एयरलाइन उसको बेसिकली अगर वो देखते हैं तो वो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग से स्ट्रक हुई ठीक है जस्ट प्लेन में थी उसको बोल्ट ऑफ लाइटनिंग जिसको कहते हैं ना बिजली गिरना बिजली गिरी उसके ऊपर और वो क्रैश हो गया ठीक है अगर हम बात करते हैं वो पर्टिकुलर जो क्रैश हुआ फाइव जीरो एट वॉज द फ्लाइट नंबर शी शीव सोल सर्वाइवर ऑफ दैट फ्लाइट ठीक है उसकी उस फ्लाइट की शी शीव सोल सर्वाइवर अकेली बच्ची जो 3000 मीटर की ऊंचाई से गिरी स्टिली एंड शी फेल डाउन टू द फॉरेस्ट पे, to, to, to पे क्रैश हुआ वो फॉरेस्ट के ऊपर हुआ अमेजोन रेन फॉरेस्ट में एंड दिस गर्ल होल्ड ऑल बाइट सेल्फ मतलब आप कह सकते हैं सत्रह साल की उम्र में मात्र सोलह सत्रह साल की आयु में शी सर्वाइव इन दमेजॉन रेन फॉरेस्ट फॉर सेवनटीन लॉन्ग डेज फॉर इलेवन लॉन्ग डेज सॉरीवन लॉन्ग डेज और एंड ग्राउंड पे जब वो गिरी मतलब आप इमेजिन कीजिए तीन हजार मीटर वट डी मीन बाई इवन दाइड दैट इज क्रेजी राइट तीन हजार मीटर की ऊंचाई से अपनी सीट बेल्ट पे स्ट्रैप्ड वो लड़की गिरी और वो ग्यारह दिन तक सर्वाइव करती है अमेजोन के घने जंगलों में रेन फॉरेस्ट आपको मालूम है ना कि जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे उंड रेन फॉरेस्ट की बच्ची जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो गिरी है उसको चोट भी होगी इंजुरीज भी होंगी सब कुछ होगा इवन अगर इंजुरील इंजरीज नहीं होंगी मेंटल होगी इमोशनल होगी उसमें जाके अगर वो बच्ची वहाँ रुकती है एंड दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सर्वाइवल एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वेरी बिग सर्वाइवल तो ये हमारी जो है ना कि ज़िंदगी जो है ना उम्मीद नहीं छोड़ती कहा जाता है कि जब तक बिल्कुल जब तक आखिरी सांस बचती है तब तक जिंदगी उम्मीद नहीं छोड़ती यू नेवर गिव अप ऑन लाइफ टिल देर इज़ अ लास्ट ब्रेथ ऑल और ये जो इस बच्चे के साथ हुआ ये जो एमेज़ोन रेन फॉरेस्ट में इसने सर्वाइव किया इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि तब के बाद वो वो बारह दिन का फेज़ जो था वो बारह दिन का फेज ने इसको एक नॉर्मल लड़की से निकाल के शी वज मेड लाइक शी वोज अ नोन एवरीवेयर आज की तारीख में हम सालों बाद आज इस बच्ची की बात कर रहे हैं आज कोर्स शी इज़ अ वेरी रिना पेरोन मैमोलॉजिस्ट मेमोलॉजिस्ट अगेन आपको मालूम है द पीपल स्टडी अबाउट मैमल्स तो उनके बारे में कहा जाता है उनके बारे में पढ़ाई करती हैं वो एंड शी इज़ अ वेरी फेमस मेमोलॉजिस्ट पेरू की हैं सो पेरूवियन बेस्ड मेमोलॉजिस्ट हैं एंड लेटर आई मीन शी गॉट मैरिड शी हैज अ फैमिली शी रोट मेनी बुक्स इनके ऊपर काफी सारी uh, जो है काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई काफी सारी किताबें लिखी गई काफी सारी बातें हुई बहुत फेमस बुक uh, जिसको हम कहते हैं विंग्स ऑफ होप जो है वो इस बंदी के ऊपर लिखी गई तो हमारा वो इस बंदी के ऊपर फिल्म बनाई गई और इनफैक्ट इन्होंने खुद भी अपने ऊपर एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बोला द गर्ल हु फेल फ्रॉम द स्काई राइट द गर्ल हु फेल फ्रॉम द स्काई सो बुरा हो गया मतलब इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता था जो टफेस्ट सर्वाइवल का टाइम रहता है हमारे कि हमें ये भी नहीं मालूम हम इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे हम सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे इट इज ओनली अबाउट वॉकिंग दिस इज पर्सनली ऑल्सो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है नो मैरा वॉट यूर गोइंग थ्रू इन लाइफ आप अपनी लाइफ में क्या देख रहे हैं क्या फेस कर रहे हैं मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे कोई फ्रेंड बहुत अच्छा कर रहा है प्योर प्रेशर है दोस्तों ने छोड़ दिया You know, एक एक ग्रुपिंग uh, आपके अगेंस्ट होती है आपके साथ होती है कुछ अलग अलग तरह के प्रेशर्स हैं कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही समझ में नहीं आता करियर का ऑप्शन नहीं समझ में आता लॉट मेनी एडोल प्रॉब्लम दैट यू हैव राइट मे बी द गाय इज इग्नोरिंग और द गर्ल इज इग्नोरिंग वट एवर राइट वट एवर जो भी सिचुएशन होती है लाइफ की दिस इज वॉर आई एम टेलिंग यू क्योंकि आप उस लेवल में हैं अभी आप स्कूल लेवल पे हैं आपकी समस्याएं इतनी ही होंगी राइट right? लेकिन आपको लगता होगा कि यार बड़ों की लाइफ क्या सॉर्टेड है क्या सही लाइफ है ना मम्मी पापा की कुछ नहीं है <coughs> बढ़िया है घर पे जॉब करते हैं जॉब करो मम्मा है अगर जॉब करती हैं वेल एंड गुड अगर नहीं करती हैं तो क्या ही होगा ना मतलब ऑफिस में तो सब कुछ सॉर्टेड होता है हमारे क्या स्ट्रगल है मम्मी पापा थोड़ा समझते हैं हमारे जो स्ट्रगल है वो घर के बड़े थोड़ा समझते हैं उनको क्या मालूम कि फिजिक्स में स्कोर करना कितना मुश्किल है उनको क्या मालूम कि एग्जामिनेशन देना कितना मुश्किल है उनको क्या मालूम ओलंपियाड्स कि कितने मुश्किल हैं उनको क्या मालूम कि हमें स्कूल में कितनी प्रॉब्लम होती है अफकोर्स ऑफकोर्स हर एज का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है अभी आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे बड़ी हैं एंड नो ज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आपके मूड स्विंग्स को आपकी चेंजेस को आपकी बहुत सारी चीजों को आपको लगता है कि जनरेशन गैप है लोग नहीं समझते सिमिलरली उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप नहीं समझते course, आप ये नहीं समझते देर है बैड टाइम मे बी देर है बैड डे मे बी उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो मे बी उनके घर में कोई ऐसे इशूज चल रहे हो जो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे फाइनेंशियल सो यू नेज देवरीबडी हैज अ डिफिकल्टी बट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आप उस डिफिकल्टी से कितनी ग्रेसफुली मूव आउट कर रहे हैं ठीक है आपको द ओनली ओनली लेसन दैट आई कैन टेल यू इज कीप मूविंग कीप मूविंग कीप बसलिंग एंड कीप मूविंग कीप नेवर सीज नेवर गिव अप कीप

यू डोंट हैव टू गिव अपन इवन द बैड इवन द मोस्ट ऑफ द टेरेबल ऑफ सिचुएशन जो आपको लगे ना कि यार खराब तो क्या ही हो सकता है इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है नहीं होता देर इज देर इज ऑलवेज वे आउट जैसे ये बच्ची है आप सोचिए कि जब ये वहाँ पर होगी अमेजोन और फॉरेस्ट में इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा ना इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा शिवल कोई नहीं बचा शी डोन्स वी डॉ बचा है नहीं बचा है शी ड वो कहाँ जाएगी कैसे रहेगी कहां कोई उसको बचाएगा या नहीं बचाएगा वो कोई उसको बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा वो इतने right? <coughs> लीजिए जैसे वो आता जा रहा है राइट right? अगर चीज मुश्किल हो रही है तो उस एक दिन को आपको निकालना है यू डोंट कि कल क्या होगा परसों क्या होगा नर्सो क्या होगा कल परसों नर्सो देखा जाएगा आज का दिन तो निकालो This is what the survival instinct is, कि आप आज का दिन निकालिए कल परसों आपको सिर्फ बाहर निकालना अब आप सोचिए कि इतना खराब सिचुएशन इतनी बुरी सिचुएशन इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है राइट right? नो कि, कि आप कभी इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे और किसी को पता भी है कि नहीं है कि आप जिंदा है एंड यू आर हसलिंग एंड यू आरिंग मेकिंग इस वर्कआउट किसी को शायद ये भी नहीं पता बट आप फिर भी अपने आप को पुश करते जाते हैं अपने लिमिट्स को पुश करते जाते हैं एंड वन डे यू रियलाइज दैट यू आउट आपको समझ में आता है कि वो जो प्रॉब्लम्स थी जो चीजें आपको इतनी बड़ी दिख रही थी वो एक्चुअली जब आप उससे बाहर निकल जाते हैं बर्ड्स आई व्यू लेते हैं बाद में सिचुएशन का तो आप रियलाइज करते हैं कि यार चीज़ें उतनी खराब तो थी नहीं जितना मुझे लग रहा था फिर आप जब बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि वो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी वो तो बहुत ही बढ़िया फेज़ था और ये ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना हमको ये बहुत बड़ी है उस टाइम तो क्या बढ़िया जिंदगी थी राइट फिर जब आप और बड़े फेज़ में चले जाते हैं और बड़े आगे निकल जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये ज़िंदगी बहुत बढ़िया थी वो जो हम जब जी रहे थे ये क्या आजकल के तमाशा है तो ये इंसान की फितरत होती है कि जिस सिचुएशन में वो होता है वो उसको दुनिया की सबसे ख़तरनाक और सबसे मुश्किल और सबसे भारी सिचुएशन लगती है और अपनी प्रॉब्लम उसको सबसे बड़ी लगती है सो टेक माई वर्ड जस्ट कीप मूविंग जस्ट कीप मूविंग आपको कुछ नहीं करना आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी आपको कुछ निकलना नहीं है आपको कोई अपने आप को यू नो किसी चीज़ में ढालना नहीं है आपको अपने आप को जिसको कहते हैं ना कि आपको अपने आप को बिल्कुल uh, कोई किसी लिमिटेशन में नहीं बांधना है जस्ट कीप मूविंग टेक कीप टेकिंग अ स्टेप वन डे एट अ टाइम दैट इज इट बस और आप सोचिए दिन वट हैपन्स <laughs> तो अगर आप ये कर लेते हैं एंड वेन यू वर्क आउट ऑफ दैट स्टॉम एज अ से यू आर अ कम्प्लीटली चेंज पर्सन आपका परस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा आपको क्या लगता है ये बच्ची जब वापस अपने घर गई होगी तो क्या इसकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही रही होगी जो बारह दिन पहले थी अफकोर्स नॉट वन यू एक्सपीरियंस दच बिग थिंग्स इन लाइफ जब आप इतनी बड़ी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस कर लेते हैं यू स्टार्ट टू वैल्यू थिंग्स मोर आपके उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है यू स्टार्ट टू थिंक ऑन दोज लाइन्स कि भाई जिन चीज़ों को हम इतना फोग्रांटेड ले रहे थे वो उतना फोग्रांटेड लेने वाली नहीं होती हैं राइट right? कुछ चीज़ें जो आपको मिलती हैं आपको लगता है कि यार ये तो मिलनी है इसमें क्या है कौन सी बड़ी बात है हमें खाना है ऑब्वियसली मिलेगा ब्रेकफास्ट है वो मिलेगा टिफिन जो है वो तो रखा ही जाता है पानी की बॉटल जो है वो रखी रह जा रही है मतलब साफ पानी मिलना तो मतलब ये तो हमें लगता है कि तो हमारा अधिकार है ये कोई कोई बहुत बड़ी चीज़ होना है बट कैन यू रियलाइज दैट वेन यू स्टार्ट इन द सिचुएशन जब आपको को तो दो घूट साफ पानी मिलना भी बहुत बड़ी बात लगे या आपको खाना नहीं मिले आप दो चार पेड़ों पर से आप फल तोड़ के खाएँ तो आपको समझ में आएगा कि वो जो ब्रेड या लोफ जो आप कहते हैं या सैंडविच जो आप कहते या आप कान मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं पसंद मुझे ये नहीं पसंद, वो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी लग्जरी लर्निंग right? so होती है दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप एक सर्वाइवर होते हैं आप एक सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं तो जब आदमी सबसे खराब चीज देख लेता ना फिर उसको छोटी मोटी चीजों से डर नहीं लगता जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो फिर ये सिचुएशन आपको एक ऐसी जगह एक ऐसे मकाम में खड़ा कर देती है जो बाकियों के बहुत अलग होता है आज की डेट में हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं इसके साथ इसकी क्लास में और भी पचास बच्चे होंगे राइट हम उनकी बात क्यों नहीं कर रहे बिकॉज शी सर्वाइव समथिंग उसने जो उसका पेन था जो उसकी तकलीफ थी उसने उसको कैपिटलाइज किया उसने उस पर वर्कआउट किया शी डिन गिव अप एंड शी मेड इट बैक तो इस वजह से जब उसने वो किताब लिखी तो आज हम इतने सालों बाद भी उस किताब की चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर मूवी बनती है उसके ऊपर काम किया जाता है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखी जाती है उसके ऊपर शोध किया जाता है राइट सो एस दे मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता दिस इज अ वेरी वेरी एप्ट सेंग मेरी दादी मुझे कहा करती थी एक और से कहा करती थी अगर आगे जरूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगी वो हमेशा मुझसे कहा करती थी कि मरे बिना बेटा स्वर्ग नहीं मिलता ये बिल्कुल सही बात है और इसके लिए, के लिए इसको भी आपको एग्जैक्टली टू वर्ड नहीं लेना कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता यू ऑलवेज हैव टू द प्राइस फॉर द लेसन दैट वी लर्न वॉज कीप मूविंग नाउ नाव वी आर कमिंग टू दिस जेंटलमैन इस आदमी के बारे में या अबाउट दिस जेंटलमैन आई एम वेरी श्योर क्या आप इसको जानते होंगे ठीक है ही इज नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्टेस्ट आए ना ना कम ऑन बेस्टेस्ट मुझे मालूम है कोई वर्ड नहीं होता बट बेस्टेस्ट कहा जाता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज्यादा एंसरसाइज करना चाहते हैं चलिए जिसको कह, कहते हैं ना बिल्कुल द बेस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन माना जाता है इनको वर्ल्ड का ठीक है ही इज बिन अक्लेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस ऑफ द वर्ल्ड लेकिन नाम क्या है नाम बताने की जरूरत तो मुझे नहीं होनी चाहिए सर रॉबिन विलियम्स या रॉबिन विलियम इनका नाम है एंड दिस गाय हुक्स टू बी द मोस्ट हैपी पर्सन इन द वर्ल्ड जिनको देख के आपको लगता है लुक एट दैन कैन यू से इस आदमी को देख के आप कहीं से भी ये कह सकते हैं इस पिक्चर को देख के कि ये आदमी जो था ही वॉज ही गेव अप ऑन लाइफ गेव अप ऑन लाइफ ही कमिटेड सुसाइड ही टू सुड ही वॉज डिप्रेस्ड हीस एंड ही जिसको कहते हैं ना ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अ डिप्रेशन इतना ज्यादा ये बंदा डिप्रेस था एंग्जाइटी था स्ट्रेस्ड था इतना ज्यादा इसको साइकोलॉजिकली ही वॉज अंडर सो मच ऑफ टर्मोइल इतना ज्यादा प्रेशर था दैट फाइनली ही गेव अप ही ही कमिटेड सुसाइड सच अ गुड हाथी पर्सन जो हंसता था हंसाता था लोगों को हंसाता था जो होमलेस होते थे उनको अपने प्रोडक्शन हाउसेस में जगह देता था काम देता था होमलेस लोगों की मदद करता था जो इतने सारे अच्छे काम करता था फिल्म के काम करता था इतने सारे उसके दोस्त होंगे आपको लगता है इतना खुश वो अपनी ज़िंदगी में होगा इतना सक्सेसफुल था दुनिया का सबसे अच्छा उसको कोमीडियन माना जाता है दुनिया की जो बेहतरीन फिल्में हैं उसमें उसने अदाकारी की ही वॉज वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री पूरी दुनिया के लोग उसको जानते थे सब कुछ तो था दिन क्या 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 ऐसा कमी थी क्या ऐसी प्रॉब्लम थी क्या ऐसी ज़रूरत थी क्या ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके लिए सुसाइड कर लिया क्या ऐसी तकलीफ थी राइट तो हमें क्या लगता है हम दूर से देखते हैं ना किसी की लाइफ तो हमें लगता है यार इसकी ज़िंदगी में क्या मतलब क्या लाइफ है क्या सेट लाइफ है पैसा है गाड़ियां हैं यू नो पीपल नो यू फेम इज़ देय पावर इज़ देयर व्हाट इज डू यू वॉन्ट एन लाइफ इट इज़ नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स ये किसी का एक बहुत फेमस एक बहुत uh, uh, अच्छा कोट है जो मुझे पसंद है एवरी शुड बिकम रिच एंड फेमस सो दे नो दैट इट इज़ नॉट वॉट इट टेक्स हर आदमी के पास पैसा होना चाहिए और हर आदमी को फेमस होना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि ज़िंदगी सिर्फ इतनी नहीं होती लाइफ इससे बहुत बड़ी है उसका दायरा बहुत बड़ा इट इज़ अबाउट पीपल इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस इट इज़ अबाउट अबाउट फ्रेंड्स इट इज़ अबाउट वॉट यू फील फ्राम इन साइड ठीक है मतलब ज़िंदगी में जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना बच्चों वो होती है कि आप कितने खुश हैं अगर आप टॉपर हैं और आप खुश नहीं हैं इट डजेंट मेक अ सेंस राइट right? अगर आप अपनी लाइफ में यू आर द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन द इंडस्ट्री इन इन द फील्ड और आप नहीं कर पा रहे एंड आप में सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आपने यू आर गिविंग यूर बेस्ट टू द सोसाइटी आप अगर अंदर से आप कंटेंट नहीं है आप खुश नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट होगा दैट विल यू नो वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी पे आपके दिमाग पे उसका असर होना चालू होगा ओवर द द पीरियड ओवर द लॉन्ग रन आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी लाइफ की जो फ्यूटिलिटी है ना जो ज़ीरो है जो शून्य है वो बहुत बड़ा दिखने लगता है आपको और जिस दिन ये जीरो जो है बहुत बड़ा हो जाता है उस दिन आपको लगता है कि मैंने क्या किया क्या कमाया क्या खोया राइट right? तो वो जो चीज़ें हैं ना यू शुड नेवर बी इन दैट स्पॉट वो स्पॉट कभी नहीं आने देना चाहिए लाइफ में यू शुड बी अ हैप्पी पर्सन इन साइड एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप जिंदगी में खुश हैं या नहीं है बाकी पैसा है पावर है फेम है एवरी थिंग इज ओके एवरी थिंग इज सेकेंडरी वॉट इज इम्पोर्टेंट दिस कंटेंट किज जो कहते हैं ना अंदर की जो संतुष्टि होती है अंदर की जो खुशी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो इंसान को तब आती है जब वो अपने बेस्ट वर्जन पर होता है जब वो वो लाइफ जीता है जब वो जीना चाहता है दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट इट इज़ ओके टू रन अ रेस इट इज़ ओके टू कम फर्स्ट इट इज ओके टू 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 हैव अ ड्रीम्स इट इज़ ओके टू बी रिच एंड फेमस बट इट इज़ नॉट ओके टू बी जस्ट मेक लाइफ अबाउट दीज थिंग्स है ना जिंदगी सिर्फ इतने दायरे में बंद नहीं करनी चाहिए वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जेंटलमैन ये आदमी आपने देखा ना मिसेज डाउट फायर आपने दुनिया की पिक्चर्स देखी होंगी जिसके बाद बात करते हैं गुड विल हन्टिंग एंड सो मेनी गुड पीपल सो मैनी गुड मूवीज सो मेनी गुड प्रोजेक्ट्स ऑन हिज नेम इतनी सारी चीज़ें इनके क्रेडिट पे मतलब मिसेज डाउट फायर तो अपने वो देखेंगे ना चा चाची चार सौ बीस थी जो कमला हसन की बनी थी जिसमें कमल हसन वो लेडी बनता है अपनी बेटी के पास जाता है उनकी गवर्नस बन के दैट मूवी इज अ डायरेक्ट डेप्टेशन फ्रॉम हिज वर्क राइट एंड ही डिड अ मार्वलस वर्क मार्वलस जॉब लेकिन अंदर ही अंदर ही वॉज नॉट द हैप्पी पर्सन एंड दैट इज़ वाई दिस कोर्ट इज़ वेरी वेरी देयर वेरी वेरी एप्ट इनको बताने के लिए आई थिंक दैदेस्ट पीपल ऑलवेज ट्राई द हार्डेस्ट टू मेक पीपल हैप्पी बिकॉज दे नो वट इज़ लाइफ टू फील एप्सल्यूटली वर्थलेस एंड आई डो वॉन्ट एनी वन इज टू फील लाइक दैट आपको ये कोटेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब ये आदमी जो बहुत खुश होता है हंसता है एंड बहुत जिनों लोगों को लगता है कि यार कितना खस्ता खेलता आदमी तो था पता नहीं कैसे सुसाइड कर लिया इतना हंसता खेलता आदमी था हमेशा मजाक करता रहता था हमेशा यू नो जोक्स करता रहता था हमेशा घूमता फिरता रहता था हमेशा ही स्माइल फेस ऐसा आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है या ऐसे आदमी को कैसे डिप्रेशन हो सकता है यार ना डिप्रेशन ने डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा जिसको हम बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ इतना बड़ा टैबू है इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहां कि आज भी अगर आप किसी को बोलते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है ना अगर आपका सर दुख रहा है तो लोग बोलेंगे कि यार डॉक्टर को दिखाते हैं फाइन डॉक्टर <coughs> को दिखाते हैं या अगर आपके हाँ हाथ में चोट लग गई है सर सर्दी सी आपको सर्दी जुकाम भी है ना तो भी लोग बोलेंगे कि यार डॉक्टर को दिखाओ मतलब अपने आप मत खाओ यू नो मौसम ऐसा हो रहा है क्यों खाना है या आपके हाथ में चोट लग गई तो भी लोग बोलेंगे आपको डॉक्टर को दिखाओ लेकिन अगर आप डिप्रेसड फील कर रहे हैं अगर आप बुरा फील कर रहे हैं अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो बहुत लोगों में ना अभी भी ये बहुत कन्जर्वेशन है बहुत बहुत जिसको बोलते हैं एक टाइप का रिजर्वेशन है कि वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार वाई डोंट यू गो एंड सी अ श्रिंक श्रिंक हम किसको बोलते हैं श्रिंक हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को है ना जो हमें स्टडी करते हैं साइकेट्रिस्ट बेसिकली तो so, वो कभी आपसे नहीं बोलेंगे कि यार जाके डॉक्टर को दिखाओ दिखाते हैं हो सकता है कुछ और चीज़ हो हो सकता है डिप्रेशन हो सकता है एंगजाइटी हो इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है हमने कि अगर आप किसी को ये बोल भी देते हैं ना कि भाई इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है या इशूज़ हो रहे हैं वाई डोंट यू गो एंड सी अ डॉक्टर या एक साइकैट्रिस्ट से कंसल्ट कर लो या एक सेशन ले लो या काउंसलिंग ले लो एंड पीपल विल एक्चुअली गेट ऑफेंडेड लोगों को ना एक्चुअली ऑफेंड हो जाते हैं लोग कि क्या आप पागल बोल रहे हो क्या हमें आपको क्या लगता है हम पागल हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट पागल पागल आदमी साइकेट्रिस्ट को दिखाई जरूरी नहीं होता साइकेट्रिस्ट जैसे हाथ के पैर के मुंह के कान के नाक के सर के डॉक्टर होते हैं वैसे ही दिमाग का भी डॉक्टर होता है उसके बाद जाने में क्या दिक्कत है यार इट इज़ नॉर्मल ऑर्गन ऑफ योर ऑफ़ योर बॉडी एंड दी प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी आपको अगर कोई चीज़ फील हो रही है अगर आपको इमोशनली ड्रेंड आउट फील हो रहा है वाई कांट यू गो एंड टॉक इट आउट इतना बड़ा क्या मुद्दा है राइट सो आई जस्ट यू यू पीपल बिकॉज आर द न्यू जनरेशन कि कम से कम तुम लोग यार अपने ये जो है ना जो बनाया हुआ है समाज का सोसाइटी का जो ढर्रा उससे बाहर आओ राइट उससे जस्ट स्पीक आउट टॉक इट आउट बोलो किसी से भी बेबी आप अपने फ्रेंड से मम्मी पापा से दादा दादी से पड़ोसी से डॉग से एनीबडी जस्ट वेंट आउट बोलो स्पीक आउट अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो और अगर लगता है कि कोई फ्रेंड परेशान है कोई फ्रेंड है जिसको कोई दिक्कत है या किसी को देख के लगता है तो चीज दिस बिहेवियर हैज चेंज लिटल मतलब ये ऐसा तो नहीं था कुछ तो थोड़ा कोई है जो स्पीक एंड आउट यार बात करो बात कर बात करने से होगा राइट बात करेंगे तो ही होगा तभी समझ में आएगा एंड <laughs> ऑल्सो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई आदमी हंसता मुस्कुराता है या खेलता कूदता है उछलता रहता है बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बहुत मस्त रहता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेस्ड नहीं है या उसको कोई तकलीफ नहीं है राइट वो हर आदमी का अपना एक कोपिंग mechanism होता है और हर आदमी का अपना एक प्रोजेक्शन होता है कई बार जो लोग बहुत रोना गाना करते हैं और हर बात पर रोते हैं कि यार मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई और मैं तो उतना परेशान हूँ और मैं तो उतना दिक्कत में हूँ और मेरा तो ऐसा हो गया और मेरा तो ऐसा हो गया कई बार वो डिप्रेस्ड नहीं होते उनको रोने की आदत होती है ठीक है उनको जबरन रोने की आदत तो होती है हर बात पे वो डिप्रेस नहीं होते हैं। वो उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो उनका कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है राइट तो दिस इज नॉट अबाउट कि आपका प्रोजेक्शन जो है वही निर्धारित करेगा कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है मेंटल स्टेट इज अ वेरी बिग थिंग एंड बी अवेयर ऑफ इट बी प्लीज बी अवेयर ऑफ इट अगर कोई चीज है तो प्लीज गो एंड आस्क इफ यू नॉट फीलिंग गुड इफ यू नॉट फीलिंग वेल स्पीक आउट बोलिए दैट इज एवरीबडी हैज बिन ऑन दैट स्पॉट सब लोग उस स्पॉट पर रहे हैं आप बात कीजिए और मैं आपको बताऊं ये जो बोला जाता है ना कि एक जनरेशन गैप है आप मॉम डैड से जाके बात कैसे करूं मैं या वो क्या समझेंगे वो समझ ट्रस्ट मी वो समझेंगे इसलिए समझेंगे क्योंकि आज आपको लग रहा है कि वो डैड है आपको लग रहा है कि घर के बड़े हैं वो पैदा नहीं हुए थे मोमडैड बन के राइट right? वो उस एज से निकल चुके हैं वो उस एज से गुजर चुके हैं वो हर चीज़ जानते हैं एंड ट्रस्ट में ये जो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि हम तो बिल्कुल नदियाँ पार करके स्कूल जाया करते थे और हम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे और हम तो फलाना करते थे और ढमका करते थे सब मेकअप है आप बड़े हो जाएंगे आपके बच्चे होंगे आप भी यही समझाएंगे ठीक है आई एम नॉट कि झूठ है लेकिन क्या थोड़ा तो थो बूस्ट करना पड़ता है ना बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बट ट्रस्ट मी उन्होंने भी वही चीज़ें की हैं जो आज फील आप करते हैं ना वो भी वही फील करके बड़े हुए हैं तो अगर आप उनके पास जाके बात करेंगे तो हो सकता है उनको समझ में आए बिकॉज अपने बच्चों को सब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बट वो समझेंगे वो शायद लॉन्ग रन में उस चीज़ का आंसर आपको देंगे या चलो मम्मी पापा नहीं भी हों <coughs> मम्मी पापा नहीं भी समझते हो तो कोई तो ऐसा होगा ना जो आपको समझेगा टॉक इट आउट बात करो ठीक है एंड एज आई टोल्ड यू कि जो सबसे दुखी लोग होते हैं आप ये सोचिए कितना कितना सैड पार्ट है द सैडेस्ट पीपल ऑलवेज ट्राई द हार्डेस्ट टू मेक पीपल हैप्पी जो सबसे ज्यादा दुखी लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग होते हैं अंदर से वो दूसरों को उतना ही खुश करने की कोशिश करते हैं उतना ही अच्छा रखने की अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो खाली एमटी स्पेस में कैसा फील होता है वो किसी और को उस जगह पर नहीं देखना चाहते या नहीं रखना चाहते हैं राइट सो वट आई नीड टू टेल यू हेयर एंड द लेसन एंड टेक अवे फ्रॉम दिस इज फर्स्ट थिंग happiness इज नो no laughing matter and second this is the lesson and the suggestion is peak it out fine सो दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू ये समझने की जरूरत है और ये करने की जरूरत है समझने की क्या जरूरत है दैट no matter <coughs> सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हंस रहे हैं गा रहे हैं उछल रहे हैं घूम रहे हैं मस्त हो रहे हैं झूम रहे हैं डांस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है नेसेसरिली कि आप खुश हैं खुशी का पैमाना ये सब कुछ नहीं होता आप खुश होते हैं तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप ये सब कर रहे हैं इसलिए आप खुश हैं नॉट डन नॉट डन राइट और दूसरी बात जो करनी है वो है स्पीक इट आउट इफ यू थिंक दैट कोई चीज है जो आपको परेशान करनी है कोई भी हो यार एक्स वाई जेड चीज हो मतलब कितनी भी स्टूपड चीज हो जस्ट स्पीक इट आउट टू समबडी होम यू आर कंफर्टेबल विथ ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अब ये जो ट्वेल्थ है ये आपको लग रहा होगा किसकी फोटोग्राफी अगर आप पहचानते हैं तो मैं आपको बता दू क्योंकि नेट पर फोटोग्राफी बहुत वायरल होती है अक्सर अक्सर होती है ये फोटोग्राफी हचीक होगी ठीक है ये जो हचीको है ना इतना क्यूट सा डॉगी है हाँ ये जो हचीको है ये जापनीज अकीता डॉग है और ये बहुत जिसको बोलते हैं ना ये बहुत क्यों जाना जाता है मालूम है ये डॉग जाना जाता है ये ये वर्ल्ड वॉर से पहले के टाइम है 1935 में तो ये बेचारा मर गया था ठीक है लेकिन इसको क्यों जाना जाता है मालूम है एक डॉग जो इतना फेमस हो जाता है किस लिए क्योंकि वो इतना लॉयल रहता है <coughs> अपनी लॉयल्टी के लिए अपनी अनवेवरिंग लॉयल्टी के लिए अपने बॉस के लिए अपने मालिक के लिए अपने दोस्त के लिए मालिक या दोस्त जो भी आप कह लीजिए मतलब यू वो सो लॉयल के एक प्रोफेसर साहब थे जो इसके वो थे जो इसके मालिक थे जो उसको लेके आए थे राइट और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक दिन जाया करते थे स्टेशन से ट्रेन से और वो जा वो एक बार अपनी जगह पे पहुंचे एट द वर्क एंड उनको सेरिब्रल हैमरेज हुआ और उनका निधन हो गया वही ऑफिस में अब वहाँ से वो लौट के आते थे वो रोज और ये जब वो लौट के आते थे तो ये जाता था स्टेशन पे और फिर ये दोनों साथ में वापस आते थे तो ये जिस दिन वो नहीं आए जब उनका निधन हो गया और इसको पता चला तो ये हची को नौ साल तक अपने मालिक का वेट करने के लिए रोज रोज डेली विदाउट बारिश हो पानी हो तूफान हो ठंड हो वट एवर ऑफ़ द फैक्ट ये रोज उसी समय पे वहां जाता था और स्टेशन पे उनके गाड़ी का आने का इंतजार करता था डेली अनवेवरिंगली अन विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी जिसको कहते हैं ना विदाउट एनी गैप रोज जाके वो खड़ा होता था और उनके लौटने का इंतजार करता था और वापस आता था सो so, ये जो उसकी लॉयल्टी है ना मतलब टिल द डे ही पास्ट अवे नाइन ईयर्स लेटर ही वेटेड फॉर हिज मास्टर टू कम बैक आप सोच रहे हैं मतलब द काइंड ऑफ लॉयल्टी हम बात करते हैं इंसानों के प्यार की हम बात करते हैं कि हम इंसान जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता वी ह्यूमन्स के लव लाइक लाइक नो बडी कैन लव लाइक वी वी डू अफकोर्स नॉट अफकोर्स नॉट प्यार प्यार होता है इमोशंस इमोशंस होते हैं कनेक्शन कनेक्शन होता है अटैचमेंट अटैचमेंट होता है वो इंसानों का हो चाहे जानवरों का हो राइट और दैट इज नॉट अबाउट वट यू कॉल इट राइट कि आज की डेट में आपको बोलते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखने लगे हैं लोग शेर शायरियां होती हैं सब कुछ होता है बट वेन यू टॉक अबाउट अ सोल मेट जब हम बात करते हैं ना सोल मेट की हैव यू हर्ड दर्म सोलमेड राइट सोलमेट एक टर्म है एंड पीपल नॉर्मली राइट इट वेरी कैजुअली दैट यू नो सो एंड सो इज माई सोलमेट और आई फाउंड माई सोलमेट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट मीनिंग सोल मेट सो मच डीपर दैन दी लव दैट दी ऑब्वियस लव दैट वी नो है ना सोलमेट कोई भी हो सकता है सोलमेट आपका कोई फ्रेंड हो सकता है सोलमेट आपका कोई दोस्त हो सकता है आपका बचपन का कोई दोस्त हो सकता है आपकी दादी हो सकती है नानी हो सकती है आपकी टीचर हो सकती हैं आपका जिससे भी आपका सोल कनेक्शन हो जिससे आपकी आत्मा मिलती हो जिससे आपको ऐसा अटैचमेंट और ऐसा प्यार हो कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते शब्दों में मम्मी पापा हो सकते हैं बहन हो सकती है भाई हो सकता है सोलमेट कुड बी एनी बड़ी नेसेसरली जिसको हम बोलते हैं ना जिसको आप बोलते हैं रोमांटिक लव टर्म फॉर इट लोगों ने उसको बहुत मिसकॉन्स्ट्रूट कर दिया है बहुत मिसरिप्रेजेंट कर दिया है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड की जो प्यार जो अटैचमेंट होता है और जो लॉयल्टी होती है इट इज ऑलवेज रिवॉर्डेड लॉयल्टी इज समथिंग विच विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड एंड दैट इज द लर्निंग फ्रॉम हि दैट लॉयल्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड is always is always rewarded. ये ये आपकी लर्निंग है इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ से कि लॉयल्टी जो होगी उसको हमेशा रिवॉर्ड किया जाएगा लॉयल्टी चाहे वो किसी इंसान के इंसान की तरफ हो चाहे जानवर के इंसान की तरफ हो इंसान की जानवर की तरफ हो या किसी की भी किसी की भी तरफ हो इज इज़ अ वेरी बिग वर्च्यू एंड इट इज़ नॉट ओवर एटेड ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट ओवर एटेड आज के ज़माने में जब हम बोलते हैं ना मैन वी टॉक अबाउट यू नो थर्टी मिनट्स पिज्जा एंड थर्टी मिनट्स लव एंड थर्टी मिनट्स अटैचमेंट एंड अफेक्शन उसमें भी लॉयल्टी <laughs> जो है वो हमेशा रिवॉर्ड की जाएगी कोई भी दौर कोई भी समय कोई भी वक्त आ जाए आप सोच रहे हैं हजीको है ये एक डॉग होके आज हम इसकी बात कितने सालों बाद ही पास्ट अवे इन 1935 लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट अ सेंचुरी आफ्टर ही पास्ट अवे और कई सारे स्टैचूज जो है जापान में इसके बनाए गए हैं ब्रॉन्स स्टैचूज बनाए गए हैं कई ऐसे हैं जो अपने मास्टर के साथ uh, पकड़ा हुआ है उसका और उस तरह का स्टैचू बनाया एंड फाइनली वन ही वॉज वेन ही यू नो डाइड ही अवे वेरिंग फॉर इज मास्टर टू काम वो वापस आने का उसका इंतजार करते 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 उसके इंतजार में जब वो मर गया तब उसका जो उसकी जो सिमेट्री है उसको जो साथ में जो दफनाया गया है वो उसके जो मास्टर थे जो प्रोफेसर थे उनके बिल्कुल बगल में उसको दफनाया गया है सो दैट इटलीस्ट आफ्टर द डेथ आफ्टर द पार्ट दे यूनाइट राइट जो आप कहते हैं ना कि जिसको आप कहते हैं प्यार अटैचमेंट मोह कनेक्शन इसकी कोई उम्र या कोई सीमा नहीं होती कोई बंधन नहीं होता मतलब इट इज़ जस्ट दी इवन द डेथ इज नॉट द एंड टू इट डेथ भी उसके लिए एंड नहीं होती दे माइट कनेक्ट दे माइट कम टुगेदर दे माइट रेसोनेट दिस इज वॉट इट टेक्स एंड दिस इज वॉट इट मीन्स इसी तरह का जब हम सिमिट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समाज में आती हैं याद आती हैं मुझे एक एक और याद आती है दैट यू नो टू पीपल मैन एंड वाइफ दे गॉट मैरिड एंड उनको पूरा ऑस्ट्रिसाइज कर दिया गया मतलब निकाल दिया गया जिसको हम बोलते हैं समाज से निकाल दिया गया निष्कासित कर दिया गया था और दे केम टुगेदर दे गॉट मैरिड एंड व्हेन दे एंड दे लिफ्ट हैप्पी एवर आफ्टर लेकिन एक उनके साथ एक प्रोटेस्टेंट था एक एक ज्यू था ठीक है एक क्रिश्चियन था एक ज्यू था क्रिश्चियन और जू जब उनका जब उनका निधन हुआ जब डेथ हुई तो ऑब्वियसली दे वांटेड उन्होंने एक ही चीज़ लिखी कि हमारा आप एक काम कीजिएगा कि वो ये जानते थे कि उनको साथ में दफनाया नहीं जा सकता उनकी सिमट्रीज़ अलग अलग होती हैं उनको साथ में दफनाया नहीं जा सकता तो वॉट दे डेड वो फोटोग्राफ भी एक बहुत वायरल हुई थी कि उनके उन्होंने कहा कि हमें जितना करीब हो सके उतना दफनाइएगा ताकि हम साथ में इवन आफ्टर लाइफ वी कैन स्टे टुगेदर एंड वी कैन स्टे विथ ईच अदर बिकॉज हमारे लिए जिंदगी में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है तो उनको जब दफनाया गया तो एक को आ, जो क्रिश्चियन सिमेट्री है उसमें दफनाया गया और एक को बिल्कुल उसी के ऑपोजिट दीवार से लगी हुई ज्यू सिमेट्री थी उसमें दफनाया गया और दोनों के कॉफिंस जब उनकी सिमेट्री के ऊपर एक आ, जो जिसको बोलते हैं टूम वॉल बनाई गई टूमस्टोन बनाया गया और उसमें उन्होंने दोनों ने एक एक वॉल के बीच में एक वॉल थी और एक साइड से दोनों वॉल्स के के को पार करते हुए उनकी जो टूम स्टोन्स थे वो लिखे गए और उनके जो टूम्स थे उसमें एक हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ा हुआ सा एक मोमेंटम बनाया गया एक मोमेंटो बनाया गया सो कैन यू कैन यू कैन यू अंडरस्टैंड दट वेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट लव जब हम बात करते हैं लव की वी से इट सो इजिली यू नो आई लव यू शूज मैन आई लव यू हेयर मैन आई लव दैट बैग मैन ओ आई लव दैट गाए आई लव दैट गर्ल इट इज नॉट अबाउट दैट इतना नहीं है राइट यू यू कैन नॉट इक्वेट दैट आपको समझना होगा कि वो कितना बड़े इमोशन को आप बात कर रहे हैं और कितना बड़ा इमोशन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आप ये चीज़ें बोलते हैं आपको उसकी गहराई समझनी होगी क्योंकि <coughs> आज जब आप बात कर रहे हैं ना ये 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 जो एज है आपकी इसमें अगर अगर हिल गया ना अगर ये का फाउंडेशन हिल गया कि अगर समझ में नहीं आया कि अगर आपको आपको एक इंसान के प्यार में और आ रहा बातें जो कैजुअली बोली जा रही है रिश्ता उतना ही फील उतना कैजुअल नहीं है ये बहुत बड़ी चीज है यू आर से वॉट एन इमोशन डैट योर इन्वेस्टिंग जो पूरी दुनिया को चलाता है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया अपनी जगह पर है क़ायम उसको अगर आप इतना छोटा इतना हल्का बना रहे हैं तो दिस इज़ नॉट डन राइट सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज योर योर यू नो टेक अवे फ्रॉम यर कि बहुत छोटे हो बहुत अभी बहुत पूरी जिंदगी पड़ी है बहुत लंबा सफर तय करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो चीज बोलते हैं जो फीलिंग की बात करते हैं वो बहुत बड़ी है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सोल कनेक्ट अफकोर्स आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम यू मुझे मालूम है कि आपकी एज में सब कुछ बहुत हरा हरा दिखता है बहुत अलग अलग सा बहुत अच्छा अच्छा सा दिखता है चीज़ें वैसी नहीं होती लेकिन हाँ सोल कनेक्ट किसी से भी हो सकता है एंड नेवर बी अशेम्ड ऑफ दैट नेवर बी अशेम्ड ऑफ दैट इफ यू से दैट यू नो माय डॉग इज माय ब्रदर यू कैन से दैट आप कह सकते हैं यू डोंट हैव टू वरी कि मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे या अगर आप कहते हैं कि यू नो आई फील माय मदर इज माई सोलमेट शी कैन बी उसमें हो सकती हैं बिल्कुल हो सकती हैं तो यू हैव टू गो आउट देयर एंड टीच पीपल दैट सोल मेट एंड लव इज नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन एंड द वन गाय और वन गर्ल गॉट इट एंड ऑल्सो कि लॉयल्टी हमेशा रिवॉर्ड की जाएगी हमेशा रिवॉर्ड की जाएगी और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी रिश्ते में जब हम बुनियादी बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्यार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो उसमें से एक होती है लॉयल्टी सो इट इज़ ओके राइट इवन द इन द ट्रांजेक्शन वर्ल्ड जो चेंजिंग दुनिया है चेंजिंग बदलती हुई दुनिया है उसमें भी अगर आपकी लॉयल्टी है अगर आप किसी एक को लेकर या एक से लॉयल रहते हैं वो हमेशा रिवॉर्ट की जाएगी ठीक है दिस इज द लाइफ लेसन एंड इट कैन बी एनी वे इट कैन बी एट वर्क इट कैन बी एट होम इट कैन बी विथ फ्रेंड इट कैन बी विद अ पैट इट कैन बी एनी एनी वेयर जस्ट बी लॉयल अगर आप लॉयल है ना अपने काम को ले कर तो आप सक्सीड करेंगे अगर आप लॉयल हैं अपनी पढ़ाई को ले कर तो आप यू विल डू वंडर्स के पता चला आप दो घंटे किताब ले कर बैठे हैं और पढ़ आप एक ही एक ही पेज रहे हैं तो दिस इज़ नॉट योर लॉयल्टी और दिस इज नॉट योर कमिटमेंट टू योर वर्क सो बी कमिटेड टू वट एवर यू डू एंड यू विल सक्सीड इट विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड ये जो बंदा आपको यहाँ दिख रहे हैं इनको देख के आपको क्या लग रहा है ही लुक्स लाइक अ वेरी यू नो अ ब्रॉनी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैन राइट और यूनिफॉर्म में है एंड वट इज़ होल्डिंग इन हैंड अगर आप देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि ही इज होल्डिंग अ इन पपी इन इज हैंड राइट क्यों पकड़े हैं ये और ये हैं कौन अब ये फोटोग्राफ बहुत पावरफुल इसलिए है लुक एट फेस लाइक बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल कोई भी एक्सप्रेशन uh, नहीं है है ना बिल्कुल जिसको कहते हैं पोको ही सिटिंग बट हु इज ही

Uh, मतलब थ्री सिक्सटी नाइन्थ इन्फेंट्री रेजिमेंट के के पार्ट थे ये और बेसिकली इनको न्यूयॉर्क गार्ड uh, बोला जाता है न्यूयॉर्क नेशनल गार्ड बोला जाता है और बहुत सारे नामों से और बोला जाता है मतलब द ब्रॉन्ज मैन भी बोला जाता है या ब्लैक रैटलर्स भी बोला जाता है बहुत सारे नाम है वर नोन फॉर देयर जिसको बोलते हैं ना दे वर द पीपल हु वर प्रोटेक्टिंग जिसको बोलते हैं नेशनल न्यूयॉर्क नेशनल गार्ड थे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ठीक है और बहुत फेमस थे बहुत कॉम्बैटिंग वॉरियर्स uh, थे सोल्जर्स थे एंड देवर वेरी ब्रेव गार्ड जिनके कई कमांडर्स थे जिनका बहुत नाम हुआ बाद में <coughs> उसमें से ये एक हालम हेल फाइटर है और वो इतना यू you नो know, जो आदमी uh, एक कमांडर है एक कमांडर है या एक हेल्थ uh, फाइटर है या एक गार्ड है या फिर एक सोल्जर है he is trying here and he is just sitting with a small pub जो कि उसने world war वन में बचाया है ठीक है तो कितनी बड़ी कितनी आप देख रहे हैं कि एक आदमी आप यू डोंट हैव टू जज द द बुक बाय इट्स कवर दिस इज वॉट इट इज कॉल्ड कि बाहर जब एक सिंपल सी चीज हो रही है ना यू डोंट हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट यू डोंट हैव टू बी वेरी यू नो जजमेंटल अबाउट द लुक्स एंड थिंग्स कि भाई ये आदमी ऐसा दिख रहा है ये आदमी ऐसे ही होगा समटाइम्स यू कैन नॉट जज पीपल उनके अंदर क्या है क्या नहीं है आप नहीं जज कर सकते एज अ वेरी फेमस कमांडर ऑफ द यू एस आर्मी ही सेल्फ दैट यू नो पीपल टेंट टू थिंक के हम बहुत हार्ड uh, हैं या हम बहुत यू नो हार्ड हार्टेड हैं या हमारा बिल्कुल वी आर हार्टलेस पीपल बट वी आंट वी डोंट वेयर अ बैचेज अंडर आर यूनिफॉर्म्स वी वी वेयर अ हार्ट इट मतलब हमारा जो काम है जो हम कपड़े पहनते हैं जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं वो हमारा काम है और हमें एक टफ एक्सटीरियर रखना पड़ता है बट नेसेसरली हम ऐसे इंसान हैं ये मायने नहीं रखता मतलब ये जरूरी नहीं है आपको उससे इक्वेट नहीं करना है मतलब वी आर ह्यूम इंसाइड हम ऊपर से कुछ भी करते हो कुछ भी काम करते हमारी जो फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक नाम आदमी के होते हैं जस्ट प्रोजेक्शन हमारा थोड़ा सा हमें टफ रखना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसे प्रोफेशन में हैं अगर हम बहुत जिसको बोलते हैं ढीलम तो ढाल हो जाएंगे और लुचपुच हो जाएंगे और एकदम हर किसी को लेकर एकदम ऐसे जिसको बोलते हैं ना अपने आप को बहुत वीक या वॉलरबल प्रूव कर देंगे या साबित कर देंगे तो हमारे लिए प्रोफेशनली बहुत दिक्कत हो जाएगी वी आर द ट्रेन यू नो वी आर द ट्रेन प्रोफेशनल वी आर द ट्रेन कॉम्बैट प्रोफेशनल्स uh, तो so, हमें उस तरह का प्रोजेक्शन रखना होगा तो इज़ ऑलवेज बेटर ये तो खैर एक uh, बात हो गई कि जब हम बात कर रहे हैं एक प्रोफेशन की या हम बात कर रहे हैं डिफेंस की या आर्मी की या सोल्जर्स की राइट वी आर टॉकिंग अबाउट देम लेकिन वैसे भी यू शुड नेवर जज अ बुक बाइट्स का वह आपको नहीं पता है कि जो बाहर से जो चीज़ दिख रही है वो अंदर से कैसी होगी दोनों चीज़ें होती हैं कई बार बाहर से कोई चीज़ बहुत कोई इंसान बहुत टफ दिखता है और अंदर से बहुत नरम होता है और कई बार होता है कि बाहर से इंसान जो है वो बहुत जिसको बोलते हैं ना बहुत मृत होता है बहुत मृतभाषी होता है बहुत मीठी मीठी बातें करता है बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है लेकिन यू नेवर नो कि उसके अंदर कितना क्या चल रहा है या या वो अंदर से कितना यू you नो know, जिसको विलेनस आप बोल सकते हैं उस तरह की प्रवृत्ति का है तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द लेसन दैट गोस हियर नेवर जज अ बुक By its cover. This is the lesson that you get here. अनदर लेसन दैट यू गैट हेयर इज कि आप कितना भी आ, कैसा भी काम करते हो आपकी एक डीड एक जो 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 जिसको बोलते हैं एक स्मॉल डीड ऑफ काइंडनेस वन स्मॉल डीड व्हेन यू ट्राइड टू गो आउट ऑफ द वे किसी और की मदद करने के लिए आपकी छोटा सा कदम किसी और को सहारा देने के लिए किसी और की रक्षा करने के लिए या किसी और को बचाने के लिए वो आपको इतिहास में अमर बना सकता है जैसे हुआ इस हेल्प फाइटर के साथ और बहुत सारे हेल्प फाइटर्स होंगे बहुत सारे उन्होंने इस शायद पपी को देखा भी होगा ही वॉज एक्स अलोन मूव्ड बाय दैट स्मॉल पपी एंड ही ट्राई टू सेव हिम राइट तो वो जो इसका जो डीड है जो एक जिसको आप बोलते हैं एक आप निस्वार्थ भाव से जब किसी की मदद करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से जब आप कोई कार्य करते हैं काज करते हैं काम करते हैं या कोई भी चीज़ जो आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के करते हैं वो हमेशा आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है एंड इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट एलिवेशन ऑल टुगेदर राइट right? तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख है इनकी जब हम बात करते हैं इनका एक जब हेल फाइटर्स की बात याद आई है मुझे हालम हेल फाइटर्स की तो हालम हेल फाइटर्स का एक बहुत बहुत फेमस <coughs> मोटो है और बहुत बढ़िया लगता है मुझे मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है लेकिन अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इट वॉज समथिंग लाइक डोंट ट्रेड ऑन आस या लेट मी राइट इट फॉर यू डोंट on us, God. Damn. Let's go. So this was. ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे तो ये जब हम बात करें आई जी क्योंकि तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होनी चाहिए ना तो हमें पता होना चाहिए कि ये हालम हेल फाइटर्स का मोटो था एंड इट वाज सच एन अमेजिंग सच जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल एकदम रॉकिंग टाइप का मोटो लगा था मुझे जब मैंने पहली बार उसको पढ़ा था एंड दैट स्टेड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक ये मेरे साथ रहा और बहुत लंबे समय तक मेरे पास मतलब मैंने शायद आप ही एज में पढ़ा होगा शायद सोलह सत्रह साल की उम्र में पढ़ा होगा बट इट स्टेड विथ मी एंड वट अ लवली मोटो एंड अ किक एस मोटो एज यू कॉल इट राइट डोंट ट्रेड ऑन नस गॉड डैम लेट्स गो आई एम नॉट टू श्योर एग्जैक्टली हो सकता है थोड़ा एक आध वर्ड इधर उधर हो <laughs> लेकिन मतलब यही था ठीक है सो यू गॉट योर लेसन है नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन एंड वी आर ओवर टू फोर्टींथ हम आते हैं अपनी चौदहवीं फोटोग्राफ पे अब ये जो फोटोग्राफ है वी आर अगेन बैक टू द वर्ल्ड वेरी रिच एंड फेमस एंड वेरी एफ्लुएंट है ना हम बहुत बहुत बड़े नाम की तरफ जा रहे हैं ऑफ कोर्स वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजबे एंड प्रिंस फिलिप ठीक है इनकी फोटोग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं दैट uh, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता था प्रिंस फिलिप की डेथ से पहले ये बहुत हैरानी की बात है मतलब आई एक्चुअली केम अक्रॉस पीपल जिन्होंने मुझसे कहा दैट दे दिन नो कि प्रिंस फिलिप वाज एक्चुअली दे वर एक्चुअली लिविंग टुगेदर एंड दे वर एक्चुअली यू नो मैरिड और क्वीन एलिजबेथ वॉज मैरिड मतलब वो लोगों को लगता था कि या तो वो सेपरेटेड हैं या डिवोर्स है या मे बी आई डोंट नो वट वट दे हैड ऑन माइंड बिकॉज दे वो अंडर द कंसेप्शन मिसकनसप्शन दे वो सेपरेटेड दे वो आर नॉट सेपरेटेड उनका एक एक रॉयल्टी का अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं वो जैसे हम रहते हैं नॉर्मली वैसे नहीं रह पाते रॉयल्टी का जैसे मैंने आपसे कहा ना द क्राउन द हेड दट वेयर द कराउन इज दवियस्ट तो हमें लगता है कि क्या है वो तो अपनी मर्जी से जी सकते हैं अपनी मर्जी से रह सकते हैं पर ऐसा नहीं होता एक और मैंने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी जिसका मतलब था कि जो रियासतों के राजा होते हैं वो मन के राजा नहीं हो सकते ठीक है ये एक बहुत सिंपल सी चीज है कि जो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि रियासत के जो राजा होते हैं ना वो अपने दिल के राजा नहीं होते अपने मन के राजा नहीं होते वो अपने हिसाब से अपने मन से चीजें नहीं कर पाते उनकी हर चीज जो है उस पर नजर रखी जाती है हर चीज स्टडी की जाती है वो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे कहाँ सोएंगे क्या क्या कैसे रहेंगे एवरी थिंग एवरी थिंग इज डिफाइंड बाय द रॉयल प्रोटोकॉल ठीक है <coughs> तो बहुत सारी चीजें थी तो इस वजह से देवर नॉट सेपरेटिव अलग नहीं थे ऑफिशियली अलग नहीं थे दे वर वेरी मच टुगेदर बट ऑफ़ कोर्स दे डिट

फिर हेम इतना उनके ऊपर इतना जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन नहीं थे वीन एलिजबेथ इन मूव विथ हेम एवरीवेयर राइट तो उनको बकिंग पैलेस में रहना ज़रूरी था एंड दैट इज वाई देर कंस्टर मेनी कंसिडर देम टू बी सेपरेटेड बट दे वर नॉट अब बात यह होती है कि जब ये बोला जाता है लोगों ने नेवर जब किंग प्रिंस फिलिप की डेथ uh, हुई तो रॉयल्टीज आर नेवर अलाउड फॉर पीडीए जिसको हम बोलते हैं ना पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है ना PDA, वो कभी भी उनको अलाउड नहीं होता दे डोंट डू दैट लेकिन व्हेन प्रिंस फिलिप

चौहत्तर साल 74 फोर ईयर्स दे वॉट टुगेदर देवर मैरिड हुआ सेवेंटी फोर ईयर्स न्यू ईच अदर फोर मच लॉन्गर देवर फर्स्ट काजन्स एंड देन दे गॉट मैरिड राइट और इनकी जब शादी हुई तो 20 नवंबर 1947 में दे गॉट मैरिड एंड दे स्टेड मैरिड फॉर ऑल दीज ईयर्स मतलब इतने सालों तक उन्होंने पूरी दुनिया अपनी साथ में बसाई साथ में रहे टिल द टाइम ही पास्ट अवे एंड वेन ही पास्ट अवे उस टाइम पे कहा जाता है कि बहुत क्वीन ने अपने आप वो जो मैसेज है जो बखिंगम पैलेस की तरफ से जो मैसेज हुआ बहुत वायरल हुआ व्हेन शी स्पोक अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल हु क्लोज टू हर इन द पैलेस दे टोल दैट वी हैव नेवर सीन द क्वीन मोर वनरेबल वो उससे ज़्यादा कभी वनरेबल नहीं रही ही वॉन्टेड टू स्टे विथ हिम शी वॉन्टेड टू बी विथ हिम इन दिस लास्ट डेज और उन्होंने किया भी पर क्या होता है लोगों को ना आप अगर देखते हैं सोशल मीडिया में आजकल हर चीज़ जो है वो लोग जो है वो ट्रोलर्स जो है ना ट्रोलर्स की एकदम इसको कहते हैं मंडी बनी हुई है हर किसी चीज पे हर किसी को ट्रोल किया जा सकता है तो इसके ऊपर भी क्वीन का जब मैसेज आया तो बहुत ट्रोल किया गया उनको करे इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है इनको क्या ही है इनको क्या फर्क पर, इनको अपने घर गृहस्थी से थोड़ा है इनका हमारे जैसा थोड़ा होता कि बड़ा कोई फर्क पड़ता हो बट कैन यू इमेजिन डोंट यू थिंक दैट वो क्वीन है वो एक अलग बात है बट शी इज अ वुमन शी इज़ अ पर्सन हु स्टेड विद अ मैन फॉर सेवेंटी फोर ऑफ अर लाइफ मतलब वो किसी व्यक्ति के साथ चौहत्तर साल अपने जीवन के किसी ने गुजारे हो और वो आदमी चला जाए तो एक इंसान के उस पर क्या क्राउन यार वो जो सोना जो uh, है उसको छोड़ दीजिए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी तो कम से कम वी कैन हैव ह्यूमन स्टैंड हम एटलीस्ट व्हेन वी आर बोर्न ह्यूमन तो कम से कम हम उस चीज का मान रखें और वी कैन हैव ह्यूमन स्टैंड ऑन थिंग्स हम कम से कम ये तो ना बोले ना कि ऐसा कैसे लग सकता है ऐसा कैसे हो सकता है तो वट आई नीड टू टेल यू हेयर इज आप लोग क्योंकि अभी उस जनरेशन के हैं <coughs> जब आप लोग फेसबुक पे जाते हैं या आप लोग यू नो निकलते हैं बहुत कुछ लिखते हैं आई सी जब हमारे वीडियोस जाते हैं बहुत सारे आप लोग कमेंट्स करते हैं कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं कुछ कमेंट्स आप लोग ऐसे करते हैं जो लगता है कि सीरियसली कि, कि आप लोग नाइन्थ टेंथ के बच्चे आजकल इस तरह की बातें भी करने लगे बट खैर व्हाट एवर द थिंग इज तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो चीज़ है ना अपने आप को नीचे मत लाओ अपने आप को हल्का मत करो डोंट बी अमंग दोस्ट चंक ऑफ ब्रेनलेस ट्रोलर्स राइट इफ यू कांट रिलेट टू सर्टन थिंग लीव इट आप छोड़ दीजिए आपको हर चीज़ में बोलना ज़रूरी नहीं है ठीक है आपको हर चीज़ में अपनी राय देना जरूरी नहीं है अगर आपको नहीं पता किसी बारे में या आप नहीं सोच पा रहे आप किसी की सेंसिटिविटी आप नहीं समझ पा रहे या किसी की भावनाएं आप नहीं समझ पा रहे यू डोंट हैव टू रियली कमेंट ऑन दैट राइट और आई मीन टू टेल यू इज मैं चाहती हूं कि जब क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं आई आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आपको ऐसी बेवजह बकवास नहीं करनी होती है ठीक है नेट पे आजकल लोग वही करते होते हैं आपको वो नहीं करनी है ईदर स्पीक सेंसिबली और कीप शट इट इज इंपॉर्ट इट इज ओके फाइन यू डोंट हैव टू बी द ट्रोलर देयर फर्स्ट थिंग फर्स्ट नाउ द लेसन दैट वी लर्न हियर इज कैन वी जस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट दिस टू अज फॉर सेवेंटी फोर आई कांट इमेजिन बींग कपल विद समन फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन लूजिंग देम शी मस्ट बी डेस्टेट आप सोचिए पचहत्तर साल किसको बोलते हैं लाइक like, आपकी उम्र जो है वो पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह साल होगी पचहत्तर साल किसी के साथ रहना किसको बोलते हैं एंड द पर्सन गोइंग अवे राइट सो इट इज नॉट अबाउट यू डोंट वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव दिस इज द लेसन दैट यू आर गेटिंग हियर यू क्या मतलब हुआ इस बात का यू डोंट वेयर Your heart on your sleeves. Right? मतलब नेसेसरली आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है बुरी लगती है आप किसी चीज़ से मूव होते हैं आपको दुख होता है तकलीफ होता है वो हर चीज़ जो है वो इज़ नॉट आउट देयर फॉर द डिस्प्ले और अगर आप उसको आउट देयर फॉर डिस्प्ले नहीं है या आप उस पर रोना गाना नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं होती या आपको दर्द नहीं होता ट्राई टू कनेक्ट टू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ट्राई टू एम्पथाइज विद दैम एंड इफ यू कांट इफ़ यू कांट देन स्टे एट पा at away stay away stay at you know at a distance that is okay आपको necessarily किसी को छोटा नहीं करना है और अपने आप को छोटा नहीं करना है किसी की feelings को ना समझते हुए got it? that is the lesson that you get here you don't wear your heart on your sleeves <coughs> and the last but not the least we are going to talk about this again a soldier एक एनोनमस सोल्जर जिसको हम नहीं जानते लेकिन जो कि हिस्टोरिकली बहुत अक्लेम हो गया है हिस्टोरिकली इतिहास की किताबों में अमर हो गया है इस तस्वीर के लिए जिस तस्वीर को आप देख सकते हैं जो यू एस सोल्जर शेक्स हैंड विद डॉग इन लक्समबर्ग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बल्टन नाइनटीन फोर्टी फोर

एंड्रेज दे टाइम एंड्रेज ओफेंसिव भी कहा जाता है इसको ठीक है और इसमें जब ये बात की जाती है एंड्रेज ओफेंसिव में तो ये भी बात बोली जाती है कि इसमें बहुत सारी चीज है एंड फाइनली देव बट देव आर नॉट एबल टू विन इट दे वो का कर नहीं पाए थे जर्मन फोर्सेज और फाइनली देव दे व यूरोप पुस्ट ऑफ वहाँ से हटा दिए गए थे फ्रॉम द काउंटर ऑफेंसिव हटा दिए गए थे लेकिन वो नहीं कर पाए थे बट खैर वो वॉर जो थी वो दिसंबर से जनवरी के आसपास चली थी वॉर तो नहीं कह सकते ऑफेंसिव अटैक कहा जाता है उसको चली थी बैटल ऑफ बल्ज कहा जाता है इसको 1944 में एंड इट फैशन जनवरी नाइनटीन राइट दिसंबर फोर्टी में स्टार्ट हुई थी जनवरी फोर्टी फाइव ख़त्म हो गई थी अब इस फोटोग्राफ के टाइम पर कहा जाता है कि ये एक जो यूएस सोल्जर की फोटोग्राफ है आप देख सकते हैं बर्फ में बैठा हुआ है एक यूएस सोल्जर और एक छोटा सा डॉग जो वहां का डॉग है उससे वो हाथ मिला रहा है शेक कर रहा है दिस दिस फोटोग्राफ फोटोग्राफ वेंट वेंट डाउन डाउन इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री वेरी वेल मतलब एक बात ये हुई अगेन मैंने कहा कि सोल्जर है या कोई कॉम्बैट वॉरियर है तो हमारे दिमाग में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग छवि होती है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हम उसको समझते हैं कि ये बहुत ही ये ये कैसे भावुक हो सकता है ये कैसे सेंटिमेंटल हो सकता है ये कैसे पिघल सकता है ये कैसे इसका दिल पिघल सकता है, है? राइट हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि वो कॉम्बैट वॉरियर्स हैं तो वो जो है बिल्कुल पत्थर के ही बने हुए हैं है ना हम वो भूल जाते हैं कि वो इंसान हैं उनके अपनी फीलिंग्स हैं और वो उनके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो फीलिंग जो कोई भी इंसान है कोई भी जीव है कोई भी व्यक्ति है कोई भी चीज भावना है वो फीलिंग वो कर सकती है जो कि उतनी ही जितनी आपके और मेरे अंदर करती है राइट right? ये चीज़ें हम भूल जाते हैं और ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट नो मैटर वॉट यूर डूइंग नो मैटर वे यू आर गोइंग इन लाइफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़िंदगी में कौन है क्या बनते हैं आपको अगर आप में वो संवेदनाएं हैं अगर आप में वो फीलिंग है किसी भी लिए किसी भी इंसान के लिए यू गॉट टू बी आउट देयर एंड डिस्प्ले दैट और कहते हैं ना कि एक जिसको छोटी सी चीज़ होती है वो बहुत बहुत कंफर्टिंग हो जाती है किसी आदमी का किया एक एक्ट किसी आदमी का किया एक जेस्चर किसी इंसान के बोले हुए कुछ शब्द आपको इतना गहरा असर देते हैं और आपको कंफर्ट करने में रीएश्योर uh, करने में इतना सार्थक होते हैं कि आपकी जितनी तकलीफ जितनी दुख दर्द होता है वो सब कुछ एक्सपेल आउट हो जाता है कम से कम उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप सब कुछ भूल सकते हैं जस्ट अ वर्ड ऑफ जिसको बोलते हैं ना अ कंफर्ट जस्ट अ कंफर्टिंग एक्ट इज़ इनफ जस्ट अ कंफर्टिंग एक्ट इज अफ बी सम्बडीज कंफर्ट बी सम्बडीज कंफर्ट किसी को अगर आप हैं तो आपके होने से किसी को वो कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए किसी को वो कंफर्ट वो खुशी वो सिक्योरिटी फील होनी चाहिए अगर वो होती है देन इट इज वर्थ इट राइट सो द लेसन यू टेक हेयर इज दंफर्ट ठीक है जैसा मैंने कहा कि किसी इंसान का कंफर्ट बनने की कोशिश कीजिए किसी आदमी का की आप जिसको कहते हैं ना कि किसी आदमी के लिए वो इंसान बनने की कोशिश कीजिए जिसको वो याद करता हो जब उसके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत आती हो या सबसे ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ हो अगर आप ये करने में सक्षम हैं अगर आप ये कर पाते हैं अगर आप वो इंसान बन पाते हैं किसी के लिए भी अगर आप वो इंसान बन पाते हैं जो कि फर्स्ट गो टू पर्सन हो यू नो हु द फर्स्ट गो टू पर्सन जिसके पास आप सबसे पहले जाना चाहें वो इवन अगर वो आपका डॉग भी है ना जैसे यहाँ पे है अगर वो आपका डॉग भी है ना और वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है एंड यू आर द दैट वन फर्स्ट गो टू पर्सन जिसके पास अगर कोई परेशानी है तो सबसे पहले दौड़ के आता है देन मैन यू हैव मेड इट आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सही कर दिया है ठीक है सो ऑन दिस नोट एंड आई होप दैट ऑन दिस नोट वेन वी आर एंडिंग दिस लाइफ स्किल सेशन एक बार इसको पूरे सेशन को आपने सुना होगा कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ऐसी लगी हो कि यार क्या ही बातें हैं ये बट वर एवर नथिंग वॉज रिटर्न एज यू कैन से एवरीथिंग दैट केम वज केम फ्रॉम विद इन मी मेरे अंदर से आई है तो शायद मैं उम्मीद करती हूँ वो जो बातें मन से निकलती हैं वो मन तक पहुँच जाती हैं ठीक है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को वैसे ही समझे होंगे जिस तरह मैं आपको समझाना चाहती थी और क्यों समझाना चाहती थी इसलिए समझाना चाहती थी कि जब हम टीचर्स होते हैं पेरेंट्स होते हैं गार्डियंस होते हैं कुछ भी होते हैं तो हमारा बहुत एक जिसको बोलते हैं ना नैतिक हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आपको वैसा बनाएं कि आपको कम से कम हम एक मोल्ड कर सकें और आपको वो बना सकें जो आपको लगता है रस यूनो कि कम से कम वी कैन मेक यू अ वर्दी सिटीजन और सबका यही प्रयास होता है हर वो इंसान जो आपका भला चाहेगा वो आपके साथ यही करना चाहेगा दैट दे विल Try to make you a worthy world citizen। मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करने की कोशिश करती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ लेने जाने आप लोगों के साथ भी यही कोशिश कर रही हूं अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कंफ्यूजन वैसे चीज नहीं थी ये लेकिन ये लेसन वहां पे मैंने लिखे वो लेसन एक बार दोबारा हो तो पढ़ लेना फिर से पढ़ लेना फिर से समझ लेना थोड़ा सा मुश्किल लगे आसान लगे मेरी कोई बात ऐसी लगी हो कि मैम ये नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना था तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे पता चलना चाहिए <coughs> देखना कैसे है वापस ये वीडियो यू you नो know कि आपको मैग्नेट रेंज पे जाना है हमारी वेबसाइट पे। आप जाएंगे आपको सारा कंटेंट जो है आपको मालूम है कि आपको अवेलेबल मिलेगा आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन देखेंगे के ट्वेल्थ से एन टी एस सी ओलंपियाड सब कुछ है ना ओलंपियाड पे जाओगे इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें इंग्लिश ओलंपियाड मैथ साइंस और जी के ओलंपियाड आपको मिलेगा उसमें जाना वॉचनाओ पे पे क्लिक करना वॉचनाओं पे क्लिक करोगे इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा इस विंडो में आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज मिलेगा यू जस्ट हैव टू गो टू द वीडियो जो आपको देख रहा है उसमें आपको वॉचनाओं पे जाना है ये विंडो ओपन होगी जो देखना हो आई विल सजेस्ट कि अगर कुछ नहीं भी तो जो पंद्रह लाइफ लेसेंस लिखे हैं ना मैंने वो एक एक करके अगर स्क्रॉल कर सको और उसको कहीं नोट डाउन कर सको मैंने कहा था जब मैं पढ़ने का हमने चालू की थी कि इसमें नोट कॉपी बुक की कोई जरूरत नहीं है याद है लेकिन अब अब एक काम करो कि एक बार इसको देखना और फर्स्ट से लेकर फिफ्टीन स्लाइड तक जाना और जो भी वो एक 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 नोट दिया है जो लाइफ लेसेंस है उनको कहीं पर बड़ा बड़ा सा लिखना सामने बड़ा बड़ा सा लिखना बोल्ड अक्षरों में लिखना और कोई भी जगह जिस पे आपकी नज़र पड़ती हो सबसे पहले सुबह आपकी क्लास में आपके मे बी आपका जो रूम हो उसके सामने की जो दीवार हो उस पर या वॉशरूम का जो दरवाजा हो उसपे वेयर एवर टेक माई एडवाइस राइट दो फिफ्टीन लाइन फिफ्टीन लेसन और उस पर लिखते जाइए वो एंड जस्ट स्टिक देयर कुछ नहीं करना है सिर्फ जस्ट टेक माई वर्ड आपको सिर्फ उसको स्टिक करना है मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको उसको रोज पढ़ना पढ़ने ही, आते जाते आपकी उसकी नजर पड़ेगी एंड ट्रस्ट मी ये साइकोलॉजिक कि वो आपके दिमाग में कब बैठ जाएंगे और वो कब आपकी पर्सनैलिटी में उतर जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा ठीक है दिस इज जस्ट डू इट बिकॉज़ एज़ व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप एंड व्हेन आई वाज़ योर एज आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती थी आई यूज्ड टू राइट इट देयर एंड नॉट नेसेसरली फोकस कि मुझे रोज पढ़ना है और रोज मुझे ऐसा बनना है नहीं करना होता है आते जाते देखोगे ना वो कब बैठ जाएगी आपके दिमाग में कब समाती जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा जैसे कई बार मैं आपको ऐसे कोटेशन बताती हूँ ना जो मैंने आपकी एज में पढ़े ऑफकोर्स वो मैंने खड़े होकर रटे नहीं है कहीं कि मैंने याद किए हैं कि मुझे तो ये कोटेशन याद होना चाहिए वो पढ़ते पढ़ते रह गया और वो इतने लंबे समय तक आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें रह गया और कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो अगेन आई वाई टोल्ड यू ये पंद्रह देखना और वो जो सिर्फ पंद्रह लेसन हैं उनको लिख के कहीं लगा लेना ठीक है दाओ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ये जो मैंने लाइफ लेसन किए हैं शायद मैं थोड़ा क्योंकि कहीं कुछ लिखा नहीं था एंड uh, मैं थोड़ा सा बह गई तो शायद मैंने थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी ज़्यादा हो गया है शायद इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा मैंने बोला है लेकिन मैंने मेरे ख्याल से उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो चीज़ मैंने अंग्रेजी में बोली है उसको हिंदी में बोलने की कोशिश की है तो वो समझने में आया होगा लेकिन ये तो खैर रही मेरी बात लेकिन अब बात बात करते हैं मैगनेट ब्रिंस पे मैगनेट ब्रिंस में जो हिंदी के विद्यार्थी थे वो अक्सर ये शिकायत करते थे कि सब कुछ अंग्रेज़ी में लिखा भी जाता है जो वो पढ़ाया भी जाता है वो भी तो वट यू नीड टू डू इज कि उन्होंने कहा कि भाई अब हमारा कुछ होना चाहिए ना कि जो कम से कम लिखा हिंदी में जाए तो अब आ गया हमारा एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम चैनल उसमें सब कुछ जो है जो लिखा जाएगा पढ़ाया जाएगा बोला जाएगा सब कुछ हिंदी में होगा हमारी अपनी भाषा में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब इसके बाद मैं बताऊं आपको कि हमारा जो डेली वीडियो है वो कैसे जाएगा स्केड्यूल मंडे ट्यूसडे वेंसडे आता है हफ्ते में तीन दिन कौन सा सोमवार मंगलवार बुधवार सुबह दस से शाम के सात बजे तक अलग अलग अंतराल में आता है अलग अलग इंटरवल्स में दस बजे आता है आईओ ईओ एक बजे आता है एमओ ओ चार बजे आता है एनएसओ और शाम के सात बजे आता है आई अब ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा आपने इसको ऑलरेडी अपने उस पर डाला होगा ठीक है मतलब अभी तक तो प्रीमियर वगैरह सब मालूम है ना कि आपको आ जाते होंगे सब पता चलता होगा यूट्यूब वगैरह तो मैंने जैसे कहा कि वैसे ही प्रो हैं आप लोग उसमें आपको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है मतलब आप लोग तो इतना सही हैं इतना ज़्यादा जानते हैं कि क्या मतलब बात ही नहीं है कुछ तो ठीक है तो इसमें YouTube पे आपको मालूम है कि यहाँ पे भी सेम है आपको हमारे चैनल कैसे एक्सेस करना है कैसे पढ़ना है ये वीडियो चाहो तो YouTube पे भी देख सकते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे लगी और ये जो पंद्रह मैंने बोला है ना कि पंद्रह लिख के लगाना ये लगाना और अगर कुछ फर्क दिखे महीने दो महीने एकदम से नहीं होगा रातों रात महीने दो महीने छह महीने साल भर में सो डू लेट मी नो पक्का ओके okay? और हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको फेसबुक पे और वैसे इंस्टा हैंडल पे मिल ही जाते हैं सो ऑल यू नीड टू डू इज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके और अब ऑन दिस हैप्पी नोट ऑन द लाइफ स्किल आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा यूजफुल होगा सुन के अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ चेंजेस और कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप लोग करना चाहेंगे Fine. So, on this note, stay happy, stay tuned there, and be very good. Thank you so much.